स्टार्ट करते हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी कैरियर के ऊपर में डिस्कशन होने वाला है और एक ऐसा वेबिनार है जिसमें हम कुछ चीजें डिस्कशन भी करेंगे। आप लोग जो है कुछ चीजों को आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट, जो भी वीडियो जाएगा, ठीक है, तो उस चीज से वो लोग समझ पाए कि जो साइबर सिक्योरिटी है इसके अंदर में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, हम किस तरीके से अंदर में करियर बना सकते हैं साइबर सिक्योरिटी। तो जैसे कि साइबर सिक्योरिटी है जो स्टडी है, ये बहुत ही डिमांडिंग करियर ऑप्शन है। जो लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, जो लोग बीटेक कर रहे हैं, कोई भी टाइप के कंप्यूटर के थ्री ईयर डिप्लोमा या फिर कोई भी कंप्यूटर का कोर्सेस करी है, और देन वो अगर चाहता है कि अपने करियर को साइबर सिक्योरिटी में स्विच करना, इंटरनेट का सिक्योरिटी करना, सर्वर में स्टोर जो डाटा होता है उसका सिक्योरिटी करना, नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है उसके अंदर में क्या क्रिप्टोग्राफी इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या प्रोटोकॉल्स है, कौन सा इसमें सिक्योरिटी कर सकते हैं, किस तरीके से सिक्योरिटी डिवाइसेस बनाएगा, ये सब पूरा बहुत सारे इसके अलग अलग रूल्स रहते हैं सिक्योरिटी के, ठीक है, सिक्योरिटी करने का बहुत सारे चीजें रहते हैं जो हमको सीखना पड़ता है। तो चीज क्या है, कौन से प्रोफेशन होते हैं, कैसे आप वो प्रोफेशन के ऊपर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं जॉब के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अपना ब्राउजर टैब ओपन करिए और यहाँ पर सर्च करिए साइबर सिक्योरिटी जॉब, सर्च करिए, कौन को साइबर सिक्योरिटी जॉब, तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो भी कंपनियां हैं कौन सा कंपनियां अभी हायर कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स को, जिन्होंने भी कोई ट्रेनिंग वगैरह करी हुई है साइबर सिक्योरिटी को, तो हमको देखने को मिल रहा है अभी कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर समथिंग, और उसके बाद में यहाँ पर मिल रहा है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर जो कोलकाता के अंदर में है। तो जैसे कि आप कोलकाता के नियरेस्ट पे रहते हैं तो आपको नियरेस्ट पे मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करिए और बाकी और भी 100+ जॉब यहाँ पर वेट कर रहे हैं, देन हम जा सकते हैं अलग अलग वेबसाइट में रजिस्टर कर सकते हैं। रिमोट वर्क बहुत सारे हैं, हम लिंक्डइन के थ्रू अपने करियर ब्राइट कर सकते हैं अगर हम वहाँ पर प्रोफाइल बना रहे हैं, बहुत सारे जॉब वहाँ पर भी मिल जाते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें ऐसी बात नहीं है कि 30 वैकेंसी है कोई पर्टिकुलर पोजिशन पे, उसके ऊपर में 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि ज्यादातर केसेस में सरकारी नौकरी में होते हैं, प्राइवेट नौकरी में भी सेम चीज ही होता है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी में क्या है ना कि यहाँ पर जो अलग अलग जो लोगों की जरूरत है, जैसे कि अगर मान के चलो कोई कंपनी है वेबसाइट डेवलपमेंट करने का, तो देखा जाता है कि उनके जो सर्वर है, उनके जितने भी सिस्टम है उसके अंदर में वो लोग इतना अच्छे से सिक्योरिटी ना करने के कारण पे उनके पूरा का पूरा सर्वर जो है हैक हो जाता है। देन क्या होता है कि वेबसाइट के अंदर में मास डिफेसमेंट अटैक होता है, राइट, तो अलग अलग जो वेबसाइट उनके क्लाइंट का वेबसाइट होता है वो हर वेबसाइट एक साथ डिफेस हो जाता है, ऐसे तरह तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो जो सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है इनके डिमांड हर एक कंपनी में होता है। अब देखोगे कुछ जगह पे क्या है ना कि साइबर सिक्योरिटी किस तरीके से करना है उसके लिए अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना होता है, तो उसका जो आर्किटेक्चर है वो साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट लोग बनाते हैं, उसका जो एक्चुअल उसके ऊपर में काम करना, चीजों को तैयार करना, उसको रियलिटी में बदलना जो उनका थिंकिंग है, तो उसको बनाने के लिए भी जो है अलग अलग तरीके से साइबर सिक्योरिटी जो इंजीनियर्स होते हैं, जैसे कि कोई इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम या फिर इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम बनाना हो, कोई हनीपॉट वगैरह को डिजाइन करना हो कोई एडवांस टाइप का, ठीक है, तो ऐसे चीजें को जो है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स बनाते हैं। तो अलग अलग जॉब्स आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसमें से जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर वाला प्रोफेशन है ये बहुत सारे लोग करते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करिए और इसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आप देखिए, जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का आपको यहाँ पर जॉब देखने को मिल रहा है। इसका जो सेकेंड जॉब आप देख सकते हो नीचे में देखिए जॉब्स बाई करके जो है, हाँ, तो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर PwC का मैं नहीं बता रहा था आपको, जो सेकेंड में था ना, बैक करिए, कौन कौन जो जॉब जा रहा था, तीन जॉब जा रहा था इसमें, जो सेकेंड जॉब है थोड़ा सा नीचे जाइए, थोड़ा सा नीचे देखिए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, हाँ वो वाला, ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखी हुई है कुछ चीजें, जैसे कि जॉब टाइटल लिखा हुआ है और उसके बाद में कंपनी के बारे में बताई गई है। रीड मोड के ऊपर क्लिक करिए, आप रीड मोड का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करिए, नीचे में देखिए रीड मोड का बटन है उस पर क्लिक करिए, इसके बारे में हमको और भी डिटेल्स चाहिए, थोड़ा सा नीचे जाइए, देखिए रीड मोड का बटन है। तो देखिए यहाँ पर पोजीशन समरी बताई जा रही है, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन बताई जा रही है, तो जिसने डिग्री ली हुई है कंप्यूटर साइंस के ऊपर में
या फिर देखिए आपको इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस की बात करी जा रही है, मतलब जो इस प्रोफेशन से काम कर रहा है, ठीक है, या फिर मान के चलो कि आपने अपने स्किल्स को अच्छा बनाने के लिए अपने हैक द बॉक्स स्टडी हुई है, तो आप वहां पर प्ले करते हो तो वहां पर भी आपको जॉब ऑप्शन मिलते हैं। आप अगर कोई बग बाउंटी करते हो या फिर कोई कंपनी के अंदर में अगर आप काम लगा चुके हो कोई तरीके से और उसमें आपका एक्सपीरियंस है, उस केसेस में आपका डिग्री सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उस केसेस में आप क्या कर सकते हो, आप अपने एक्सपीरियंस के दम पे भी काम पा सकते हो। मतलब ये क्या है ना कि जो लोग डूअर्स हैं, जो लोग कुछ करते रहते हैं कुछ चीजों में, उन लोगों को ही यहाँ पर बुलाई जा रही है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई है, क्या बताई जा रही है यहाँ पर, सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, राइट। उसके बाद में बताया जा रही है यहाँ पर कि साइबर सिक्योरिटी टीम के साथ में उनको काम करना है, ठीक है, आप देख सकते हो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, कि सिक्योरिटी के साथ इनिशिएटिव एस्केलेट द एप्रोप्रिएटली, ओके, तो यहाँ पर बताया जा रही है। तो ठीक है, बताया जा रही है इंसिडेंट रिस्पॉन्स के बारे में, ठीक है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स इन्वेस्टिगेशन बताया जा रही है यहाँ पर कि इनकॉर्पोरेट सिक्योरिटी वैलिडेशन एंड सपोर्ट फॉर वल्नरेबिलिटी रिमीडिएशन। तो जो वल्नरेबिलिटीज होंगे, जो वीकनेसेस है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में, नेटवर्क के अंदर में, तो उसको जो माइटिगेशन करने का काम रहता है, फिलहाल एक काम सिक्योरिटी एनालिस्ट का भी होता है, लेकिन एक सिक्योरिटी इंजीनियर को इस सब चीज़ों को करने के लिए कुछ चीज़ें बनाना पड़ सकता है कि आप रिमीडिएशन हम करेंगे तो आप कुछ बना के दीजिए जिस चीज़ से इस काम को हम थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सपोर्ट, तो सपोर्ट के लिए आप इंजीनियर का क्या काम है, सपोर्ट के लिए इंजीनियर का काम यह है कि वो ऐसे टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई अटैक हो रहा है और उस अटैक की वजह से कुछ रिस्क है, कुछ रिस्क की वजह से कुछ थ्रेट है, एक डर तैयार हो रहा है थ्रेट, तो जो सिक्योरिटी इंजीनियर रहेगा उसका कुछ ऐसा काम रहेगा कि वो ऐसा कोई चीज बना दे, आईडीएस बना दे या फिर आईपीएस बना दे जिससे कुछ डिटेक्शन हो जाए, प्रिवेंशन हो जाए। ऐसा कोई फ्रेमवर्क है, जैसे कोई नीस फ्रेमवर्क हो गया क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी को करने के लिए, कोई साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो गया, उसका कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, वो कैसे हेल्प करेगा, उसको रेगुलर कैसे हो पाएगा, इसके ऊपर में उसके किसी टूल्स को बनाना। जैसे कि अगर मान के चलो आप ऐसे एक टेक्नोलॉजी भी आपको पता होगा, उसका नाम बताना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ऐसा स्कैनर बताइए जो एकदम प्रूफ बेस्ड स्कैनिंग करता है। आपको इस चीज़ के नॉलेज है, आप एक स्टूडेंट हो, CH1 के इंटर्न हो, आपको तो पता ही होगा इस चीज़ के बारे में, तो बताइए ऐसा कौन सा टूल है जो स्कैन करता है और प्रूफ भी दे देता है कोई एक पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी एग्जिस्टिंग करने का। नेट स्पार्कर, ऐसा कौन सा टूल, ऐसा कौन सा स्कैनर है? नेट स्पार्कर, हेलो, नेट स्पार्कर। तो नेट स्पार्कर का एक थोड़ा सा दिखाइए किस तरीके से इसका यूज करते हैं, किस तरीके से इसका यूज करते हैं। इसके अगर कोई आर्किटेक्ट ने ऐसा बताया कि हम इस तरीके से इसको बनाएंगे, देन उसको साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट लोगों ने इस चीज के बारे में गाइडेंस दे दिया, देन उसके बाद में ऐसा एक टेक्नोलॉजी बन गया जो सिक्योरिटी इंजीनियर्स ने बनाया होगा, तो इसका यूज करके आसानी से जो है वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करी जा सकती है और उसके प्रूफ कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, कि फॉल्स पॉजिटिव ना हो, ऐसा चीज आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन आप दिखाइए उस चीज का कि हाउ एक्चुअली इट वर्क और उनके जो रिपोर्ट होते हैं किस तरीके से काम करते हैं, ये जो ग्लोबल स्टैंडर्ड होते हैं, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होते हैं साइबर सिक्योरिटी का, वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, उसके स्पेसिफिक क्या रिपोर्ट निकाल सकते हो, तो कैसे होता है वो थोड़ा सा इस चीज के बारे में बताइए दिखाइए। अच्छा, नेट स्पार्कर के मदद से आप जो बोले सब है ठीक है। अब एक साइट को हम स्कैन करेंगे, तो नॉर्मल से एक साइट ले लेते हैं, एक कंपनी समझिए, एक डेवलपिंग वेब डेवलपमेंट कंपनी का कोई साइट एक लेते हैं। अच्छा, हाँ समझिए, इस साइट को हम स्कैन करेंगे और साइट के अंदर क्या क्या है सब वगैरह वगैरह। इस साइट को हम स्कैन करेंगे, ये है नेट स्पार्कर। हेलो,
अच्छा वाइड आप तो जाना पहचाना से लोगों का ही कंपनी है, काइंडिस कंपनी में काम करता हूँ हाँ जो भी। हम भी इसके साथ जुड़े हैं हल हल फिल हल में। ये स्कैन कर रहा है, नेट वर्कर स्कैन कर रहा है। आपने कौन सा कंपनी के साथ जुड़े हैं, वाइड ऐप के साथ? अच्छा हाँ स्कैन करते, पहले तो ये क्रॉल करेगा साइट को अच्छे तरीके से जो उसके अब जो चल रहा है, वल्नरेबिलिटीज हैं। तो वो उसके वल्नरेबिलिटी सामने लाएगा, फिर उसको अटैक करके दिखाएगा, मतलब लाइव अटैक होगा साइट के अंदर जैसे कि हो रहा है अभी। जैसे कि नॉर्मली आप देख सकते हैं साइट के अंदर क्या क्या है, CSS फाइल वगैरह ये सब एकदम देख सकते हैं, JSS प्लगइन्स क्या क्या लगा रखा है, बूटस्ट्रैप यूज हुआ है, ईमेल एड्रेस डिस्क्लोजर आपको मिल गया इधर से। ठीक है, अब नॉर्मली साइट का अब जो वल्नरेबिलिटीज है इधर आ रहा है कि आउट ऑफ डेट वर्जन, मॉडर्नाइजर क्लासिफिकेशन भी दे जा रहा है, इस क्लासिफिकेशन के अंदर वल्नरेबिलिटीज है। ये ऑटोमेटिक आपको आपके लिए साइट जो साइट्स आप स्कैन करते हैं आपके लिए एक फाइल रिपोर्ट फाइल तैयार करके देता है। जैसे कि मेरा एक तैयार होके बैठा है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है वो किधर गया, तो जैसे कि कॉन्को अगर कोई सभी हाँ कोई बोलिए। तो जैसे कि कॉन्को एक वल्नरेबिलिटी होता है उसके, हमको पता चलता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी है जो हमने व्हाट वेब से निकाली हुई है या फिर कोई टूल्स को यूज करके निकाली हुई है, तो उसके जो पर्टिकुलर वर्जन रहता है ड्यूरिंग द VAPT जो हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं, तो जब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर सर्विस के ये वर्जन है, तो हम करते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, तो हमको फाइंड करना पड़ता है कि उसके कोई लोकल कोई ऐसा भाई कोई एक्सप्लॉइट मेरे मेटास्प्लॉइट के माध्यम से या फिर कोई गूगल के अंदर में उसके कोई हिंट मिल जाए कि हम एक्सप्लॉइट उठा के उसको करें, अच्छा तो इस चीज को भी हम कर सकते हैं कि वल्नरेबिलिटी जो है पता लगा लिए, पर्टिकुलर कौन सा वर्जन है वो दिख लिए, उस पर्टिकुलर वर्जन का कोई एक्सप्लॉइट ऑनलाइन पे अवेलेबल है कि नहीं है वो भी हमने चेक कर लिया। तो इसी चीज पे एक डेमोन्स्ट्रेशन चलिए करते हैं, आप करिए इस चीज को करके दिखाइए। आई सी आई होप यू नो दैट। तो पर्टिकुलर कोई समझ लो कि सर्विस चल रहा है तो ज्यादातर लोग तो FTP के साथ बहुत ही फेमिलियर होते हैं स्टूडेंट, तो जो FTP कोई पर्टिकुलर मान के चलो उसका कोई वल्नरेबिलिटी है, जैसे कि अगर आप मेटास्प्लॉइट टेबल रन कर रहे हो तो इंटेंशनली वल्नरेबल है, जैसे कि अभी आपने स्कैन किया वाइड ऐप का, तो एक हाँ कंपनी हमको परमिशन नहीं दी हुई है पेनिट्रेशन नहीं टेस्टिंग करने नहीं का, तो वी कांट एक्सप्लॉइट दिस वल्नरेबिलिटी। सिर्फ तो दिखा सकते हैं जो जैसे है कि हम आप दिखा रहे मेटास्प्लॉइट हैं। टेबल जो है उसके अंदर में पहले से ही बहुत सारे वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करता है, तो इस तरीके का रिपोर्ट बनाता है ये, देखिए कौन सा आप इस तरह का रिपोर्ट बनाता है ये साइट नेट्स वर्कर सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटेड रिपोर्ट आपके लिए तैयार कर देता है पेंटेशन टेस्टिंग ओके। का। तो इसके अंदर में और जो वल्नरेबिलिटीज हाँ है एकदम एसक्यूएल इंजेक्शन है, तो प्रूफ ऑफ एक्सप्लॉइट भी ओके दिया है इन्होंने, क्या रिक्वेस्ट है क्या वगैरह वगैरह सब कुछ, कौन सा डेटाबेस में ओके हम इसको इंजेक्ट कर सकते हैं वो भी दे चुका है, डेटाबेस वर्सन भी दे रहा है, यूज़र भी दे रहा है, और जो रिस्पॉन्स वगैरह सब कुछ दे रहा है, और एक्शन टू टेक क्या करना चाहिए वो भी बता रहा है। और इसके राइट साथ इसका जो मतलब और इन्होंने रेफरेंस CV भी दे दे रहा रहे है हैं उसको रेफरेंस रिमीडिएट कैसे के। करना है, सब चीज के ऊपर में भी जानकारी यहाँ पर हाँ दिख रहा है। एकदम। और दूसरा इन्हें एसक्यूएल इंजेक्शन, नॉर्मल एसक्यूएल इंजेक्शन दिखा रहा है, इसका भी नहीं कैसे उन्होंने करना। एक रेफरेंस के अंदर में तो वो भी दिया हुआ है ना कि रिमीडिएट कैसे करना है, हाँ तो वो भी दिया रिमीडिएट हुआ कैसे है करना है उसके ऊपर में भी बताया। रेमेडी, द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर राइट कोड अगेंस्ट एसक्यूएल इंजेक्शन इज उसके यूजिंग रिमीडिएशन का स्टेप्स बताए जाए। पैरामीटर्स क्वारीज को ठीक ठाक करके
करा जा सकता है, और ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न लैंग्वेज प्रोवाइड. अच्छा, अपडेट करना पड़ेगा आपका जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आप, उसको अपडेट करना पड़ेगा. और नॉट क्रिएट आर डायनेमिक एसक्यूएल क्वेरीज बिल्कुल क्रिएट करना ही नहीं चाहिए. और जो वल्नरेबिलिटीज है सबका एक्सप्लेनेशन, हर तरह की एक्सप्लेनेशन देता है. तो जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्रॉब्लम था जो भटटन को पढ़ा बता रहा था. अच्छा, ओके, तो इसके अंदर में एक वल्नरेबिलिटी था जो पर्टिकुलर भटटन को बता रहा था कि वो पर्टिकुलर भटटन जो पुराना है उसको अपडेट होना चाहिए. तो उस पर्टिकुलर भटटन के कोई एक्सप्लॉइट ऑनलाइन पे अवेलेबल है कि नहीं है वो हम करते हैं, लेकिन एज एप्लीकेशन के ऊपर डायरेक्ट हम अटैक नहीं कर सकते. नहीं, हमारा तो परमिशन नहीं. जो मेटास्प्लॉइटेबल टू है उसके अंदर में पहले से ही बहुत सारे एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटी है जो हम एक्सप्लॉइट करके देखेंगे. यस, कौन सा बताइए, क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं, हेलो, हम करते हैं. आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, जरूर. हाँ, ऑडिबल? या हाँ, ओके. तो यस, तो मैं जो बता रहा हूँ कि जो मेटास्प्लॉइटेबल टू है अब उसके अंदर में जाइए और पर्टिकुलर कोई भी एक वल्नरेबिलिटी जो पहले में रहेगा, कोई भी एक सर्विस रन होगा तो पहला जो भी सर्विस होगा अब उसके वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके थोड़ा सा दिखाइए स्टूडेंट्स को. जो मेटास्प्लॉइटेबल टू है आपके वर्चुअल मशीन के अंदर में चल रहा है, उसको वर्चुअल मशीन में इसलिए बनाई गई है ताकि उसका जो यूज है मिस यूज ना करी जाए, किसी के रियल कंप्यूटर के अंदर में उसको एज ए ISO फाइल डाल के उसको एज ए रियल मशीन ना चलाई जाए. तो दरअसल इसको मेटास्प्लॉइटेबल बोली जाती है, मेटास्प्लॉइट से हैकेबल है इसलिए. तो एक वर्चुअल मशीन है जैसे कि आप जानते हैं, तो इसके जो वल्नरेबिलिटीज है, इसके जो अलग अलग सर्विसेज चलते हैं जैसे FTP का हो गया फाइल ट्रांसफर के लिए, अगर हम वो हैक कर लें तो सर्वर में जितने भी फाइल स्टोर रहेंगे हम उसको देख सकते हैं. तो इसको आप स्टार्ट करिए और देन इसके एक्सप्लॉइटेशन करके दिखाइए. ओके, स्टार्ट कर चुका हूँ. तो इसका तो इसके IP अभी आपको मिल गया, यहाँ पर आप if config लिखेंगे तो आपको IP दिख जाता है, राइट? तब यहाँ पर लिखिए if config और देन आपके जो काली नेक्स है उसके यूज करके आप इसको जो है यू कैन ट्राई टू हैक इट, राइट? तो मेरा स्प्राइट यूज करके आप इसको कर सकते हो. देन वी विल IP टॉक मिल अबाउट गया. सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है होते हैं अलग अलग लेवल के जो लोग होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, उस प्रोफेशन के रिगार्डिंग हम बातें करेंगे. ओके, इसको करना क्या है? हाँ, अभी IP को कॉपी करिए और उसके बाद में काली के माध्यम से इसको स्कैन करिए. तो हमारे पास में नेटवर्क डिस्कवरी स्कैनिंग टूल है इन मैप, इसका यूज करके हम नेटवर्क डिस्कवरी करते हैं, सर्विस को स्कैन करते हैं, जिसको वो पता है. तो एक नॉर्मल स्कैन करिए आप. आप एक न्यू टर्मिनल ओपन करिए. क्या है कि मेटास्प्लॉइट से सीधा कॉपी नहीं होता है. 192.168.176.192.168. हाँ,
ये हमने स्कैन में लगा दिया, इतना सारा पोर्ट ओपन है मेटास्प्लॉइट टेबल के अंदर, अब हम करें क्या करें क्या? हमको किसी एक पोर्ट से कनेक्ट कर लेना चाहिए है कि नहीं? हाँ ओके, तो यहाँ पर जैसे कि एक पोर्ट, तो यहाँ पर जैसे कि एक आपको एक पोर्ट मिला है एफटीपी का, तो ये जो एफटीपी का पोर्ट है सबसे पहला, आप इसका वर्जन देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, वर्जन स्कैन करोगे, वर्जन स्कैन करिए। तो वर्जन है 2.3.4 और 2.3.4 है। तो ओके, तो इसका जो वर्जन है VS FTPD का, ठीक है, तो इसका आप चाहते हो कि इसका एक्सप्लॉइट करना है, मतलब इस वल्नरेबिलिटी को हैक करना, तो आप क्या करोगे इसके बारे में गूगल करोगे। तो जस्ट सर्च ऑन गूगल, आप एक बार इसको गूगल में सर्च करिए, इसके बारे में ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करिए, देखिए कि अगर कोई एक्सप्लॉइट इसके बारे में अवेलेबल है कि नहीं है, तो जो बेसिक लर्नर्स होंगे समझ पाएंगे किस तरीके से वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को करी जाती है, कोई पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी हैकेबल है कि नहीं है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। आप काली नेक्स्ट के अंदर से इसको कॉपी करके सर्च कर सकते हो। हाँ पता है, और इसका मतलब ये भी मिल गया है, बैकडोर मिल चुका है हमको। मॉड्यूल ऑपरेशन क्या करना है, हम मेटास्प्लॉइट की मदद से मेटास्प्लॉइटेबल को हैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो VHTTP का एक बैकडोर है, जो यहाँ पर हम टारगेट आईपी सेट करके देन ऑप्शंस चेक करके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वेरी सिंपल, मतलब कुछ फ्यू यहाँ पर चीजें करना पड़ रहा है, ठीक है, तो फ्यू ऑप्शंस तो हमको सेट करना पड़ रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मेटास्प्लॉइटेबल जो है मेटास्प्लॉइट से हैकेबल है, तो इसके अंदर जो वल्नरेबिलिटी होंगे जैसी बात है वो भी एक्सप्लॉइटेबल होंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर सर्वर में सेम वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करो, लेकिन आपको जो है देखना पड़ेगा, जैसे कि हमने एक चीज का देखा, तो मेटास्प्लॉइट जो है वो एक एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है, राइट, तो उसका यूज करते हैं हम लोग वल्नरेबिलिटी के ऊपर में एक्सप्लॉइट डिलीवर करने के लिए। तो आप एक न्यू टर्मिनल या फिर इसी टर्मिनल के नीचे में जाके लिखिए MSF कंसोल और मेटास्प्लॉइट को ओपन करके आप सर्च करिए उस पर्टिकुलर वर्जन के ऊपर में कुछ अवेलेबल है कि नहीं, MSF कंसोल लिख के एंटर मारिए। हमने MSF console टाइप किया आपके टर्मिनल में? हाँ हो रहा है। कौन को? हाँ हो रहा है। हेलो। हाँ हो रहा है। ओके। तो यहाँ पर आप सर्च करिए, लिखिए सर्च सर्च
सर्च और उसके बाद SEARCH क्या SEARCH सर्च SEARCH आप सही से सुनिए SEARCH सर्च स्पेस और उसके बाद में उसका पेस्ट कर दीजिए वो जो आपने कॉपी किया था उसका FTPD का उसका कॉपी कर दिया डाल दीजिए मिल गया एक्सप्लॉइट तो इसको यहाँ पर लिखिए यूज और उसके बाद में उसका पेस्ट कर दीजिए वो जो एक्सप्लॉइट का पाथ है उसको पेस्ट कर दीजिए ये पूरा पूरा यस आप आईपी डालना है क्या तो शो ऑप्शंस करके आप देख सकते हो कि कैसे इसको यूज करना है होस्ट का एस होगा क्या आप इसको रिमूव करिए आप ऐसे ACT आपको इतना कैपिटल में नहीं लिखना है आर होस्ट को आपको कैपिटल में लिखना है तो आप इस पर एक बार शो ऑप्शंस करके देख लीजिए मतलब इसको एक्चुअल में यूज कैसे करना है शो ऑप्शंस तो कुछ कुछ केसेस में आपको तो पता नहीं होगा कि कैसे एक्सपर्ट को यूज करना है ठीक है तो उस केसेस में आप देख सकते हो शो ऑप्शंस तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आर होस्ट है और एल पोर्ट भी है तो यहाँ पर जैसे कि आर होस्ट है हम इसको सेट करने चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम सेट का यूज करेंगे ACT आर होस्ट डाल देंगे हाँ आर होस्ट मतलब एस डाल दीजिए टी के बाद एस टी एस जो है कैपिटल में होगा स्पेस देकर आईपी डालना पड़ेगा मेटास्प्लॉइट टेबल का 192 का वो जो आईपी एड्रेस है वो आपको डालना पड़ेगा 192.168.176.129 ये आपको डालना है देन आपको यहाँ पर लिखना है एक्सप्लॉइट एंटर जैसे कि यहाँ पर एक सेल आ चुका है तो आप यहाँ पर एलएस करोगे ना तो इसके आपको डायरेक्टरीज दिखने शुरू हो जाएंगी जो आपका मेटास्प्लॉइट मशीन होगा उसका जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हम इसके ETC फोल्डर में जाएंगे जिसपे कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होते हैं और देन उसके बाद में हम इसके शैडो फाइल को चेक करेंगे तो इस पर्टिकुलर लिनक्स के जो वीक क्रेडेंशियल्स हैं जो उसके पासवर्ड्स हैं वो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में आपको मिल जाते हैं जो हम ऑनलाइन के कुछ हैश डिक्रिप्शन टूल का यूज करके डिक्रिप्ट कर सकते हैं ETC के अंदर मैं हूँ अभी तो ETC के अंदर में हूँ आप तो यहाँ पर आप शैडो फाइल को चेक कर सकते हो इसमें देखिए शैडो फाइल होता है पर मैं आपको मिल जाएगा शैडो ए ना ABCD जैसा सजा के रखी गई है तब एस से चेक करेंगे तो आपको कर रहा हूं। तो जो यहाँ पर आप कैट कर दीजिए डायरेक्ट कैट और स्पेस देकर शैडो लिखिए तो आपको वो वाला जगह मिल जाएगा जहाँ पर जो आपका मेन यूजर है इस मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का उसका यूजर नेम के स्पेसिफिक आपको मिल जाते हैं मिल गया हाँ तो अब यही जो चीज है ना जो सिक्योरिटी ऑडिटर्स होते हैं वो अगर कोई मशीन को हैक करते हैं तो इसी चीज का वो चेक करते हैं कि जो पासवर्ड पॉलिसी है उसको अगर फॉलो करेगा कोई जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेगा वो ऐसा पासवर्ड रख रहा है जिसका कोई रेनबो टेबल के अंदर उसका कोई जो उसका रॉ मतलब एक तरीके से लिखी गई है समझ लो कि JIT@123 समझ लो कि इसका कोई हैश वैल्यू कहीं पर स्टोर नहीं है मतलब JIT और उसके बाद में इक्वल देके उसका हैश वैल्यू लिखी नहीं हुई है तो इस केसेस में कोई अगर JIT को कॉल करेगा तो उसका हैश नहीं आएगा हैश से कॉल करेगा तो JIT नहीं आएगा राइट ऐसा करें यूनिक पासवर्ड आप खुद से कोई पासवर्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो हो सकता है कि मैक्सिमम केसेस में उसका पासवर्ड कहीं पर ना हो
लेट मी गिव यू एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ बेस 64 जो एक इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन एक कुछ कह सकते कुछ हद तक एक थोड़ा सा सिक्योर एक कुछ वेबसाइट के अंदर में इससे यूज होता है कुछ उसके साथ, तब गूगल में जाइए और सर्च करिए बेस 64 जनरेटर, तो देन आप एक कुछ भी चीज देखिए g.1234 देन उसका हैश जनरेट करिए, उसका हैश नहीं उसका बेस 64 वैल्यू जनरेट करिए देन उसको गूगल में सर्च करिए, तो आप देखेंगे कि उसके बारे में कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि बहुत से कॉमन वर्ड जैसे कि लव या फिर हैक इसका जनरेट करते हो बेस 64 तो देन उसका गूगल करते हो ना उसके रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। अच्छा तो एक करके देखते हैं बेस 64 जनरेट, यस बेस 64 जनरेटर एपी एनकोड कुछ करना नहीं ऐसे ही मिल जाता है। Kylinux का अंदर थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं हम इधर चला लेंगे। जैसे कि हम लिखते हैं सॉरी एनकोड खोलना था, हाँ लव एनकोड और ये हमको मिला बेस 64 का एनकोडेड फॉर्मेट, इसको कॉपी करके गूगल में सर्च करते हैं तो हमको ये कहीं पर तो दिखाएगा कि इसका मतलब लव है। हाँ ये देखिए दिखा रहा है टेक्स्ट लव, तो कहीं ना कहीं इसका हमको जो मिल रहा है लेकिन गूगल में साथ किसी का ऐसा अगर कोई है इसका नाम लिख के सर्च करेंगे ना, जैसे कि सबका नाम ही लिखते हैं एनकोड करते हैं और ये जो आता है इसको कॉपी करके मैं गूगल में डालूंगा तो ये कहाँ पर कहीं पर भी इंडेक्स आपको नहीं मिलेगा। इसके इक्वल टू जीत नहीं आ रहा, बड़ा करके डालो थोड़ा सा बड़ा कुछ डालो अच्छा ठीक है कुछ बड़ा करके डालो कुछ अलग ही इसका मीनिंग आ रहा है कुछ बड़ा करके। हाँ ये किसी का ट्विटर अकाउंट आ रहा है, मेरा नाम थोड़ा बड़ा है देखिए मेरा ये इंडेक्स ही नहीं कहाँ पर कुछ नहीं है, इसका इक्वल टू भी नहीं दे पा रहा है जब तक आप यार ये तो अपलोडेड है थोड़ा और कुछ ट्राई करते हैं, अभी अभी किया ना तो ये अपलोड हो जाएगा लाइव मोड ऑफ सॉरी ऑन। जैसे कि हम ट्राई करते हैं हमारा इंस्टीट्यूशन का नाम CH पॉइंट और इसको इनकोड करते हैं तो ये मिलता है कोड और ट्राई करते हैं ये देखिए कुछ नहीं मिल रहा है कि इधर पे भी कुछ इंडेक्स ही नहीं है। जो चीजें यूनिक है मेरा कहने का मतलब है जो चीजें यूनिक है वो चीज आपको उसका हैश या फिर उसका हैश तो फिलहाल नहीं है, ये है बेस 64 ठीक है मतलब बेस 64 है तो बेस 64 इतना ही आसान चीज है कि कोई भी इसको डिकोड एनकोड कर सकता है, कुछ भी चीज है ना बेस 64 में डिकोड एनकोड हो जाता है क्योंकि वन वे हैशिंग एल्गोरिथम नहीं है, ये कोई हैशिंग का बात नहीं हो रहा यहाँ पर एनकोड डिकोड का बात हो रहा है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन एनकोड डिकोड। बट टू गिव यू सम एग्जांपल जैसे अगर आप MD5 हैश जनरेट करेंगे कोई जगह सब कुछ जनरेट करिए एक MD5 हैश जनरेट करिए यहाँ पर कोई भी एक MD5 हैश जनरेट करिए आप लिखिए MD5 हैश जनरेटर ठीक है, मतलब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि अगर कोई भी हैश फॉर्मेट पे आप कुछ भी पासवर्ड रख रहे हो और वो पासवर्ड अगर थोड़ा सा कॉमन है तो मे बी उसका जो हैश वैल्यू है और उसका जो रॉ वैल्यू है मतलब विदाउट हैश जो उसका वैल्यू है मतलब प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट पे जो है ये मेरा नाम लिखकर मैंने MD5 में करा है दोनों टेबल में सजा कर रखी जाती है। अच्छा तो आप जब अटैक करते हो यस तो इसको आप गूगल करिए इसको आप गूगल करिए या फिर अलग अलग हैश डिकोडर पे जाके इसको डालिए मिल जा रहा है देख रहे हो आप। हाँ। तो ये अगर पासवर्ड आप रखोगे और इसके बाद में ऐसा करोगे तो चांसेस है कि वो आप आसान से जो है कोई बंदा क्रैक कर ले उस चीज को कॉन्को को क्रैक कर ले अब लेकिन आई एम कॉन्को मे बी इस चीज को कोई ने बंदे ने कॉन्को आई एम कॉन्को के इक्वल देके उस नाम को लिख कर रखा है
तो कोई बंदा इस हैश को मांगेगा ना, तो हैश का जो प्लेन टेक्स्ट वैल्यू है उसको दे देगा, या प्लेन टेक्स्ट वैल्यू को कोई अगर कॉल करेगा तो उसका हैश वैल्यू निकाल के दे देगा। तो पृथ्वी के हर कोने से कोई भी बंदा अगर कॉन्को को ढूंढता है कि कॉन्को का हैश वैल्यू क्या है, तो सेम हैश वैल्यू जनरेट होगा। लेकिन वो जो हैश वैल्यू है उस चीज को कभी भी प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं करी जा सकती है, क्योंकि वन वे हैशिंग एल्गोरिथम है। लेकिन वही बात है कि जैसे कि मैंने बोला कॉन्को का वैल्यू हर कोने से कोई भी बंदा करेगा तो सेम आएगा। तो लोग हैकर क्या करते हैं, रेनबो टेबल बनाते हैं, तो उस टाइम पे हर एक चीज का वो लोग हर एक कीवर्ड का हर एक चीज का वो हैश वैल्यू बनाते हैं। तो देन कोई भी बंदा इस चीज को कॉल करता है तो उस चीज का बता देता है, समझ सकते हो आप चीज। तो जो एज ए सिक्योरिटी ऑडिटर आपका काम हो सकता है कि आपके जो पासवर्ड पॉलिसी आपने बनाया और आप चाहते हो कि आपके जो इम्प्लॉयज है उस चीज को फॉलो करे और कंपनी के हर अकाउंट वगैरह जितनी भी चीजें सेफ रहे, तो आपको चीज चेक करना पड़ सकता है कि आपका कोई वीक क्रेडेंशियल आपके एम्प्लॉयज वगैरह यूज कर रहे हैं क्या नहीं, क्रिप्टोग्राफी का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। अगर वो लोग इतना अडहेरेंस नहीं है, अडहेरेंस नहीं है वहाँ पर सिक्योरिटी पॉलिसी का, वो लोग उस चीज को मान नहीं रहे हैं, ओबीडियंट नहीं है उस चीज का, तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि यू आर नॉट अवेयर, आपको फॉलो करना चाहिए हमारे पॉलिसी, ठीक है। तो उस केसेस में एज ए सिक्योरिटी आपका रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, एज ए एम्प्लॉय आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना यही है कि आप जो भी पॉलिसी प्रोसीड्योर जो भी होते हैं, मतलब पॉलिसी अगर रहता है पासवर्ड का कि आप इस तरीके से पासवर्ड कंस्ट्रक्ट करिए, तो प्रोसीड्योर भी यही रहते हैं कि आप गूगल के माध्यम से पासवर्ड जनरेट करिए, पासवर्ड मैनेजर्स का यूज करिए, ठीक है। ऐसा चीजें जो है रिकमेंडेशन होते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज पॉलिसी में होता है बेस्ट प्रोसेस प्रैक्टिस होते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स भी होते हैं। तो वो इम्प्लीमेंटेशन के जो स्टेप्स होते हैं, एज ए कॉर्पोरेट साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर आपका ये भी कभी कभी जिम्मेदारी बन जाता है, एज ए सिक्योरिटी गाइड आपको ये कभी कभी बन जाता है, एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट कंसल्टेंट या फिर कोई बड़े लेवल पे आप सीसो भी बन जाते हो, कुछ केसेस में भी आपको ये चीज आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको गाइड करने का पड़ जाता है कि आप उनके जो भी लोग हैं उनको आप गाइड कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप वर्चुअल सीसो होते हो तो कुछ केसेस में आपका रिस्पॉन्सिबल बन जाता है कि आपके जितने एम्प्लॉय हैं उनको अपने सिक्योरिटी के जितने भी प्रोसेस प्रैक्टिस हमने बनाया उसको किस तरीके से उनको आप समझाओगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग कंडक्ट वगैरह करवाना, ये बहुत सारी चीजें बन जाती है। तो बहुत हमने चीजें जानने, तो कुछ हम पीपीटी फाइल में कुछ चीजें करते हैं। तो ध्रुव अगर रेडी है तो आप शेयर करिए अपना स्क्रीन और जो पीपीटी फाइल हमने बनाया था उसके बारे में, और पहले ये सब देख लेते हैं। जो कि मेरा नाम, मैं खुद का नाम दिया था ध्रुव, तब इसका हैज गूगल में मिल रहा था लेकिन मैं नाम के साथ आई एम कॉम को जोड़ दिया था। आपका आवाज कट गया, मेरा आवाज आ रहा है? ठीक है, हाँ मेरा आवाज आ रहा है, हाँ आ रहा है, आ रहा है। रूप भाई आप पीपीटी शेयर करिए। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ध्रुव है? हाँ है। ध्रुव स्क्रीन शेयर करिए और पीपीटी फाइल को ओपन करिए। राइट ध्रुव, आई एम ऑडिबल? हाँ सर। ओके, आप स्क्रीन शेयर करिए और ओके। हाँ, आपका स्क्रीन शेयर हुआ ध्रुव? हाँ स्क्रीन शेयर हुआ, स्क्रीन शेयर किया है मैंने, दिख रहा है क्या? ओके राइट। कौन को उनका? हाँ, स्क्रीन आपको दिख रहा है? ओके एकदम। ओके अभी मेरे को दिख रहा है। हाँ हाँ एकदम। ओके तो ओके ओके तो स्टार्ट करिए। और कौन को आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? एकदम। ओके आज हम है ना ये तो साइबर सिक्योरिटी के जो कैरियर है, हमारा आज का जो एजेंडा है जैसे साइबर सिक्योरिटी के कैरियर के बारे में बात करेंगे, तो लीडरशिप कैरियर होता है साइबर सिक्योरिटी में, उसके बारे में बातचीत होता है। तो इसके बारे में आप बताइए कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, उससे क्या क्या चीजें राइट। तो आज हम यहाँ पे है ना साइबर सिक्योरिटी कैरियर के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड, क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मतलब आजकल में इम्पोर्टेंस क्या है साइबर सिक्योरिटी का ये जग में, ठीक है।
आजकल पूरे दुनिया में साइबर सिक्योरिटी इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है क्योंकि आजकल बहुत सिक्योरिटी ब्रीचेस और बहुत सारे जो अनऑथराइज एक्सेस जो है ना, एकदम देखा जा रहा है कि जो डेटा लीक से बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। डेटा लीक्स क्या हो रहा है, वो उठा रहे डेटा लीक कर रहे और डार्क वेब या डीप वेब के ही उठा के भेज दे रहे। तो ये सबको क्या बोलते हैं, अवॉइड करने के लिए, अनऑथराइज एक्सेस को अवॉइड करने के लिए जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है कंपनी में। और जो कंपनी, और जैसे इसमें देखो पहला पॉइंट ये बताया है, विद रेस्पेक्ट टू आईटी सिक्योरिटी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग कंपनी रिसोर्सेस फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। इसका मतलब ये है सिक्योरिटी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी में, जो जिससे अनऑथराइज एक्सेस ना हो कंपनी में, ठीक है। और जो कंपनी का मेन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए इधर, वो ये लाइन में ये बता रहे हैं, कंपनीज प्रायोरिटी शुड बी ऑलवेज बी द प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मेकिंग प्रोफेशंस विद इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी मोर क्रिटिकल एंड सॉट आफ्टर। ये लाइन का मतलब सेकेंड लाइन में ये बताया जा रहा है, कंपनी का जो आजकल में मेन प्रायोरिटी ये होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, ताकि उनके जो सेंसिटिव डेटा है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो प्रोटेक्ट किया जाए, ना कि उनका सेंसिटिव डेटा बिना अनप्रोटेक्टेड रहे और कोई भी अटैक उठा के लीक कर दे, डार्क वेब या कहीं भी लीक कर दे, ठीक है, यहाँ गूगल पर में हो भेज भी कहीं, सकता है डाटा। हाँ कहीं भी भेज भी सकते। ओके, तो तो ये अभी हम सब कुछ चीजों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, ठीक है, या फिर बैंक छोड़ दीजिए, बैंक के दमदन में पैसे तो रहते ही सब लोग, और तो पे हैक हो भी रहे हैं। चल बैंक के अगर कोई प्रॉब्लम ना भी रहे तो भी केसेस में हम जो यूजर्स, जो बैंक के यूजर्स है, जो उनके उपभोक्ताएं हैं, ठीक है, वो लोगों का भी फंड पे वगैरह जैसे अलग अलग स्कैम्स हो रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के तो आपको जरूरत पड़ जाता है। तो साइबर सेल इतना अभी इंडिया के अंदर में इतना एक्टिवली काम कर नहीं पा रहा, कुछ कुछ किस्म में काम कर भी रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गया। सेकंड बात, अगर हम बात करें कोई हेल्थ की, ठीक है, मतलब कोई हेल्थ सेक्टर की, तो उसके ऊपर में भी बहुत सारे हिपा जैसे कंप्लायंसेस वगैरह है, उसको भी हमको जो इम्पोर्टेंस है उस चीज को हम समझें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो भी आप एक हॉस्पिटल का बात कर लेते हो, ठीक है, तो आप जानते हो हॉस्पिटल के अंदर भी ना सिक्योरिटी के बहुत डिमांड है। मतलब मान के चलो कि आपके हॉस्पिटल के अंदर में आपके पास 1,000 लोगों का डेटा रखना है, ठीक है, 1,000 लोगों का कौन सा किस क्या मेडिसिन है क्या नहीं है, ठीक है, उनको रखना पड़ रहा है। महीने में समझ लो कोई छोटा सा हॉस्पिटल, महीने में उनके पास में टोटल जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो 1,000 है, मतलब 1,000 पेशेंट्स को उनको जो है डील करना पड़ रहा है। तो हर चीज का रिकॉर्ड कि किसको क्या मेडिसिन देना है, या फिर जो ऑलरेडी एडमिटेड है उनका क्या क्या मेडिसिन वगैरह देना है, सब चीजों करना है, वो हर चीज याद नहीं रखी जाती है, वो कंप्यूटर में स्टोर होता है, राइट। और आप देखोगे कि यूएस के अंदर में देखोगे, कोई और जगह पे देखोगे, तो ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर से नेटवर्क भी उनके होते हैं, ठीक है, कि एक हॉस्पिटल से कोई और जगह पे गया तो उसके जो मेडिसिन के डिटेल्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक जगह से और एक जगह पे, ठीक है, कि उसका ट्रीटमेंट का प्रोग्रेस क्या है, ठीक है, एक जगह से एक जगह पे ट्रांसफर हो गया तो क्या क्या एक्टिविटीज करी गई है उसके साथ, ठीक है, कैसा कैसा ट्रीटमेंट एक्टिविटीज करी गई है। तो अगर कोई हैकर उस चीज में अटैक कर देता है और उसके डेटा निकाल लेता है, ठीक है, उसके कुछ हेल्थ का कुछ इंश्योरेंस वगैरह का कुछ डेटा है उसको अगर मिटा देता है या फिर कुछ भी चीज कर देता है, तो इट विल बी ए बिगेस्ट रिस्क, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा चीज है। जैसे कि अगर मान के चलो कि आपका कोरोना हुआ नहीं है, कि कोई तरीके से जो डेटा वहां पर हो रहा है उसको कोई तरीके से मॉडिफाई कर दी गई है, तो ये भी बहुत खतरनाक बात होता है। तो ऐसे मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, और ऐसे जो मॉडिफिकेशन होते हैं ये साइबर सिक्योरिटी के जो गोल होता है उसमें जो कॉन्फिडेंशियलिटी के बाद में जो भी आता है, कहते हैं इंटीग्रिटी, अखंडता डेटा का, तो इंटीग्रिटी को जो है लॉस करता है। और एक हैकर उस चीज को एक्सेस कर रहा है, उस चीज को डैमेज कर रहा है, और वो चीज जब उसकी जरूरत होता है तो उस जरूरत के टाइम पे उस चीज को पाया नहीं जाता, तो अवेलेबिलिटी का यहाँ पर लॉस हो रहा है। और जाहिर सी बात है जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो अगर कोई हैकर के हाथ में लग रहा है तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी यहीं ब्रेक हो रहा है। तो जो AICTE बोलो आप, CIATE बोलो, के लोग CIA के नाम से ना समझ रहते हैं कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, इसलिए CIA को भी जो साइबर सिक्योरिटी गोल है उसको भी बनाया गया AICTE, राइट। तो ऐसी चीजें रहते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एश्योरेंस करने के लिए हम नॉट ओनली CIA, हमको NA भी पढ़ना पड़ता है, नॉन रेपुटेशन ऑथेंटिसिटी, उसको लेके बात करने का भी एक दिन बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमने जाने की IT को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए जो सिक्योरिटी होता है ये बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है, कंपनी के रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करने का और उसका अनऑथराइज एक्सेस वगैरह को रोकने का उसके अंदर में, राइट। तो कंपनी का प्रायोरिटी तो हर टाइम पे सिक्योरिटी के ऊपर में होना ही चाहिए, उनके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए, ठीक है, और
इसका जो डिमांड है वो तो बढ़ती ही जा रहा है। आप देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग अटैक्स हो रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली हमने देखा था कि फेसबुक का डेटा ब्रीच, ठीक है, बहुत सारे लोगों का डेटा ब्रीच हुआ था मिलियन में, ठीक है, 500 मिलियन के ऊपर से लोगों का हुआ था। छोला डिवाइन अटैक हुआ था उसके कुछ ही दिन पहले 2020 के अंदर में, साल है या काल है लोग बोल रहे थे, ठीक है। तो छोला डिवाइन अटैक हुआ था, उनके जो ऑडियन नेटवर्क है उसके अंदर में कुछ मैलिशियस DLL फाइल इंजेक्ट करी गई थी, तो वो भी एक चीज हो गया, राइट। तो जो ऐसे जो अटैक्स होते हैं, जैसे सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज, जो सोलर डिवाइन अटैक था वो सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज के ऊपर करी गई थी, तो ऐसे जो अटैक्स होते हैं इसको माइटिगेट करने का और इसके बारे में विस्तार जानने का जो प्रयास होता है उसको कहते हैं थ्रेट इंटेलिजेंस, राइट। और इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना हमको समझना पड़ेगा वो है मिट्रे फ्रेमवर्क के बारे में। अगर इफ यू वांट ए लीडरशिप करियर इन साइबर सिक्योरिटी सो यू नीड टू लर्न अबाउट मिट्रे फ्रेमवर्क। तो जस्ट ओपन ए न्यू टैब एंड आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, राइट। तो आप एक बार सर्च करिए और जो भी ये सेशन का रिकॉर्ड देख रहे होंगे तो उनको इस चीज के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, तो ओपन करिए। ध्रुव, ओके, लेकिन मिट्रे फ्रेमवर्क, MITRE, हाँ सर, MITRE, या फिर उसके बाद में आप अटैक लिख दीजिए फ्रेमवर्क ना लिख के, MITRE, MITRE। आप इसके देखिए एक अटैक के वेबसाइट होंगे, साइबर में नहीं है, देखिए attack.mitre करके साइट होंगे, देखिए आप गूगल का यूज नहीं कर रहे क्या? नहीं, मैं गूगल का यूज करिए, गूगल का यूज करिए, गूगल का यूज करिए, attack.mitre करके एक वेबसाइट रहेंगे, मिट्रे करके सर्च करोगे ना तो ही आ जाएंगे, फ्रेम लिखने की जरूरत नहीं, मिट्रे अटैक करके सर्च करेंगे तो चल जाएगा, राइट। ये वाला वेबसाइट की बात हो रहा था, तो इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इसके फ्रेमवर्क सबको पता चलेंगे, थोड़ा सा नीचे जाइए इसके मैट्रिक्स को देखिए, थोड़ा सा नीचे जाइए ध्रुव के, देखिए इसके अलग अलग आपको पॉइंट देखने को मिल रहे होंगे, राइट। अलग अलग इसके जो है पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, फिलहाल ये मेरे स्क्रीन पे फिट नहीं आ रहा है। कंको, आपको ये विजिबली दिख रहा है आपको एकदम रियल टाइम? हाँ। इसके कितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ऊपर ऊपर का, इनिशियल एक्सेस से लेके लास्ट तक दिख रहा है आपको? हाँ, कमांड कंट्रोल सब कुछ, रिकॉग्निशंस से के कमेंट कंट्रोल दिख रहा है एकदम आसानी से। हेलो, हाँ हाँ Okay, maybe there is a network issue. Okay, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि रिकॉग्निशंस जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का फेस होता है, ठीक है, उसमें एक्टिव स्कैनिंग के बारे में बताई गई है। इसमें कोई भी एक पार्ट अगर आप उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो उस पर्टिकुलर टेबल के बारे में, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट और उसके बाद में वो चीज खुल जाता है। और साइड में जो काला रंग का जो आपको बटन मिल रहा है साइड में, उसके ऊपर में क्लिक करोगे तो वो कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी जो है मिल जाएंगे। तो ऐसे देखिए आपको इनिशियल एक्सेस के अंदर में आपको नीचे में देखने को मिल रहा होगा सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज। अब अगर उसको देखेंगे तो ठीक है, तो अलग अलग टेक्निक्स के बारे में यहाँ पर जो है हमको जानकारी मिल रहा है, उसके माइटिगेशन के जानकारी मिल रहा है। तो गैदर विक्टिम होस्ट इन्फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर बताई जा रही है। ऐसे अगर आपको A to Z हैकिंग के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में,
जितनी भी चीजें को एक्सप्लोर करी गई है आज तक, जितनी भी चीजों के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं, तो पूरा समझ लीजिए कि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स लोग, हैकर्स लोग मिलके इस फ्रेमवर्क को तैयार कर रहे हैं, जाके आपने जो भी सिक्योरिटी टेस्टिंग हो गया, इंसिडेंट रिस्पॉन्स हो गया, माइटिगेशन हो गया, थ्रेट इंटेलिजेंस के ऊपर में बातचीत हो गया, जितने भी टाइप के नया नया मेथड्स आ जाते हैं उसके ऊपर में कंप्लीट जानकारी इस चीज में जो है दी गई है, जो भी एक्सप्लोर करी गई है, राइट। तो अगर आपको ए टू जेड जानना है हर चीज का इस फील्ड के रिलेटेड, तो आपको इस ये जो फ्रेमवर्क है इसके साथ में आपको फेमिलियर होना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, राइट। तो आप देखिए आज तक फिशिंग जो होते हैं, फिशिंग कितने टाइप के होते हैं आप क्लिक कर सकते हो, जैसे सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज आपने क्लिक किया, तो देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर में बताई जा रही है कि डिपेंडेंसीज जो हुआ था एक्चुअली, तो कॉम्प्रोमाइज सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन, हार्डवेयर सप्लाई चेन, तो अलग अलग टाइप के जो अटैक्स अभी हमको देखने को मिल रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में हुआ था सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो ऐसे चीजें, तो दैट्स व्हाई क्या है ना कि साइबर सिक्योरिटी के जो डिमांड है वो एमएनसीज के अंदर में भी है और जो छोटे कंपनियां हैं उनके ऊपर में भी है, कि जो छोटे कंपनी होंगे एक बार अटैक होंगे ना कंपनी पूरा बर्बाद, राइट। तो उनको ज्यादा जरूरत है इस चीज की, और बड़े कंपनी है उनके पास में इनके इंसिडेंट रिस्पॉन्स का टीम है, राइट। तो अगर उनके पास इंसिडेंट रिस्पॉन्स का टीम है तो जाहिर सी बात है वो अपने जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स की जो टीम है, उनके जो इंसिडेंट हैंडलिंग की जो टीम है, वो अगर प्रोएक्टिवली काम करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आराम से काम को कर देंगे, वो सिक्योरिटी ऑपरेशनल मैनेजमेंट को आराम से कर लेंगे, राइट। तो सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा जानने के लिए हम अलग अलग जो है माइंड मैप्स को पढ़ सकते हैं जो ऑनलाइन पे अवेलेबल होता है, आप गूगल में सर्च करोगे साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी माइंड मैप, तो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में तो वो क्लियर हो जाता है। बाय द वे हम अपने पीडीएफ में फिर से जाते हैं, जो पीपीटी फाइल था हमारा उसको ओपन करिए। नेक्स्ट स्लाइड, तो आप देख सकते हो यहाँ पर है करियर पाथ इन साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सिक्योरिटी है, ठीक है, इसके अलग अलग पाथवेज को बताई जा रही है, ठीक है, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करी गई है और इसमें जो है ना हर चीज थोड़ा एक दूसरे के साथ में जो है अलग अलग तरीके से डिफरेंट है, ठीक है। तब देखो यहाँ पर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग से लेके एथिकल हैकिंग, हर चीज जो भी यहाँ पर बताई गई है, जैसे सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम क्या हो गया, मॉनिटरिंग रिलेटेड काम हो गया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर या फिर साइबर सिक्योरिटी मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर जो लोग होंगे, वो जितने भी सॉफ्टवेयर जितने भी टेक्नोलॉजीज है उसको मैनेज करना चलाना ये सब चीजों का काम हो गया। वो जो सिक्योरिटी सिस्टम बनाए जा रही है, जैसे कि IDS, IPS, हनीपॉट, इससे जो लॉग जनरेट हो रही है उस लॉग्स को एनालाइज करना, जैसे कि स्प्लैंक वगैरह ऐसे जो टूल्स होते हैं इसको चलाना, ठीक है, कोई नेटवर्क के कोई कैप फाइल आया है उसको एनालाइज करना, वेब सर्वर के जो आउटपुट है उसको एनालाइज करना, ये सब टाइप के बहुत सारे काम एनालिस्ट का पड़ जाता है। एंड ऑफ द डे उन लोगों का काम ये भी पड़ जाता है कि जो माइटिगेशन है, जो अटैक हो रहे हैं उसके माइटिगेशन कैसे करना है वो भी उनको देखना पड़ता है। लेकिन कंपनी के अंदर में जितने भी तुम सिक्योरिटी करने जाओगे, यू नीड साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, जो आपके आर्किटेक्चर डिजाइन करेगा हर चीज का, वही लोग चीज को डिजाइन करते हैं, टेस्ट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन जो बनाने का काम है इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे कहां पर क्या करना है कहां पर क्या लगाना है, लेकिन एक्चुअल जो काम होगा ना वो करते हैं साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स लोग, राइट। तो इन दोनों को देखिए आप एक दूसरे के साथ में सर्कल में लगाएगी, जो इंजीनियर्स होते हैं वो भी लोग कभी कभी आर्किटेक्चर का भी काम कर देते हैं, ठीक है, और आर्किटेक्ट लोग भी इंजीनियर का काम कर देते हैं कुछ कुछ में, इम्प्लीमेंटेशन भी कर देते हैं, बना भी देते हैं। तो ये थोड़ा सा कोडिंग साइड का है जो आप इन फ्यूचर इसके बारे में तो जान जाओगे, ठीक है, इसके बारे में डीपली यहाँ पर बताया जा रही है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मतलब जो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के मेहनत होते हैं इसमें पानी फेंकने के लिए जो है रहता है पेनिट्रेशन टेस्टर। और क्यों मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टर जो होते हैं वो इथिकल हैकर्स हैं, राइट। इथिकल हैकर्स का प्राइमरी गोल क्या हो गया कि सिक्योरिटी का टेस्ट करना, ठीक है, जो भी सिक्योरिटी मेजर्स उसको टेस्ट करना, सिक्योरिटी कंट्रोल्स को टेस्ट करना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी कंट्रोल हो गया, फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल हो गया, लॉजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल हो गया, जैसे लॉजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल आपका पासवर्ड वगैरह ऐसी चीजें आप उसको छू नहीं सकते, फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल आपका डोर सीसीटीवी का सिक्योरिटी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी कंट्रोल का बात करूं तो अलग अलग टाइप के एक्सेस, ठीक है, कुछ चीज के अंदर में आपको सबसे ज्यादा परमिशन मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिल रहा है, तो रिकवरी करने का एक्सेस, ठीक है, कुछ चीज में कुछ मॉनिटरिंग करने का एक्सेस, इन्वेस्टिगेट करने का एक्सेस, अलग अलग तरीके से अलग अलग सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं। तो अलग अलग आप सिस्टम देखोगे उसके अंदर अलग अलग प्रिविलेजेस होते हैं, हैकर क्या करते हैं उसमें प्रिविलेज एस्टिमेशन करते हैं, देखते हैं कितना
डीप वो नेटवर्क के अंदर में जा सकता है। पेनिट्रेशन टेस्टर का तो बहुत बन जाता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग यही होता है कि आप देख रहे हो क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, कैसे उस वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज आप ले सकते हो, उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो। अगर अवेलेबल है तो सही है एक्सप्लॉइट, अगर नहीं है तो एक्सप्लॉइट कुछ लिख लेना। अगर आप रेड टीमिंग कर रहे हो तो कोशिश कर लेना, कुछ नॉइजेस भी क्रिएट कर सकते हो आप। जो ब्लू टीमर्स हैं वो लोग भी कोशिश करेंगे डिफेंड करने की। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन अभी के लिए जो है मार्केट में वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी का है, बट वी रिकमेंड कोई अगर CH ECS LPT कर रहा है तो ये सबसे ज्यादा अच्छा होता है एक्सपीरियंस के लिए। अब देखेंगे कि जो पेनिट्रेशन टेस्टर होता है, जो सिक्योरिटी के डिजाइन होते हैं, सिक्योरिटी के जितने भी सिस्टम आर्किटेक्ट लोग बनाते हैं, उसके ही अंदर से वही सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर से ही किया जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है उसके अंदर वो करके उसके बग्स को आइडेंटिफाई करी जाती है। मतलब जो भी डिजाइनर डिजाइन किया, जो भी इंजीनियर उसको बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, पेनिट्रेशन टेस्टर उसी चीज को टेस्ट करते हैं। मतलब वो हैकर है, वो सिक्योरिटी को ब्रेक करना उसका काम है, बट उसके पास परमिशन है। तो एक बात कौन को बताइए, अगर आप एक पेन टेस्टर हो, आपको मैं हायर करना चाहता हूँ मेरे कंपनी में पेन टेस्ट करने के लिए, तो क्या कर सकते हैं हम, कैसे हम काम को स्टार्ट करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, फर्स्ट फेज आपका क्या है? कौन को फर्स्ट फेज? तो मैं आपको आपके कंपनी के जो साइट्स है, सर्वर है, उसके अंदर जो सिक्योरिटी फ्लॉज वगैरह है उसके डॉक्यूमेंटेशन की बात करें। जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, जैसे स्कोपिंग प्री एंगेजमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, राइट? यही चीज मैं पूछ रहा था। जैसे कि हमारे आपका अगर ध्रुव अगर आप देखा सकते हो तो वन टाइम आपके शो करिए कि किस तरीके से जो है स्कोप वर्कशीट देखने को होता है। तो अगर आप बहुत प्रो लेवल के हैकर बन गए, बट आपने बहुत सारे टेक्निक सीख लियो, आपने बहुत तरीके से पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हो, सिक्योरिटी टेस्ट कर सकते हो, बट आपको इसी चीज का नॉलेज नहीं है कि काम स्टार्ट कैसे करते हैं, मतलब फर्स्ट फेज आपको नहीं पता। ध्रुव आप chpoint.co.in/bp खोलिए, कैपिटल में बीपी, बेसिक पेनिट्रेशन टेस्टिंग chpoint खोलिए। तो अगर आप यही चीज नहीं सीखोगे, रिपोर्टिंग और ये जो रहता है कैपिटल में लिखिए लास्ट का बीपी, इसको कोई और ब्राउज़र से अच्छा .in/bp इसको कॉपी करिए। हाँ कॉपी करिए, ऊपर में पेस्ट करिए, ऊपर में जाके डाल दीजिए। ओके तो यहाँ पर स्कोप वर्कशीट है, इसको ओपन करिए। ओके तो एक फॉर्म फिलअप जैसा है, तो कौन सा चीज को करने के लिए हमको अलाउ करी गई है, कौन सा होस्ट है। जैसे कि अगर मेरा अगर कोई वेबसाइट होता है तो उसके मल्टीपल सब डोमेन्स हो सकते हैं, तो सब लिस्टर का यूज करके या फिर आप रेडबॉट जैसा जो टूल है जो हमने बनाई हुई है ऐसा चीज का यूज करके आप सब डोमेन साइन करोगे, उनको देखोगे कि वो कौन सा लाइव है कौन सा नहीं है, लाइव एड से कर सकते हो आप। फिर हमने चेक किया कि उसके अंदर में वो इनमें से कुछ स्कैन किया, या फिर आपने देखा कि कौन सा सब डोमेन पे अटैक करने के लिए हमको बोली जा रही है, राइट? कुछ उनके काम की है, कुछ कुछ हमारे काम की है, उनके जो कंज्यूमर है उनके काम की है, ठीक है, कुछ कुछ उनके वेंडर्स की है। ऐसे कंपनी के तो अलग अलग अंदर में कंपनी के अलग अलग लोग होते हैं, कंपनी इज ऑल अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल, तो उनके जो कस्टमर है वो भी कंपनी के पार्ट होते हैं, राइट? कंपनी के जो एम्प्लॉयज है वो भी उनके पार्ट होते हैं, कंपनी के जो बड़े लेवल के पार्ट होते हैं। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सब डोमेन्स हो सकते हैं, राइट? तो कौन सा चीज में पेन टेस्ट वो लोग एक्चुअल में कराना चाहते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो उनके डेवलपमेंट का अलग जोन हो सकता है, प्रोडक्शन का अलग जोन हो सकता है, कंज्यूमर के लिए अलग जोन हो सकता है। तो अलग अलग चीज को आपको जो है फॉर्म फिलअप के दौरान जो स्कोप वर्कशीट को आप फिलअप करते हो, ठीक है, तो वो आपको फिलअप करना आना चाहिए, ठीक है? तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, जैसे कि आप CH Point के इंटर्न है तो आपको तो पता ही होगा इसके बारे में, राइट? तो इसके थोड़ा सा दिखा दीजिए नीचे का पार्ट भी, तो देन हम नेक्स्ट चीज में करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अलग अलग आपको चीजें पूछी जा रही है, ठीक है, तो नीचे में जाइए, ठीक है? तो एनवायरमेंट के बारे में पूछी जा रही है, ठीक है, देन यहाँ पर कुछ भी फिजिकल पेन टेस्टिंग सोशल इंजीनियरिंग कौन से लोग कर सकते हैं, तो अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो इसके फॉर्म फिलअप कैसे कैसे करेंगे। और सबसे लास्ट में जो चीज इम्पोर्टेंट है वो है सिग्नेचर, कि डिनर ऑफ सर्विस एवर कर सकते हो कि नहीं, ऐसी चीजें भी पूछी जा रही है, देख सकते हो आप।
कि किस किस टाइप का डेंजरस चीजों को करना अलाउ है कि ना नहीं है, द सिग्नेचर ऑफ हेड पेन टेस्टिंग टीम, तो वो भी यहाँ पर होता है। ठीक है, देन इसको सिग्नेचर वो भी करते हैं कि जो पेन टेस्टिंग कंडक्ट करवा रहे हैं। तो ये चीज जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप नीचे जाइए, नीचे तो चले गए, आप रिपोर्ट का टेम्पलेट ओपन करिए और वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिपोर्ट का जो यहाँ पर टेम्पलेट दी गई है, फिलहाल जो रिपोर्ट्स होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, हम आपको रियलिस्टिक रिपोर्ट नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि वो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होते हैं दो कंपनी के बीच में, राइट? क्योंकि अगर मैंने पेनिट्रेशन टेस्टिंग करी है तो मैंने तो पूरा डिटेल दे दूंगा कि आपका ये यूजर है, ये पासवर्ड है, इस तरीके से इसको हैक करी गई है, एक एक्सप्लॉइट यूज करी गई है, इसको माई टिकट इस तरीके से करना है, ये एग्जिट करता है। तो अगर उनके कोई कंप्यूटर के हाथ में लग गया वो रिपोर्ट, ठीक है, तो क्या हो सकता है, इसमें बहुत गंदी तरीके से उस कंपनी को खत्म कर दी जा सकती है, राइट? क्योंकि उसके डिटेल्स उसके पास चला गया। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर में आपके ऊपर लॉसूट हो सकता है इफ यू आर डिस्क्लोजिंग एनी इन्फॉर्मेशन। तो डिस्क्लोजर के वजह से पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते दौरान आपका हो सकता है। ज्यादातर लोग इसी चीज को करते हैं, इस चीज को हमने इतना अच्छे से बताया, राइट? कुछ चीज ऐसे होते हैं जो, जैसे कि मान के चलो कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, वो कुछ चीज डिजाइन किया, उसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई नया नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करी गई, बनाई गई, कोई सिक्योरिटी को बनाई गई, देन हमको पेन टेस्ट करना पड़ता है, राइट? तो कौन सा टाइम पे आप पेन टेस्ट करोगे? हमारे जो ए टू जेड ऑफ पेन टेस्टिंग बुक है, जो हम इसके साथ गिव अवे कर रहे हैं, राइट? आप सीएच पॉइंट के लाइब्रेरी में जाते हो, ए टू जेड ऑफ पेन टेस्ट खोलते हो, देन जिस सर पासवर्ड आप एंटर करते हो, GITSIR, तो बुक खोलते हैं, उसके अंदर में लिखी गई है कि कौन सा टाइम पे आप पेन टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो कुछ कंपनी का कोई जगह चेंज हो गया, कोई नया नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड हुआ, ठीक है, कुछ नया चीजें हुआ, नया कोई डेवलपमेंट हुआ, कुछ नया अपडेट आया सॉफ्टवेयर का, तो उस टाइम पे आपको पेन टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है? न्यू अपडेट कम्स विद न्यू वल्नरेबिलिटी, है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अलग अलग चीजें आर्किटेक्ट डेवलप करेंगे इंजीनियर्स को यूज करके, उसको गाइड करने के लिए सिक्योरिटी कंसल्टेंट आते हैं। इसलिए एरोज जो है आर्किटेक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे बेस लेवल, सबसे नीचे लेवल पे जो रहते हैं ना, और सबसे ज्यादा मतलब एक कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट जिनका रोल होता है, ठीक है, वो होता है आर्किटेक्ट, राइट? पर जिनको जो इथिकल हैकर्स पेन टेस्टर होते हैं, वो उनके टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करते हैं, राइट? तो कितना सही है कितना नहीं, उनको गाइड कौन करते हैं? कंसल्टेंट। अब यहाँ पर बात आता है मैनेजर्स का काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम क्या है, वो उस चीज को चलाते हैं, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उस रिजल्ट को एनालाइज करना, अटैक्स के माइटिगेट करना, ये सब चीज एनालिस्ट का काम बन जाता है। तो इसके बारे में डीप में जानते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, तो अब यहाँ पर करियर में ना बहुत सारे चीजें आ जाते हैं। अभी के जमाने में अभी हम देखें तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर कॉमन देखने को मिला होता है, जैसे सिक्योरिटी एनालिस्ट मैंने बात की, पेनिट्रेशन टेस्टर, ये सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे कि जो लोग थोड़ा सा सीरियस हैं, बीटेक को पास करे हैं, कुछ सर्टिफिकेशन भी करे हैं, देन वो जो जब जॉब ढूंढने लगते हैं, कंपनी में बैठ के जॉब करना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम होता है। पर अगर वो थोड़ा बहुत कोई कंपनी के अंदर में बैठ के सर्विस दे रहा है, ठीक है, जो कंपनी एक सिक्योरिटी कंपनी है, तो कंपनी पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्विस देता है, तो वहां पर पेन टेस्टर का जॉब लग सकता है, या फिर तो कोई पेन टेस्टर है वो कोई अपना स्टार्टअप कर सकता है, देन वो पेन टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, फिर फ्रीलांसर भी कर सकता है अगर कुछ केसेस में वो चले तो, राइट? तो पेनिट्रेशन टेस्टर और बग हंटर, इसके बीच में थोड़ा सा सिमिलरिटी है, बिकॉज ये लोग जो है पेनिट्रेशन एकदम जो सिस्टम के साथ उसके वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना और उसके बाद से उसको बेनिफिट मिलता है, चीज हो जाता है। पेनिट्रेशन टेस्टर थोड़ा सा एम्प्लॉय टाइप का भी आप कह सकते हो, राइट? उनको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर में पैसा मिलता है, ठीक है, और जितना जल्दी वो हंटिंग करेगा, जितना टाइम के अंदर में वो काम दे पाएगा, उतना ही उसका अच्छा। जो बग हंटर्स होते हैं, कंपनी पैसा लेके बैठे रहते हैं, ठीक है, ऐसा किसी हो जाता है। तो बग हंटर्स थोड़ा सा व्हाइट और ब्लैक के बीच में आ जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि इथिकल हैकर हो तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका प्राइमरी गोल यही है सिक्योरिटी टेस्टिंग करना, सिक्योरिटी के कंट्रोल्स को टेस्ट करना, ठीक है, और उसके बाद में रिपोर्ट देना, और रिपोर्ट के बाद में आपको जो है उसके बाद में रिकमेंडेशन भी देना है उसको फिक्स करने का, यू नीड टू गिव सम रिकमेंडेशन फॉर रिमीडिएशन। लेकिन उसके लिए आपको परमिशन मिलता है अप्रोप्रिएट तरीके से, राइट? और जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो विदाउट परमिशन करते हैं, ठीक है, और ढूंढ लिया, चला दिया चीजें, और एनालिस्ट के पास में अगर आ गया, लॉग्स आ गया, तो वो पता भी लगा सकता है, फिलहाल वो तो अलग चीज है। लेकिन जो बग हंटर्स होते हैं वो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, किस लिए होते हैं,
क्योंकि वो लोग ऑल ओवर द इंटरनेट पर फाइंड करते हैं अलग अलग जगह पे जहाँ पर रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर है, फिर कोई वेबसाइट है, तो क्या करता है वो उसके बाद में वो हंटिंग करता है, फाइंड करता है बग्स और रिपोर्ट कर देते हैं। तो विदाउट परमिशन उन्होंने हैक किया, ब्लैंकेट हैकिंग का स्टार्ट आ गया और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, एथिकल हैकर काम है। दैट्स वाई थोड़ा सा ग्रे हैट टाइप का कह सकते हैं हम लोग। बग बाउंटी हंटिंग को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है आज के जमाने में कि बग बाउंटी इज ऑल अबाउट आपका वेब सिक्योरिटी एकेडमी जो पोर्ट फ्रीगर का है और पोर्ट फ्रीगर का जो टूल है बगसूट, इसी चीज का ज्यादा किसी में देखोगे पेन टेस्टर्स लोग इसी चीज का यूज करते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट पे वो लोग पैसा कमा रहे हैं। ये अंडर होता क्या है कि जो ब्राउजर है वो आपका क्लाइंट है और आपका जो सर्वर है वो तो आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करता ही है, राइट। तो आपके ब्राउजर से जो चीज जा रहा है आप क्या कर देते हैं, हमारे लूप बैक उसको डिसेनर चालू करते हैं ड्रॉपसूट के अंदर में। तो कभी भी कोई साइट खोलते हो ना तो रिक्वेस्ट चला जाता है आपके ड्रॉपसूट के पास, ड्रॉपसूट इसको फॉरवर्ड करेगा तो पहुंचेगा, वो रिक्वेस्ट पहुंचेगा आपके वेब सर्वर तक। जो वेबसाइट होता है इन मतलब एक सर्वर है, सर्वर उसको जब रिप्लाई करेगा तो क्या होगा, ड्रॉपसूट के पास आएगा और ड्रॉपसूट अगर चाहेगा तो उसको फॉरवर्ड करेगा। इसके बीच में जितने भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जा रहा है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसके अंदर में रिपीटर हो गया, उसके अंदर में इंट्रूडर हो गया, ऐसे अलग अलग वहां पर जो है आपको अनसर्टेनिटी मिल जाते हैं, ठीक है, जिस चीज से आप अपने हैकिंग को अंजाम देते हो। अलग अलग टाइप का ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह हो गया, अलग अलग पेलोड्स हो गए, तो बहुत सारे चीजें होते हैं, हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे आगे जाके कैसे कैसे चीज काम करते हैं। तो बग बाउंटी हंटिंग को सिखाने के लिए जो है बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, राहुल गौतम सर ने, विकास चौधरी ने बहुत सारे उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बना करके हैं। वर्जन 1 का देखोगे विकास चौधरी का तो वहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं उन्होंने उसको करा हुआ है, वो वर्जन 2 में जा सकते, 3 भी आ गया है, तो ऐसे लॉट्स ऑफ गाइडेंस ऑनलाइन पे अवेलेबल है। एंड ऑफ द डे अगर कोई बग हंटिंग सीखना चाहेगा तो हैकर वन के अंदर में जाकर हम करते हैं, राइट। और सेकेंड हमारे पास में वे है कि हम कोई प्लेटफॉर्म पर ना जाके डायरेक्ट जो कंपनियां हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उनके जो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर्स हैं उसके अंदर में जाके हम अपना रिपोर्ट करें, क्योंकि वहां पर स्कोप क्या है, मतलब हम कौन सा टारगेट कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं और कौन सा चीज को नहीं करना चाहिए, क्या चीज के ऊपर में हमको बग हंटिंग करना चाहिए, कौन सा बग एक्सेप्ट करता है और उसको रिपोर्ट कैसे करना है, वो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर में लिखा रहता है। अब कॉम को बताइए कि किस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर को हम फाइंड कर सकते हैं और उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, राइट। इस चीज के बारे में कॉम को अपना स्क्रीन शेयर करिए और इस चीज के बारे में थोड़ा सा बताइए आप, राइट। कॉम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोजर हम ढूंढ सकते हैं कुछ गूगल डॉकिंग के मदद से, और गूगल डॉकिंग और भी आसान कर दिया गया है सीएच पॉइंट के ऑफिशियल गिट हब से, उसका फाइल भी है। तो आप क्या करना है, गिट हब ओपन करना है, तो उसके अंदर जाकर सीएच पॉइंट सर्च करना है और आपको मिल जाएगा ch.redbot, यही है। redbot ओपन करते ही आपको दिखाएगा डॉर्क फॉर बाउंड्री हंटर्स, ये क्लिक करेंगे, कुछ डॉर्किंग का ऐसा सर्च लाइन मिलेगा जैसे कि inurl:// responsible disclosure, ये कॉपी करके गूगल में पेस्ट करके सर्च करेंगे तो ये देख सकते हैं जितने भी वेबसाइट्स वगैरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोजर पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि ये मैं ओपन कर लेता हूँ, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोजर पेज है, इसमें बताया गया गाइडलाइंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोजर के लिए, आपको अगर मिला आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्या रिवार्ड्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एक्सक्लूशन है, कैसे आप रिपोर्ट भेज सकते हैं, सब कुछ बताया गया है अच्छे से, ऐसे बहुत सारे हैं। अब आपको करना क्या है, इसका जो मेन वेबसाइट है इसके अंदर जाके बग ढूंढना पड़ेगा, अगर आपको बग मिला तो इसकी इन लोगों के हिसाब से आप भेज दीजिए जैसे इन्होंने बोला है, ऐसे करके आप बहुत सारे वेबसाइट का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोजर पेज आपको मिल जाएगा। और आप अगर चाहते हैं तो आपका मतलब आपका एरिया का, आपका कंट्री का, आपका स्टेट का, मतलब एकदम कुछ खुद का एरिया में कुछ पाना चाहते हैं उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोजर ढूंढने के लिए तरीका है। ये देखिए इधर करा गया है, अब इसको कॉपी करिए, गूगल पे जाइए, बैठाइए और यूके को हटा के आईएनडी कर दीजिए, मतलब इंडिया,
अब इंडिया का वेबसाइट के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोजर पेज है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि एक एक हमको दिख रहा है ये, कैसे क्या करना है सब कुछ इसमें भी बताया गया है, सेम चीज है। और ये इसमें एकदम डायरेक्टली लिखा हुआ मिल कि गई है, मतलब अब कौन सा चीज इंक्लूड हाँ इंक्लूड है, कौन सा चीज एक्सक्लूजन है, कौन डायरेक्टली सी चीज हम लिखा नहीं गया कर है सकते। कि डॉस अटैक, स्पैमिंग, सोशल इंजीनियरिंग, एनी फिजिकल अटैम, ये सब वगैरह आप नहीं कर सकते, क्लिक हाईजैकिंग, ये सब एकदम नहीं कर सकते। और बाकी जो एलिजिबल है वो करके कैसे भेजना है तो लिखा ही गया है। ऐसे करके आप बग बाउंड्री के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोजर ढूंढ सकते हैं। ओके आगे ठीक सर है, तो बताइए। आप अभी अभी ग्रुप दिखाइए, ग्रुप आप आपका जो वो चल रहा था पीपीटी हाँ उसको बंद करिए। ओके तो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे बग बाउंटी हंटिंग, तो इसके अंदर में आप जैसे कि मैंने बताया कि जो वेब सिक्योरिटी एकेडमी होता है बकसूट का, उसके बारे में भी आपको जानना पड़ता है कि उसके अंदर में जाओ अलग अलग प्रॉब्लम्स को देखो, उसका सोल्यूशन करो, तो भी आपको बहुत इसके बारे में नॉलेज मिलता है। और हैकर वन जो है ठीक है, उनके पास ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि रिस्पॉन्स डिस्क्लोजर बताया, ऐसे ये लोग अगर उनके पास चले जाए जो कंपनियां रिस्पॉन्स डिस्क्लोजर डाल के रखे हैं, आपको इन्वाइट कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी का थ्रू आ जाओ बग बाउंटी करो ठीक है, और लेके जाओ पैसा ठीक है या फिर फ्लैट जो भी है, तो हैकर वन जैसे कंपनियां भी ऐसे खोल के रखे हैं जहां पर आके लोग रजिस्टर करते हैं कंपनियां, जो लोग अपने बग बाउंटी कराना चाहते हैं ठीक है, वो हंटिंग करवाना चाहते हो, रिसर्चर्स को इनवाइट कर रहे हैं। तो इस केसेस में क्या है ना कि हम क्या कर सकते हैं, हम उन वेबसाइट में जाके सीख सकते हैं, जैसे कि हैकर वन हो गया, तो हैकर वन के कुछ सीटीएफ होते हैं, हैकर वन हैकर को बनाने के लिए बेसिक सिखाने के लिए हैकर 101 का साइट चलाते हैं, वहां पर सीटीएफ होते हैं, आप वहां पर देखोगे कि सबसे अच्छा जो बग बाउंटी सिखाने का जो मेंटर है वो है स्टॉक STOK, जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो स्टॉक के वीडियोस के साथ वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सजा के दी गई है, तो एनीबॉडी कैन लर्न ओके फ्रॉम हिम। तो जो हैकर 101 है, जो सीटीएफ है उनके, तो लोग अगर उसको अच्छे से स्टडी करेंगे फॉर फ्री, वहां पर वो लोग चीजों को सीख सकते हैं, वहां पर सीटीएफ को प्ले कर सकते हैं, तो प्राइवेट इन्विटेशन भी आना स्टार्ट हो जाएंगे अगर कुछ एक्टिविटीज वहां पर करेंगे तो अच्छे अच्छे से खेलेंगे तो राइट। तो देन वो जो है बग बाउंटी जो बग क्राउड होते हैं अगर हैकर वन जैसे वेबसाइट में कर सकते हैं, हैकर वन थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब स्ट्रॉन्ग एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, बग क्राउड भी बहुत अच्छा है, लेकिन हैकर वन के अंदर में अगर आप सही से क्वालिटी बग नहीं दे रहे हो तो आपका रेपुटेशन डाउन हो जाता है, बग क्राउड के अंदर भी इतना चीज नहीं होता, बिगिनर फ्रेंडली है, इंट्रीगिटी भी है थोड़ा सा प्रीमियम है, इंट्रीगिटी भी आता है, और जो छोटे छोटे लेवल पे जो बग बाउंटी करेंगे जिनको इतना पैसे से मतलब नहीं है, काम से मतलब है, सीखने से मतलब है, वो लोग ओपन बग बाउंटी पे जा सकते हैं, और ओपन बग बाउंडी पे जाने के बाद में वो लोग फ्री का जो करना होते हैं वो कर सकते हैं, वो लोग थोड़ा सा तारू वगैरह भेज देते हैं है ना, थोड़ा सा स्वैग वगैरह दे देते हैं, जिनका जो बिजनेस है वो इतना दे देते हैं, अगर किसी का टी शर्ट है, किसी का बिजनेस है वो टी शर्ट दे देंगे, ऐसा जो है बग बाउंडी वहां पर मिल जाता है ठीक है, मतलब थोड़ा छोटा मोटा प्रोडक्ट जो मिल जाते हैं, और उसमें फालतू छोटे छोटे लेवल के वेबसाइट भी आपको मिलेंगे, फालतू बोलना तो मेरे को सही नहीं है, लेकिन मतलब छोटे लेवल के जो लोग होते हैं वो लोग अपना कंपनी में बग बाउंटी कराने के लिए कि भैया कोई इतना सिक्योरिटी निकाल के देगा ठीक है, बग निकाल के देगा, सिक्योरिटी मिस्टेक निकाल के देगा, और हम उनको समझ लो कि हमारा जूते का दुकान है राइट, और मैं उसका वेबसाइट बना करेगा मान के चलिए, तो अगर कोई हैकर ऐसा ढूंढ के दे रहा है मेरे को सिक्योरिटी करके दे रहा है, तो मैं उनको एक जूता तो गिफ्ट कर ही सकता हूँ ना, तो ऐसा बात हो जाता है अच्छा ठीक है, आपका मैं तारू का दुकान है, तारू का ऑनलाइन पे तारू भेज रहा हूँ, कुछ भी चीज कर रहा हूँ, प्रीमियम कुछ भी दे रहा हूँ, तो अगर कोई आके उसको खरीद के जा रहा है या फिर कोई उसको कुछ भी कर सकता है, सिक्योरिटी मेरे को दे रहा है वो ढूंढ के दे रहा है, तो मैं उनको एक बोतल दारू तो पिला ही सकता है ना, तो समझ लो कि वहां पर होते हैं मतलब छोटे बग बाउंटी वहां पर आपको हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा बिगिनर्स वो वहां पर जाकर आराम से कर सकता है, ओपन बग बाउंटी लिख के जा सकते हो वहां पर देख सकते हो, अगर दिखाना चाहो तो एक बार विजिट करके दिखा दीजिए, ओपन बग बाउंटी का प्लेटफॉर्म ध्रुव ध्रुव ओपन बग बाउंटी का जो प्लेटफॉर्म है आपको दिखाइए उस चीज को राइट। हाँ आप लिखिए यहाँ पर
ओपन बग बाउंड्री डॉट वॉट जी करके, राइट। तो यहाँ पर आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये वेबसाइट के अंदर में प्रोग्राम्स में ब्राउज करोगे, हॉल ऑफ फेम में ब्राउज करोगे, तो जिन लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर आके आराम से देखिए आप कितने छोटे छोटे साइट्स हैं यहाँ पर ठीक है, छोटे छोटे देखिए वेबसाइट है ना, इतना मतलब बड़ा बड़ा कोई कंपनी नहीं है। तो आप यहाँ पर जाके जो अपना काम कर सकते हो ठीक है, और लर्निंग करना चाहते हो, देखिए ये सब गिफ्ट मिलता है ना, छोटा छोटा गिफ्ट, ज्यादा बड़ा गिफ्ट नहीं है। अमेजोन का बिजनेस है किसी का, ये सब चीजों में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, तो आपको कोई ऐसा करके कुछ दे दिया ऐसी चीजों में, और इसके अंदर में मिल भी जाएंगे आपको बहुत सारे बग मिल जाएंगे आपको ठीक है। और देन अगर इस पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे आप, हैकिंग लैब जैसा बंदा ठीक है, अगर कोई चाहता है कोई बंदा तो जो है ये सब चीजें कर सकते हो, हैकिंग लैब जैसा मतलब जैसे कि आप सीटीएफ प्ले करते हो ऑनलाइन, तो आपको सिखाया जाती है हमारे यहाँ पर सीएच पॉइंट में, आप सीखते हो ट्राई हैकिंग, हैक द बॉक्स वगैरह प्ले करके, ऐसे ही यहाँ पर भी आप जाके भी हैकिंग लैब जैसा है, अब यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने जो भी चीज सीखोगे, थोड़ा सा आसान बन जाता है आपके लिए। छोटे छोटे कंपनियां जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है इतना, तो इनके अगर कोई ई कॉमर्स साइट है तब बिजनेस लॉजिक फ्लो जैसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो किसी का दोनों प्रोडक्ट ऐड किया, एक प्रोडक्ट का क्वांटिटी माइनस कर दिया तो प्राइस जिसका माइनस में आया, देन कुछ प्रोडक्ट और बाय किया जो प्लस माइनस हो गया, उस प्रोडक्ट को फ्री में बाय किया, ऐसे भी कुछ चीजें होते हैं जो आपको वेब सिक्योरिटी एकेडमी कोर्स फिगर का वो आपको सिखा देता है, तो देन उसके थ्रू आप इस चीज को कर सकते हो राइट, उनके नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पीपीटी स्लाइड में फिर से जाइए ओके। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए जैसे कि सिक्योरिटी आर्किटेक्ट होगा जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ ठीक है, कि सिक्योरिटी के अलग अलग चीजों को प्रोग्राम को इनिशिएटिव्स को डेवलप करना ठीक है। अब सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के जो जॉब रोल्स होते हैं अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो देन इसके बारे में जब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो उसके बारे में हम जानेंगे ठीक है। अभी क्या है ना कि सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का जो काम है ना, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, अलग अलग चीज को बनाना, टेस्ट करना, उसको इंप्लीमेंट करना, ये सब काम रहता है सिक्योरिटी इंजीनियर का हेल्प लेके, और लोग इस चीज को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर एक चीज। नेक्स्ट में आगे नेक्स्ट में जाइए ठीक है, नेक्स्ट इसको नेक्स्ट करिए। तो देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी एनालिस्ट बताई जा रही है, सिक्योरिटी एनालिस्ट बग हंटर्स ठीक है। तो इसके बारे में बताई जा रही है कि जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है वो बहुत ही जो है एक की रोल प्ले करता है ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए ठीक है। तो वो अपने ज्यादातर टाइम जो स्पेंड करते हैं नेटवर्क के अलग अलग एक्टिविटीज को मॉनिटर करने में, जो कंपनी के अंदर में अलग अलग नेटवर्क एक्टिविटी हो रहा है ठीक है, जो अलग अलग मॉनिटरिंग होते हैं वो करते हैं, वो लोग चेक करते हैं जो सस्पिशियस एक्टिविटी पर इंट्रूजन आ रहे हैं, अपने आईडीएस आईपीएस के माध्यम से उस चीज को चेक करते हैं, उसके लॉग्स चेक करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इसका अटैक हो रहा है और किस तरीके से इसको माइटिगेट करना है राइट। तो ये सब चीजें रहते हैं। तो वंस एन अटैकर डज वन सो व्हेन एन अटैक डज ऑकर, जब एक अटैक होता है तो सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम ये बन जाता है ठीक है, रोल इन माइटिगेटिंग दोज अटैक, इस अटैक को माइटिगेट करना उनका काम बन जाता है। नेक्स्ट करिए, तो बग बाउंड्री करने वाले जो लोग होते हैं बग हंटर्स उनके बारे में बताया जाएगी। नेक्स्ट करिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में बताया जाएगी ओके। तो बग हंटर्स का भी यहाँ पर बताया जाए, बग हंटर्स और एसेंशियल लाइक पेनिट्रेशन टेस्टर्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था पेन टेस्टर जैसे ही काम होता है, पेन टेस्टर्स कंपनी के परमिशन लेके काम करते हैं और ये लोग बस रजिस्टर कर देते हैं तो परमिशन इन्हीं मिल जाते हैं, ऑनलाइन पे भी फाइंड करके डायरेक्ट तो रिपोर्ट सबमिट भी कर सकते हैं ठीक है, जहाँ जहाँ पर एक्सेप्टेड है वहाँ वहाँ पर ठीक है। ओपन बग बाउंड्री भी हो सकता है, प्राइवेट बग बाउंड्री भी हो सकता है, अलग अलग केसेस में अलग अलग होते हैं ठीक है। तो उनका काम रहता है और बस यही बात है कि कंपनी पहले से ही बैठा होता है, जैसे लास्ट लाइन में आप देख सकते हो लास्ट पॉइंट कि द प्रोग्राम इन्वॉल्व कंपनी सिटिंग आउट रिवर्स टू इंडिविजुअल देयर डेटर सक्सेसफुल इन फाइंडिंग वल्नरेबिलिटी, मतलब ऐसे कोई बग बाउंटी हंटर अगर कोई ऐसा बग बाउंटी प्रोग्राम में जाके कोई सक्सेसफुल बग रिपोर्ट करी हुई है तो कंपनी बैठा रहता है कि उसको रिवॉर्ड देने के लिए, तो ऐसा सिस्टम होता है। तो ये जो प्रोग्राम होता है आप देखोगे हैकर वन के बारे में यहाँ पर बताई गई है ठीक है। तो हैकर वन प्रोवाइड इजी वे टू फाइंड
कंपनीज विद बग बाउंटी प्रोग्राम। तो जो भी कंपनी वहाँ पर एज ए कंपनी रजिस्टर करता है जिनको बग बाउंटी करवाना है वहाँ पर जाते हो, तो हैकर वन इंटरमीडिएटरी है। तो आप जो भी भलार बेटी को एड्रेस करोगे, जो भी इसको एड्रेस करोगे, उसके बारे में रिपोर्ट करोगे, माइटिगेशन के स्टेप बताओगे, ठीक है, कुछ चीजें बताओगे, ठीक है, तो क्या होगा, हैकर वन क्या होगा, उनके साथ आर्गुमेंट करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे कंपनी के साथ, देन वो आपको हेल्प करते हैं और रिवर्ट मानना है, ऐसा चीज रहता है। और एंड ऑफ द डे आप वहाँ से सीख भी सकते हो कैसे बग बाउंटी करते हैं, सीटे प्ले वे कर करके आप अलग अलग अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और बग शूट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर कंपनी के नाम बताए जा रही है कि जो लोग बग बाउंटी में इन्वॉल्व है, ठीक है, फेसबुक वगैरह, ये बड़े बड़े कंपनी के अंदर में भी बग निकलते रहते हैं। तो इफ समबडी आस्किंग हाउ टू हैक फेसबुक, सो ही कैन डू बग बाउंटी, ठीक है, कि अगर उनको फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा लेवल का क्वालिटी बग मिल गया तो पर्टिकुलर कुछ भी चीज को जो है हैक कर सकते हैं। ऐसे तो डेटा लीक होते ही रहते हैं, फिर लोग बग बाउंटी हंटर्स नहीं है, उनको पैसे से मतलब नहीं है, उनको तो डेटा बिजनेस मतलब है, यही चीज होता है। कभी कभी देखा जाता है पुराना डेटा होता है, जो भी है। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के बारे में बताई जा रही थी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में भी था, वो आपने ड्रॉप कर गए होंगे, पीछे जाइए, पीछे जाइए, इसके पीछे, ओके। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग यहाँ पर बताई जा रही कि पेन टेस्टर इन्वॉल्व फाइंडिंग वल्नरेबिलिटी और उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। तो इसके अंदर में नेटवर्क आ सकते हैं, वेब एप्लीकेशन आ सकते हैं, किसी का कंप्यूटर आ सकते हैं, तो उसके अंदर में टेस्टिंग करना आपको। इसके साथ में छोटे छोटे जो अटैक्स होते हैं, यूएसबी बाईपास से लेकर किसी का सिस्टम को हैक करना, ठीक है, उसके अंदर में कोई टाइप का अटैक करना, पावर सेल के बारे में जानकारी होना, ठीक है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स के बारे में जानकारी होना, ये सब हर चीज जो है इंपॉर्टेंट होता है कि हैकर के लिए जो ये सब चीजों को करते हैं। वेब एप्लीकेशन के अंदर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी जो इंजीनियर्स होते हैं उन लोगों का भी काम बन जाता है, पेन टेस्टर्स का भी काम बन जाता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर में भी कुछ डेमोंस्ट्रेशन हम करेंगे इसके यही सेशन के अंदर में, ठीक है, कुछ चीजें आप लोग करोगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड चीज यही बताई गई कि गोल ऑफ फाइंडिंग वल्नरेबिलिटी एनेबल कंपनीज टू क्रिएट प्लान्स टू माइटिगेट दोस अटैक्स, मतलब यहाँ पर वो जो भी चीजें फाइंड करते हैं उसको बता देते हैं कि कैसे कैसे इसको माइटिगेट करना है, उसके प्लान्स को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो उसके बाद में क्या होता है कि एन टर्न कैन प्रिवेंट ए रिस्क ऑफ एन अटैक, ठीक है, तो जो भी अटैक होने का जो रिस्क रहता है उस चीज को जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बंद करने में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब ऐसा चीजें वो उनको करते हैं। लेकिन ये जो माइटिगेशन है, ये माइटिगेशन वो रिकमेंडेशन फॉलो करके माइटिगेशन करने का काम किसका है, एनालिस्ट का है, राइट। तो ये चीजें रहता है। तो अब नेक्स्ट करके एनालिस्ट का जगह को जाइए, नहीं तो आप आर्किटेक्ट का पार्ट को ओपन करिए जो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का जगह था, ओके। तो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी सिस्टम विद इन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। ऑर्गेनाइजेशन के जो नेटवर्क है उसके अंदर में डिजाइन करना, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना, टेस्ट करना उनका काम रहता है, ठीक है। और सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन को अगर छोड़े तो यहाँ पर बताई गई है कि दे ऑफन विल रिव्यू करंट सिक्योरिटी सिस्टम वेयर दे विल मेक रिकमेंडेशन ऑन न्यू सॉल्यूशन टू इम्प्लीमेंट एंड अपडेट, ठीक है। तो दे ऑफन विल रिव्यू करंट सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है, वो देखेगा कि अभी करंट सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, ठीक है, तो दे विल मेक रिकमेंडेशन, ठीक है, वो लोग बोलेंगे कि भाई इस चीज के अंदर में ऐसा चीज थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, मतलब वो टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करके देखे कि इसमें कुछ रिकमेंडेशन देता हूँ इससे इसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, इसको अपडेट करने के लिए। वही चीज है कि कुछ सोल्यूशन नया करके आ जाए जाके जो प्रीवियस अटैक उस सिस्टम के ऊपर हुआ था, कुछ चेंजेस उसके अंदर में होकर हो जाए सिस्टम के अंदर में, तो थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। अब वो इतना ही करके उसको डिजाइन करके छोड़ दिया, लेकिन ये जो काम इसके बाद में करेगा ना वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर या फिर तो कोई साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर आके चेक करेगा, और उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अगर आप उसमें करियर बनाना चाहते हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको गूगल कर करके उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल में अगर आप स्टार्ट करते हो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट जॉब, आप चेक करिए, गूगल खोलिए और गूगल खोल के डालिए, गूगल खोल कर लिखिए सिक्योरिटी आर्किटेक्ट जॉब, ओके। तो आप कोई भी
एक सिक्योरिटी आर्किटेक्ट आईबीएम का जो है उसको ओपन करिए। आईबीएम जैसे कि बड़ा कंपनी है हम जानते हैं, तो जो नीचे का आईबीएम का है उसको ओपन करिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपन करिए लिखना है। तो नीचे में जाइए और रीड मोर करिए और उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पढ़िए क्या लिखी हुई है। देखिए तो यहाँ पर यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, फायरवॉल, वाप एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है, नेटवर्क इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, मतलब NIPS के बारे में बताया जा रही है, DDoS सिक्योरिटी एंड उसके बाद में ईमेल सिक्योरिटी, मैलवेयर एनालिसिस, ठीक है। तो ये सब चीजों में आपको जो है काम करना पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब कि द मैरिज सिक्योरिटी पॉलिसीज आर एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, तो उनके जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको देखना पड़ेगा कि वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो होते हैं, जैसे कि ISO है, कोई पॉलिसी बनाई गई है, कोई प्रोसीड्योर बनाई गई है, लेकिन वो प्रोसीड्योर क्या ISO सर्टिफाइड है, ठीक है। तो ISO का जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का जो स्टैंडर्ड है उससे उसको चेक करके देखना कि उसको मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके मुताबिक है कि नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, देन आप देख सकते हो अलग अलग चीज़ें क्या है, ठीक है, उसकी प्लानिंग डिजाइनिंग, ठीक है, उसके बाद में बल दिखाई गई, देखिए डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पैरामीटर सिक्योरिटी के ऊपर हम बताई जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बताई जा रही है नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट DNS, PKI, ठीक है, तो इस तरह से क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड है, कुछ DNS से रिलेटेड है, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज कितना होना चाहिए, रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें हैं, आपको देखने को मिलेगा ना बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे कि जूनिपर, सिस्को, तो जिन लोगों ने इनके सर्टिफिकेशन करके रखे हैं, ट्रेनिंग करके रखे हैं, Fortinet का तो फ्री कोर्सेज भी है इनके टेक्नोलॉजी, इनके सिक्योरिटी प्रोडक्ट के साथ, अगर आप फेमिनर होना चाहते हो देन उसके थ्रू आप जा सकते हो। 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस आपको इस चीज़ में जो है चाहिए, बट आप चीज नोटिस करना, जो चीज़ें हैं हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं अभी से ही डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया है। सो इफ यू आर ज्वाइनिंग CH Point वेरी सुन, अगर आप जल्दी जल्दी से CH Point को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग ने तो कर लिया है, तो क्या है ना कि आपका ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसको अपने अंदर में तैयार करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। जैसे आप लोग अगर साइबर फ्यूचर का पार्ट है तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें के ऊपर में बातचीत हम कर रहे हैं, जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम इसके साथ फेमिलर हो रहे हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहा है, कुछ भी कोर्सेज आप ऑनलाइन पे कर रहे हो, तो आपका ये देखना चाहिए कि कोर्स कितना एडवांस है, वो देखने का नहीं चाहिए, आपको देखना चाहिए कि वो चीज़ रिलीवेंट है क्या इस चीज़ से। जैसे कि अगर आप बात करते हैं हमारे यहाँ पर इस पोजिशन के बारे में, देखो कि कहीं ना कहीं मैनेज की बात करी जा रही है ISO ये सब चीज़ों के लिए, तो फ्रेमवर्क पढ़ना पड़ेंगे आपको, GDPR के डॉक्यूमेंटेशन करना भी एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का कहीं ना कहीं काम हो सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं काम हो सकता है, NIST फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, उसके कुछ चीज़ों को मैनेज करना, बहुत सारे इजाजत है। नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होने के लिए भी ऐसा फ्रेमवर्क की नॉलेज भी होना चाहिए आपको, सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स की नॉलेज होना चाहिए आपको, जो CIA होता है वो भी गाइड करता है सिक्योरिटी पॉलिसीज को। एंड ऑफ द डे नॉट ओनली द टेक्निकल पार्ट, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और ये सब स्टैंडर्ड्स वगैरह को मैनेज करने का पार्ट भी आपको समझना पड़ेगा, और उसके मुताबिक आपको रिपोर्ट्स वगैरह देना पड़ेगा, उसके मुताबिक आपको अलग अलग एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इफ यू आर ज्वाइनिंग CH Point एज सून एज पॉसिबल, तो क्या होता है कि ये सब जो कीवर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके साथ आप ज़्यादा जल्दी कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट करिए, आपके आर्किटेक्ट के बाद में जो भी पोजिशन है उसके बारे में जाइए, जो भी अलग अलग जॉब प्रोफेशन होते हैं। ओके, तो ओके, तो यहाँ पर सोर्स कोड रिव्यू का बात करी जा रही है, ठीक है, द पोजिशन एक कोडिंग साइट का जॉब है बताई जा रही है, राइट। तो रिव्यू कोड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, अब नेक्स्ट करिए इसके नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। ओके, ओके, तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर वर्सेस पेनिट्रेशन टेस्टर, यहाँ पर बताया जा रही है कि ये जो पोजीशन है जो पेनिट्रेस्टर का काम है, द पोजीशन कैन बी वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ए पेनिट्रेशन टेस्टर, की एंड ऑफ द डे जो पेनिट्रेस्टर्स है ना वो लोग भी कहीं ना कहीं बपटूट जो ऑनलाइन पे टूल्स होते हैं इसको लेकर काम कर रहे हैं, और ये सब जो टूल्स होते हैं वो पेनिट्रेस्टर लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन बना कौन रहा है, इसको सिक्योरिटी करने के लिए बना तो कोई रहा है ना, तो इंजीनियर से। यहाँ पर बताया जाए द डिफरेंस बिटवीन पेनिट्रेस्टर एंड एंटायर पेनिट्रेशन टेस्ट एंड एंटायर एनवायरमेंट, व्हाइल द एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर टेस्ट
सिंगल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर कोई पेन टेस्टर है तो उसको ये देखना पड़ेगा कि अगर समझो कि फेसबुक के अंदर पेन टेस्टिंग होता है, फेसबुक देखेगा, फेसबुक देखेगा उसके पेन टेस्टर को ऐसा परमिशन दे देगा कि वो उनके नेटवर्क को टेस्ट करे, वो उनके सॉफ्टवेयर जो एंड्रॉइड का ऐप है उसको टेस्ट करें, उनका जो वेबसाइट है उसको टेस्ट करें। तो पेन टेस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज्यादा है, लेकिन जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर होगा ना, एक तो है वो अगर वेबसाइट देखेगा, तो अगर फेसबुक पेज में बनी हुई है फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, वो उसका स्पेशलिस्ट है, तो उस चीज के अंदर में उसका कोड चेक करेगा, हर चीज में चेक करेगा, वो उसके तरीके से वो देखेगा उस चीज को, ठीक है, कि उसके अंदर में कहाँ कहाँ पर सिक्योरिटी है, कहाँ कहाँ पर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पार्ट मैंने आपको कहा, ये बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, कि मैं किस चीज का बात कर रहा हूँ, किस सिक्योरिटी का बात कर रहा हूँ। तो लेट आप जो है कॉन्को आप शेयर करिए, लेट्स शेयर योर स्क्रीन। तो आप जो DPWA है आपको तो आपको स्टार्ट करके रखे होंगे आप, तो आप जो है DPWA के अंदर में जाके जो हमारा उसका कोई भी सोर्स कोड होता है आप चेक करिए, उसके अंदर में ना आपको आप एज ए लर्नर आप जो चीज को सीखेंगे तो आपको तो वल्नरेबल ओएस होना चाहिए आपके पास, राइट। तो वल्नरेबल ओएस जैसे कि आपका मेटास्प्लॉइटेबल हो गया, उसके अंदर पहले से ही आपको वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन मिल जाते हैं, और DPWA का फुल फॉर्म भी ऐसा ही है, डेमन वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। तो उसके अंदर में MATLDD, DPWA ये सब पहले से ही ना इंस्टॉल्ड है। फिलहाल सिस्टम के अंदर में भी बहुत सारे सर्वर साइड वल्नरेबिलिटी भी है, एप्लीकेशन साइड पे भी कॉन्टेंट बैक एंड बहुत सारे और वल्नरेबिलिटी है, तो उसके आप जो है पेन टेस्ट कर सकते हो। तो आपका आप देख लीजिए आपका उसका IP क्या है मेटास्प्लॉइटेबल का, और अगर आपका वो रन है तो उसका IP को आप क्रोम ब्राउजर में टाइप कर दीजिए, 192.168 तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, बस एक IP एड्रेस सही होता है, बस वो लिख दीजिए 128 है क्या, 129, यस। तो मेटास्प्लॉइटेबल 2 यहाँ पर बताई जा रही है, DPWA ओपन करिए, MSF एडमिन नहीं है यहाँ पर, नीचे में लिखी गई है देखो एडमिन एंड पासवर्ड। अच्छा सॉरी मैंने ख्याल नहीं किया, तुमको तो कराई गई थी, क्यों नहीं याद है तुमको, जो भी है लॉग इन। तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी नीचे में आप देख सकते हो, थोड़ा सा आप यहाँ पर जाइए CSRF स्किल इंजेक्शन कहीं पर भी आप जाइए, कहीं पर स्किल इंजेक्शन ओपन करिए, नीचे देखिए व्यू सोर्स का ऑप्शन है, व्यू सोर्स में जाइए, नीचे देखिए व्यू सोर्स का ऑप्शन है, व्यू सोर्स नीचे व्यू सोर्स। अब इसको फुल स्क्रीन करिए, मैक्सिमाइज करिए इसको, कंपेयर के ऊपर क्लिक करिए, कंपेयर, ओके। तो ये चीज होता है, समझो कोई SQL इंजेक्शन आप इसके अंदर में तो प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको पता भी होगा कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो हाई सिक्योरिटी है ऊपर में है, हाई सिक्योरिटी वाला, तो इसके अंदर में आपको हाई सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड देखने को मिल जाएंगे। आप देखोगे कि जो मीडियम सिक्योरिटी है, जो लो सिक्योरिटी का है, उसमें ज्यादा चीज लिखी नहीं गई है। अब थोड़ा सा नीचे जाइए, और जो इम्पॉसिबल होंगे वो भी कुछ अलग ही किस्म के होंगे, ठीक है। यहाँ पर लो मीडियम और हाई बताई गई है, इम्पॉसिबल बनी बताई गई है। तो आप इम्पॉसिबल मोड में जाएंगे तो इम्पॉसिबल का भी दिखा सकता है, हो सकता है। और लो सिक्योरिटी में देखिए आपको किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लो सिक्योरिटी है यहाँ पर आपको कमेंट आउट पे ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि रिटाइप द डेटा, देखो आप कमेंट आउट करके रिमूव द सपोर्ट MySQL एरर्स, ओके, और डाई टू सपोर्ट MySQL एरर्स। तो बताइए इस लाइन का क्या मतलब है, ऊपर जाइए, टॉप में जाइए, टॉप, हाँ, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ब्लाइंड को छोड़िए, कोई और टाइप के टेस्ट पे जाइए, इसको काटिए, मतलब इसमें वो रिकमेंडेशन लिखी नहीं गई एक्चुअली,
हाँ तो सी एस आर एफ पे खोलिए, सी एस आर एफ का जो है उसको खोलिए, आप इसके टेस्ट करिए, इसके व्यू सर्च करिए। ओके इसके अंदर में देखिए लिखी गई है राइट। तो मैं एक कहना चाह रहा था जो हाई सिक्योरिटी है उसको चेक करिए, क्या लिखी है इसमें, सैनिटाइज द पासवर्ड इनपुट। सबसे नीचे में जाएंगे ना वहां पर देखिए सैनिटाइज वाला नहीं लिखी गई है। इसके नीचे में देखिए टर्न ऑन द रिक्वेस्ट इनटू वेरिएबल, ठीक है, चेक द पासवर्ड इज करेक्ट और नॉट। देखिए ये लो में देखिए सब चीजें है, सैनिटाइज वगैरह करने का नहीं नहीं है, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इस पे हाई सिक्योरिटी था और नीचे में मतलब नहीं है, तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए। अब व्हाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग करोगे ना, आपको तो कोड दे दी जाएगी, एक कोड आप देख सकते हो, तो आपका काम ये बन जाएगा कि उसको टेस्ट करना, तो पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करना है ना। अच्छा। तो आप उस चीज को टेस्ट करोगे, ठीक है, समझो कि कोई सॉफ्टवेयर के अंदर में आप ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप उसको टेस्ट करोगे, उसका कोड का स्ट्रक्चर क्या लिखी गई है। इथिकल हैकर को जरूरत नहीं है कि पूरा कोड को समझ लेना, बस उसको ये पता रहना चाहिए कि कोड को समझ के कोड लिखना उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कोड को थोड़ा बहुत समझना और उसके अंदर से बग्स को निकाल पाना उनके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप इथिकल हैकर हो तो, ठीक है। तो ये चीज बन जाता है। अच्छा तो स्लाइड तो कॉन्को के पास में भी होगा, तो स्लाइड ओपन करिए कॉन्को। कितने नंबर पेज पर चल रहा था? ओके तो कौन सा पेज चल रहा था? आर्किटेक्ट के बाद में, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट और उसके बीच में 11 नंबर स्लाइड, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर वर्सेस। ठीक है तो नेक्स्ट करिए, नीचे जाइए, नीचे जाइए। ओके तो अभी साइबर सिक्योरिटी के स्किल्स के ऊपर बात करी जा रही है। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो कौन सा स्किल्स आपके पास होना चाहिए, करियर कैसे बनाओगे? तो मैं बता दूं स्किल्स जनरली वुड सी इन द दिस पोजीशंस इंक्लूड, जो भी पोजीशंस होते हैं उसके अंदर में रहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। आप एक सिक्योरिटी आर्किटेक्ट को, आप इंजीनियर को बताना चाह रहे हो, आपको आपका जो प्लान है सही सही सलामत आपको समझाना होगा। अब एक बात, ग्राउंड रियलिटी क्या है ना, कि अगर आप सिक्योरिटी इंजीनियर हो और आपको जो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बता रहा है, अब वो चीज कोई साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट है वो आपको गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा। तो इस केस में क्या है ना कि सिक्योरिटी कंसल्टेंट होंगे वो मान के चलो कोई बाहर के कंट्री का है और आप जो हो इंडिया के हो, तो दोनों के बीच में तो भाई कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। नहीं तो अगर दोनों का ही कम्युनिकेशन स्किल सही है तो ही चीज हो सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी का फील्ड है यार, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आप एक बात बताइए कॉन्को, आपका ये 16 साल है, आप स्कूल में पढ़ते हैं, अलॉन्ग विद दैट आप प्रोग्रामिंग सीखने आए थे, देन उसके बाद में हमने साइबर फ्यूचर ज्वाइन करी, बेसिक पेंटर ज्वाइन करी, साइबर फ्यूचर ज्वाइन करी, आप सीख रहे हो, आप इंटर्न कुछ चीजें आप हमारे फेलोशिप में हो, अभी कुछ चीजें आप हमारे साथ मिलकर करने का कोशिश करो, वेबिनार वगैरह, ताकि आपके लीडरशिप रोल हम दिखा सके, सब सब तक पहुंचा सके, ठीक है। हाँ कि आप लोग किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, कितना आप दुआर बन चुके हो, कितना काम करने लायक बन चुके हो, चीज दिखाने के लिए हम आपको इसमें वेबिनार लेने में आपको बुलाए हैं। यहाँ पर क्या है कि आपके साथ में कहीं ना कहीं हमारा मुलाकात हो रहा है और हम इस पिन टेस्टिंग में साइबर सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, राइट। और भी बहुत बड़े प्रोफेशनल्स के लोग आपको हमारे ग्रुप के अंदर में देखने को मिलते हैं, जैसे मुकुल सर हो गए, सब लोग होंगे, राइट। इन फ्यूचर आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग आपको यूएस के अंदर पे बैठे हैं, वो आपको प्रोजेक्ट देते हैं अलग अलग चीजों में, बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट होते हैं वो लोग, $4,000 के आसपास ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं। तो ये चीज जो छोटे स्कूल के और स्टूडेंट्स होते हैं उनको मिल रहा है क्या, ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है क्या? नहीं नहीं है ना। तो ये चीज क्या है कि आप जब साइबर सिक्योरिटी के साथ जब पढ़ने आ जाते हो ना, आपके साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों का मुलाकात हो जाता है ना। अब इस प्रोफेशन में और भी ज्यादा दिन तक रहोगा, और भी लर्निंग पर रहोगा, तो आप भी बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलोगे, है ना। तो क्या रहता है साइबर सिक्योरिटी जॉब के अंदर में, अगर आप देखोगे तो मेनली कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलोगे, उनके साथ में कम्युनिकेशन करना, ठीक है। अब इसके बाद में ये भी है कि अगर आप एक सोशल इंजीनियर हो, मेनली सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए भी तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा सबके साथ, ठीक है, कि लोग आपको इजीली बात करना चाहे आपके साथ, ऐसा नहीं कि लोग आपको देख के भागे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आप मजेदार बंदे होना चाहिए कि आप मजे मजे में लोगों से बात क्वेश्चन पूछो और वो आपको आंसर दे दे, बहुत सारी चीजें आप ऐसे करके पूछ रहे हो, आपको बात बात को डाल ही नहीं सकता, ऐसा ऐसा चीजें हो जाती है। टीम वर्क,
टीम टीम वर्क, सबको यूज करके कैसे काम निकलवाना है, ये चीज सबको एक बग बाउंटी करना है तो चेकलिस्ट आपने बनाया, पर्टिकुलर बग को फाइंड करने के लिए आपको पर्टिकुलर उसके प्रोफेशन के लोग चाहिए। तो आपने वहां टॉप 10 के मास्टर बंदे को लेके आ गए, वो तब आएंगे ना जब उनके साथ सही से बात करोगे एकदम, उनको आप समझा पाओगे कि उनको क्यों काम करना चाहिए, टीम वर्क क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अलग अलग जो प्रॉब्लम इश्यूज आते हैं उसको सॉल्व करना कितना अच्छे से कर पाते हो, ये चीज। प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए, ऐसा बात नहीं है प्रोग्रामिंग आपको नहीं आना चाहिए, आपको आपने तो एकदम सही डिसीजन लिया था, प्रोग्रामिंग आपने स्टार्ट किया था, अब अभी भी इसको कर ही रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज है। अब इन फ्यूचर और भी चीजें को सीखना पड़ेगा आपको। इथिकल हैकिंग तो है, इथिकल हैकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इथिकल हैकिंग आज के जमाने में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोग अगर अपने सिस्टम को टेस्ट नहीं करवाएंगे तो कब जाके कोई हैकर आके उसको उखाड़ देगा उस कंपनी को, बिजनेस को, वो कोई नहीं कह सकता। इथिकल हैकर के डिमांड रहेंगे, ठीक है, वो तो कोई बोल ही नहीं सकता, वो तो रहेंगे, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी होना, रिस्क एनालिसिस के बारे में जानकारी होना। आप बोलोगे यार सिक्योरिटी एनालिसिस जो लोग कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स की नॉलेज होना चाहिए, रिस्क एनालिसिस की नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अब मैं इथिकल हैकर हूँ तो मेरे को ये सब चीजों की क्या जरूरत है रिस्क एनालिसिस करने का। इन द डे आप रिस्क एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना, तो फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आप ये नहीं बता रहे हो कि कौन सा बग को फिक्स करने का क्या खर्चा है और उसको फिक्स ना करने से क्या हो सकता है, और अगर कुछ बैड थिंग उनके साथ हैपन होता है, कंपनी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी में। तो फाइनेंशियल एनालिसिस रिस्क एनालिसिस रहना चाहिए आपके रिपोर्ट के अंदर में, तब जाके आपकी जो रिपोर्ट है वो सी लेवल एग्जीक्यूटिव समझ सकते हैं, वो आपको पेन टेस्टिंग के जो कोर्सेज है उसके अंदर में बताई गई होगी, राइट, है ना, किस तरीके से आपको रिपोर्ट लिखना है कि चाहे वो एक सी लेवल एग्जीक्यूटिव समझ पाए, ये चीज आपको आना चाहिए। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मान के चलो कोई कंपनी है जो अभी भी टेलनेट का यूज कर रहा है और उसके कंपनी के अंदर में कोई ऐसा बंदा बैठा है आप जो व्हाट्सएप ग्रांट करके बैठा है और पासवर्ड वगैरह देख लिया और उसके बाद में उसके यूज करके उसका मिस यूज कर दिया, डेटा उड़ा दिया क्योंकि उसको सैलरी ठीक टाइम पर नहीं मिल रहा था, तो ऐसे गलत एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर जा सकते हैं, तो इनसाइडर थ्रेट्स हो जाते हैं कंपनी के अंदर में अलग अलग तरीके से जो भी है। तो नेटवर्क इंट्रूजन, ठीक है, आप इसको भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, क्या क्या हो सकता है नेटवर्क के ऊपर में अटैक, उसको डिटेक्ट करने के लिए कैसे डिटेक्शन मैकेनिज्म आप लगाओगे, डिटेक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी क्या लगाओगे, ये चीजें हो गया। फिर नोमॉक इम्प्लीमेंटेशन करके भी आप अलग अलग मॉनिटरिंग कर सकते हो, डिटेक्शन कर सकते हो। मेनली बात बन जाता है कि आप अपने इंट्रूजन को टेस्ट करने के लिए आप अपने हनीपॉट डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, ऐसे छोटा सा ही डेमोंस्ट्रेशन मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि हाउ यू कैन कॉन्फिगर ए बेसिक लेवल, मतलब एकदम बेसिक कि ऐसा है कोई ओपन पोर्ट है, कोई हैकर ने आगे उससे लगा दिया कोई टाइप के अटैक और उसके बाद में आपको उससे जानकारी मिल गया कि कौन सा बंदे ने क्या किया था, ऐसा ओपन पोर्ट हम देखते हैं तो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा कुछ चीज आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप दिखाइए, ठीक है, ऐसा कोई चीज करके बेसिक लेवल का हानी पॉट, ठीक है। तो हनी पॉट बनाने के लिए हम हमारा कालीनेक्स में आ जाते हैं जो एक बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम है हैकर्स लोगों के लिए, सबसे टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पहले हम हनी पॉट्स बनाएंगे, हमारा कालीनेक्स का जो आईपी है उसका एक पोर्ट में हनी पॉट बना देंगे, जो हैकर लोग सोचेंगे कि यार ये पोर्ट ओपन है चलो हैक करते हैं, फिर वो हमारे ट्रैप में फंस जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलन ओपन कर लिया। आज हम जो हनीपॉट बनाएंगे एकदम सीधा सा नॉर्मल सा हनीपॉट बनाएंगे जो एक गिटहब का टूल से बनता है, उसका नाम है पेंट बॉक्स, जो आपको गिटहब में मिल जाएगा। तो गिट क्लोन करके उसको कर लेते हैं, मेरा तो पहले से ही डाउनलोड हुआ है, गिट क्लोन कर कैसे लिखते हो दिखा देता हूँ। ये आपका टूल, ये अब डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, मेरा डाउनलोड हो चुका है पहले से ही। मैं सीधा टूल का काम शुरू कर देता हूँ, एलएस करके टूल के अंदर जाता हूँ, मैं पेंट बॉक्स एलएस करता हूँ, फिर ये टूल रूबी पर लिखा गया हुआ है तो रूबी से इसको रन कराता हूँ, रूबी पेंट बॉक्स .rb, और ये रन हो गया है। अब हमको इस टूल की मदद से हनीपॉट बनाना है, तो दूसरा वाला जो
कमांड है नेटवर्क टूल्स, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिर तो इसका इसके बाद इसका जो सब डायरेक्टरी ओपन हो चुका है तो हनी पॉट दिखा रहा है 3 नंबर में, उसको खोलते हैं। एक होता है फर्स्ट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जो एकदम खुद ब खुद एक पोर्ट बना के दे देगा आपको फटाक से, कुछ कुछ है नहीं। और दूसरा होता है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आप खुद का पोर्ट चूज कर सकते हैं, सब वगैरह वगैरह सब चीज़ खुद से मैनुअली कर जा सकते हैं। तो मैं करता हूँ मैनुअल, अच्छा है बहुत। हाँ मैं समझ लेता हूँ कि मेरा सिस्टम का 444 444 पोर्ट ओपन रखता हूँ, इसमें हनी पॉट लगाता हूँ। एक्चुअली फॉल्स मैसेज देना है तो एक फॉल्स मैसेज लिखता हूँ, हैकर डिटेक्ट हैकर सॉरी यू आर किड, और सिर्फ लॉग, हाँ इसका लॉग सिर्फ तो रहना ही चाहिए, और इसका फाइल सेव कर लेता हूँ hi.txt करके। हाँ साउंड होना चाहिए, हनी पॉट एक्टिवेट हो चुका है 444 पोर्ट में। और हम जान लेते हैं कि हमारा जो कार्लिनक्स है इसका आईपी एड्रेस क्या है, आईएफ कॉन्फ़िग करके जानते हैं। मिल गया आईपी एड्रेस, कॉपी कर लेता हूँ और ब्राउजर पे खुलते हैं। हम कार्लिनक्स के ब्राउजर में ही खोल लेते हैं, आपको लाइव दिखाता हूँ कैसा क्या होता है ना, पहले ये दिखाना पड़ता है ना, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही आपका आईपी पता थोड़ी लगा, आईपी में कौन सा पोर्ट ओपन है थोड़ी पता लेगा, तो आपको पहले एनमैप से स्कैन कर लेना चाहिए। आप हैकर हो, अब मैं हैकर का रोल प्ले कर रहा हूँ, मेरे को एक आईपी मिला है, मैं एनमैप से उसका स्कैन करूँगा, ये आईपी है स्कैन कर लिया, इसमें दिखा रहा है कि 444444 का पोर्ट ओपन है, स्नैप सर्विस चल रहा है। तो मैं वो खोलूँगा, इधर ब्राउज़र में जाऊँगा, वो आईपी डालूँगा, सॉरी 444 लगाऊँगा, पोर्ट दूँगा, मैंने सॉरी यू आर किट, देखो मैंने जो सोचा मतलब हैकर ने जो सोचा था कि पोर्ट ओपन है एक्सेस ले लेंगे, ये फंस चुका है दिख, और ये हनीपॉट वो समझ जाएगा, और हमारा यहाँ पर ये जो हैकर हमसे कनेक्ट हो चुका है उसका एड्रेस आईपी एड्रेस ब्राउजर डिटेल्स अभी तक कनेक्शन अलाइव है क्या, ये सब वगैरह वगैरह डिटेल्स दिखा रहा है। अब हैकर लोग अगर कनेक्ट करने जाते हैं टेलनेट के जरिए, टेलनेट करके पोर्ट डाल के पोर्ट डालेगा ऐसे करके कनेक्ट जब करने जाएगा, उसको दिखाएगा यूआर किट, उसको दिखाएगा यूआर किट, उसको दिखाएगा ऐसे यूआर किट, कनेक्ट नहीं होगा और इंस्टीट्यूशन अटेम्प्ट डिटेक्टेड हो जाएगा हमारा सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, हम देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी एनालिस्ट का सिस्टम है और वो देख सकते हैं, और ये हैकर सिस्टम है जो हैक करने वाला था, लेकिन हनी पॉट का ट्रैप के वजह से वो फंस चुका है और उसका सारा डिटेल सिक्योरिटी एनालिस्ट के पास है। ये एक छोटा सा डेमो था हनी पॉट का, थैंक यू। ओके ठीक ओके, आप पीपीटी ओपन करिए, थैंक यू फॉर योर डेमोंस्ट्रेशन। तो उसके बाद में आ जाता है स्क्रिप्टिंग, जैसे कि ये जो हम इसके बारे में भी जानेंगे कि स्क्रिप्टिंग का यूज करके तो हम अपने काम को भी ऑटोमेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फिलहाल कुछ कुछ किस्म का प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी हम ऐसा स्क्रिप्टिंग वगैरह यूज करते हैं, राइट, अलग अलग तरीके से सिस्टम के अंदर में कुछ प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन वगैरह करना, तो उसके बारे में भी हम डेमोंस्ट्रेशन करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाइए, लास्ट है क्या? हाँ ये लास्ट है। ओके ओके तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले ध्रुव आप करोगे भल्ला वर्सिटी? यस सर करता हूँ। ओके सो शेयर योर स्क्रीन, शेयर योर स्क्रीन। तो पहला चीज जो हम करेंगे, और
लाइक भल्लावर सिटी का वो भल्लावरिटी शिफ्टिंग वगैरह का नहीं करते, पहले करते हैं कि जैसे कि कोई सिक्योरिटी ऑडिटर है वो पासवर्ड पॉलिसी को ऑडिट करना चाहता है और उसने कुछ ऐसा जो चीज़ें है इसके साथ में यूजर्स को फेमिलियर कराने के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स को फेमिलियर कराने के लिए जो बेसिक पेनिट्रेशन टेस्टिंग लैब है वो बहुत हेल्प करता है, राइट। तो जो डेवलपर है वो किस तरीके से कोई मिस्टेक करा तो उसके बाद में जो सिक्योरिटी ऑडिटर्स है वो कैसे टेस्ट करेगा उस चीज़ को, ठीक है, देन वो जब बोलेगा कि आप सिक्योरिटी पॉलिसी को फॉलो करिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, देन उसके बाद में जो हैकिंग अटेम्प्ट होंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग होंगे वो कैसे काम करेगा और किस तरीके से आप उस सिस्टम को एक्सेस लोगे और एकदम जो आपका मेन फ्लैग है उस तक पहुंच सकते हो, जो कि आपका मेन इंटेंशन ऑफ कर सकते हो, तो उसके ऊपर मैं डेमोंस्ट्रेशन दीजिए। यस सर। ओके सर, इधर हम वेब ऐप टेस्टिंग के ऊपर करेंगे और प्रिविलेज एस्केलेशन करेंगे। यहाँ पे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रूट फोर्सिंग करना है, फिर उसके बाद हैश क्रैकिंग करना है, उसके बाद सर्विस एन्यूमरेशन, उसके बाद लिनक्स एन्यूमरेशन। तो ये जो लैब है इसके अंदर में हम ये चीज को जो सीखने वाले हैं, है ना सर? राइट। क्या अभी 30 सेकंड्स में शो हो जाएगा आपको, तो ये लैब सेटअप हो जाएगा। चलो लैब भी हो गया, आईपी भी आ गया, इसको अपन अभी फुल स्क्रीन कर लेंगे ताकि अपने को जरा अच्छे से एंजॉय करने के लिए। ओके, पहले अपन यहाँ पे ये लिनक्स ऑपरेटिंग चालू हो गया, ये ट्राई हैक में, और ये मतलब वर्चुअल रैप क्रिएट कर रहा है जहाँ पे अपन जो हैकर्स है वो सब अपने जो स्किल्स वगैरह डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बिगनर्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा लैब है ये। और अगर पहले अपने को अगर ये एस्केलेट वगैरह करना है, प्रिविलेज एस्केलेशन वगैरह, ये लैब सॉल्व करना है, पहले अपने को जो ये आईपी है उसको पूरा मतलब पहले इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा कि ये जो आईपी है इस पे कौन से सर्विसेस रन कर रहे हैं, तो वो अपने को जानने के लिए अपने उसको नेटवर्क मैप करेंगे, मैप करेंगे, फिर जो आईपी यहाँ पे दिया वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे बता रहा है 22 जो यहाँ पे नेटवर्क मैप हो गया है, यहाँ पे बता रहा है कि 22 TCP ओपन है, SSH वाला ओपन है, और उसके बाद HTTP ओपन है, उसके बाद नेट बायोस SSN ओपन है, यहाँ पे ये जितने भी पोर्ट्स ओपन है वो सब अपने को यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर अपने को एनमैप करके अगर इसका वर्जन वगैरह फाइंड करना है कि कौन से वर्जन पर रन हो रहा है, तो इसको अपन एनमैप करेंगे, फिर उसके बाद S, उसके बाद V वर्जन फाइंड करने के लिए, उसके बाद 10.10.251 IP डाल देंगे, तो ये वर्जन को फाइंड कर लेगा फिर कौन सा वर्जन पे ये रन कर रहा है।
थोड़ा टाइम लगा, टाइम कंज्यूम काम है। ओके तो जैसे कि यहाँ पर हमको एक रिजल्ट मिल रहा है कि SSH का HTTP का, तो SSH से जैसे कि हम जानते हैं कि SSH से हम किसी भी सर्वर है ठीक है, उसका अगर सी पैनल हम खरीदे हैं तो SSH कॉन्फिगर करके देना हम उसको यूज कर सकते हैं, उसका लिनक्स का कंट्रोल ले सकते हैं। जो HTTP पोर्ट है ये हमको Apache सर्विस के बारे से मिलता है, तो ये वेबसाइट को लाइव करने में हेल्प करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं SSH को हैक करने के लिए जो है हमको इनमोडेशन करना पड़ेगा ताकि हम यूजर नेम फाइंड कर पाए। हम HTTP है इसके मतलब है कि हम उसके अंदर में जाके कुछ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो अपने जो वेबसाइट है उसके माध्यम से। सीविल जैसे टूल्स का यूज करके पासवर्ड लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल वर्ड लिस्ट के लिए हम अलग अलग टाइप के वर्ड लिस्ट डायरेक्टली ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। हम सीविल का यूज करके पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल रॉक्यू का भी यूज कर सकते हैं कुछ केसेस में, अगर हमको यूजर नेम मिल गया कोई तरीके से कोई यूजर का तो देन हम उनके पासवर्ड ब्रूट फोर्स कर सकते हैं अगर यूजर मिल जाता तो। और उनके सर्वर को हैक करने के लिए SSH के माध्यम से हम उनके सर्वर तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर स्कैनिंग में टाइम लग रहा है तो मैं यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप स्कैनिंग को रखिए और आप जो HTTP पोर्ट है उस पर क्या चल रहा है उसको देखिए। यस ब्राउजर विजिट कर स्कैन चल रहा है तो चलने दीजिए इसको। अब ब्राउजर खोल के, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्राउजर होता है बाय डिफॉल्ट IP लिख के एंटर मारने से HTTP या फिर HTTPS जो 80 पोर्ट है या फिर जो 443 वाला है उसमें बाय डिफॉल्ट वो रन करवा देता है। अपन एपी पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अंडरगोइंग मेंटेनेंस प्लीज चेक बैक लेटर। अगर कोई नॉर्मल यूजर है वो ये समझ के बैक बटन दबा देगा और अपना ब्राउजर बंद करके या फिर कुछ अलग ब्राउज करना चालू कर देगा। बाकी जो हैकर है वो क्या करेगा, जब अंडरगोइंग मेंटेनेंस या फिर प्लीज चेक बैक लेटर, वो क्या करेगा कि वो पहले पेज सोर्स पे सर्व करना है, पेज सोर्स खोलेगा बाकी पता करने के लिए बैक एंड में जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ वो क्या हुआ क्या है करके। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है अंडरगोइंग मेंटेनेंस वो लिखा हुआ, उसके बाद प्लीज चेक बैक लेटर, उसके नीचे देखो एक मैसेज दिया हुआ है डेवलपर्स के लिए कि दैट चेक अवर डेव नोट सेक्शन इफ यू नीड टू नो व्हाट टू वर्क ऑन। इसका मतलब ये है कोई सीक्रेट ये है जहाँ जो डेव नाम का है तो अपने को वो फाइंड करना है। तो अपने को अगर वैसे वो अगर फाइंड करना है डेव नाम का, अगर कोई चीज को फाइंड करना है तो इसको अपने को ये करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन ओपन न्यू टैब कर लेते और यहाँ पे डॉग http://endpoint यहाँ पे IP पेस्ट कर देते और यहाँ पे वो पूरा फजिंग करके दे रहा है। वो यहाँ पे जो डेव नाम का जो ये था ना, डेव नाम के जो सीक्रेट डायरेक्टरी था, सीक्रेट जो ये था वो यहाँ पे डेवलपमेंट करके यहाँ पे अपने को दिख रहा है पूरा, अपने को पूरा उसका नाम मिल गया। तो अपन यहाँ पे उसको ओपन लिंक कर लेंगे। यहाँ पे अपने को dev.txt मिल रहा है और j.txt मिल रहा है, तो चलिए अपन dev.txt खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें ये लिखा गया है I have been messing with that struts stuff and it's pretty cool. I think it might be need to host that on this server too. Haven't made any web apps yet. But I have tried that example you got to show of how it works and its REST version of that example. Oh, the right now I am using version 2.5.12 because other versions were giving me trouble. ये K ने लिखा है, K कौन है, डेवलप करे, ये साइट ने जिसने डेवलप किया है वो है ठीक है। और जो J है, J ने I got Apache setup will put in our content later. ये जो J है वो ऑडिटर है, सिक्योरिटी ऑडिटर है ठीक है। और जो के तो जो है, के है, के का मैसेज से पता चल रहा है कि के का जो मैसेज से पता चल रहा है कि उसने कभी
पहले कोई रियल वेबसाइट नहीं बनाई हुई है, उसने भारतीय के नाम भी बता दिया है और हैकर के पास उस चीज की इन्फॉर्मेशन जा रहा है। SMB कॉन्फ़िगरेशन हुई है तो मतलब आप SMB मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सो वी कैन रन सम टूल्स जैसे कि इनुम फॉर लिनक्स जो SMB सैम्बा सिस्टम के ऊपर में काम करते हैं, तो इनुम फॉर लिनक्स टूल से हम अपने जो टारगेट है उसके साथ में एक्टिव कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का कोशिश कर सकते हैं। तो वी कैन रन सम टूल्स लाइक इनुम फॉर लिनक्स, उसको अगर यूज करना नहीं आता तो देन हम chpwind.co.in/labmanual पे जाकर उसके अलग अलग चीजों के बारे में जान सकते हैं और एंड ऑफ द डे हम इनुम फॉर लिनक्स लिख के एंटर मारेंगे, मैन कमांड का यूज करेंगे, हेल्प कमांड का यूज करेंगे तो उसके बारे में जानकारी मिल जाते हैं पर्टिकुलर टूल के बारे में। तो एक्टिव कनेक्शन किसी टारगेट के साथ में एस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब लॉग इन करके उसके सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए हमको चाहिए यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर हम इस चीज को हैक कर रहे हैं तो वी नीड ऑल्सो यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्रिप्टोग्राफिक इन्फॉर्मेशन भी चाहिए जो फोन में चीज है, तो वो तो बात का चीज आ जाता है। तो यूजर नेम फाइंड करने का कोशिश आप करिए, ठीक है। उससे पहले जो और एक txt फाइल है उसको देखना चाहूंगा, यहाँ पे जो j.txt है वहां पे ये बता दे, जे ये बोल रहा है कि आई वॉज ऑडिटिंग द कंटेंट्स ऑफ एक्सेट्रा शेडो टू मेक श्योर वी डोंट हैव एनी वीक क्रेडेंशियल्स एंड आई वॉज अनेबल टू क्रैक योर हैश रियली इजिली, यू नो आवर पासवर्ड पॉलिसी, सो प्लीज फॉलो इट एंड चेंज द पासवर्ड एज सून एज पॉसिबल। जो जे है वो सिक्योरिटी ऑडिटर है, वो जब ऑडिट कर रहा था एक्सेट्रा शेडो एक्सेट्रा शेडो में, वो ये देखा गया कि वो वीक क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए गए थे और जो हैश जो प्रोवाइड किया गया हैश जो था वहां पे वो बहुत इजीली क्रैक हो रहे थे और उनका जो पासवर्ड पॉलिसी है वो बहुत इजीली क्रैक हो सकता था। तो वो ये बोल रहा है कि मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप जो पासवर्ड है वो जल्द से जल्द चेंज कर ले और कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखे। ये के लिए था। और अभी हम उसके बाद यहाँ पे हमें हाँ सर के लिए यहाँ पर जो जे है, जे ने एक्चुअली सिक्योरिटी ऑडिटिंग करी है ETC साइडों के अंदर में और पासवर्ड पॉलिसी जो यहाँ पर था पासवर्ड पॉलिसी वो उन्होंने के ने फॉलो ही नहीं करी थी। तो यही बता रहा है कि आपके पास वीक क्रेडेंशियल्स है, आप पासवर्ड पॉलिसी को जानते हैं, पासवर्ड पॉलिसी को फॉलो करिए और आपका पासवर्ड चेंज कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने पासवर्ड पॉलिसी को फॉलो नहीं की थी, ठीक है। और दैट्स वाई वीक होने के कारण पे पासवर्ड पॉलिसी को ना फॉलो करने के कारण पे जे ने इजिली उसके पासवर्ड को क्रैक कर सकते थे और करा भी है, ठीक है। तो ETC के अंदर में कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होते हैं, लिनक्स के फाइल सिस्टम के अंदर में जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होते हैं ETC उसके अंदर में एक पार्ट है। तो ETC के अंदर में कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं और सिस्टम अपने जो पासवर्ड रिलेटेड चीजें होते हैं उसको शैडो के अंदर में सिक्योरली स्टोर करते हैं, दैट इज द एक्चुअल थिंग। तो आगे बढ़िए, तो ये जे ने बोला है, तो जे और के हमको पता हेलो सर, म्यूट हो गया, थोड़ी देर बाद ऑन हो जाएगा। अब भी म्यूट रहिए। तो
ऑल राइट ओके आई एम बैक. तो चाहिए उसमें? हाँ सर. जो कर रहा था ओके, कॉल आ गया था मेरा ओके. तो ओके, तो मैं क्या बता रहा था? ETC Shadow में credentials. ओके, तो ETC Shadow के अंदर में जो है encrypted format पे password store होते हैं, ठीक है? So that's it. तो आगे बढ़िए और enumeration करिए, enumeration phase में जाइए. यहाँ पे अपने को ना J के credentials पता है, ना K के credentials पता है, और अपने को कुछ भी नहीं मालूम है इसके बारे में. तो हम यहाँ पे enumerate करेंगे NM for Linux slash a hyphen a, तो बाद अपन IP address डाल देंगे. ये NM for Linux पूरा जो ये IP address में जितने भी चीजें चल रही है, ये जो operating system है पूरा उसको enumerate करके बताएगा. उसके बाद जो यूजर है उसमें, जो लोकल यूजर्स है, उसको भी फाइंड कर लेगा. यहाँ पे एनिमरेट हो गया है. जैसे अपन ऊपर स्क्रॉल करते तो यहाँ पे देखो दो यूजर्स मिल गए आपने, एक के है और एक जैन है. अपन जैन को, जैन के ऊपर से ये करेंगे, जैन को अपन, जैन का जो पासवर्ड है वो अपन क्रैक करने को देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जैन को ज्यादा प्रिविलेजेस मिल रहा है केस. तो यहाँ पे अपन हाइड्रा की मदद से हेलो. हाँ सर. हाँ अभी वो करिए आप हाइड्रा से अटैक करिए वुड फोर्स. हाँ हाइड्रा से कर रहे हैं. आपका किन मतलब पॉज है अभी आपने अटैक, कुछ कमेंट नहीं दिख रहे हो क्या? आप कुछ टाइप करो टर्मिनल में. हाँ टाइप कर रही हूँ, टाइप कर रहा हूँ. हेलो. हाँ टाइप कर रहा हूँ. हेलो. अरे टाइप करो, मेरे को दिख नहीं रहा है, वन मिनट रिजॉइन करना पड़ेगा. अच्छा अभी तो दिख रहा है. ओके अभी दिख रहा है. ओके ओके जैन. ओके हाइड्रा -T4 डालो, -T4. हाँ तो टास्क को हम डिफाइन कर रहे हैं चार पार्ट में, उसको अलग कर रहे हैं, ठीक है? ओके. और पी से पासवर्ड, पी कैपिटल में होगा ध्रुव, पी कैपिटल में होगा माइनस पी जो आपने डाली हुई है, क्योंकि हमारे पास में पासवर्ड का लिस्ट है, तो जो पी है उसको कैपिटल में डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में यूजर नेम है तो वो छोटा है, दैट्स इज स्मॉल लेवल में डाली गई है. और पी हमारे पास कैपिटल होगा इसलिए क्योंकि हम वर्ड लिस्ट का यूज कर रहे हैं. जो पी है उसको कैपिटल करिए और एंटर मारिए. ओके थैंक यू. यहाँ पे जो जैन के सर्वर पे, जैन के जो आईपी एड्रेस पे, ये आईपी एड्रेस ब्रूट फोर्सिंग चालू हो गया है. ये जो दो दो लोकल यूजर है, जो जैन का जो आईपी, जैन का जो पासवर्ड है उसको यहाँ पे ब्रूट फोर्स करने की कोशिश किया गया है यहाँ पे, ताकि अपने को यहाँ पे जैन का पासवर्ड मिल जाए, ताकि अपन SSH के थ्रू, सिक्योर शेल के थ्रू अपन उसका जो कंप्यूटर है उसको एक्सेस कर पाए, और अपन अपने से चला के उसका पासवर्ड और क्रेडेंशियल्स डाल के अपन उसको लॉगिन करने के बाद उसके अंदर क्या है वो अपने को जानने के लिए, और उसको अपन और ज्यादा जो रूट प्रिविलेजेस है वो पाने के लिए अपन कोशिश करेंगे आगे.
और क्या क्या चीजें अपन जैन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे यार। अपना मेन मोटिव ये रहना चाहिए लास्ट में, ये जितने भी लैब्स यहाँ पे दिया जा रहा है ना, मेन मोटिव अपना ये होना चाहिए कि अपने को सबसे लास्ट में रूट तक पहुंचने का है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम लगेगा, रूट को सेवा है क्योंकि तो तब तक हम कुछ गूगल हैकिंग डेटाबेसेस को लेके बात करते हैं, राइट। तो अभी के जमाने में जो हम सर्च इंजन का यूज करते हैं, जैसे गूगल, तो गूगल का यूज करके हम अपने जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होते हैं, जो भी हम ढूंढते हैं, वो हम फाइंड करते हैं। जो हैकर्स हैं वो ऐसे बहुत सारे और इन्फॉर्मेशन है जिसको फाइंड कर लेते हैं, वो भी गूगल का यूज करते हैं। किसी फोन नंबर की जानकारी भी निकल सकता है कोई कोई केसेस में एडवांस सर्च करके, कुछ कुछ केसेस में कोई पर्टिकुलर कंटेंट जो कोई सर्वर में स्टोर है, ऐसे कुछ सेंसरी डायरेक्टरीज को भी एक्सेस करी जा सकती है, और इसके लिए पूरा एक डेटाबेस है। अब गूगल के पास डेटा किसका है? हमारा डेटा है जो हम वेबसाइट बनाते हैं उसके डेटा है। तो गूगल को हैक करना मतलब गूगल सर्च इंजन के अंदर में रहता हुआ ऐसा हिडन इन्फॉर्मेशन को फेच कर लेना। तो दिस इज हाउ यू कैन हैक गूगल, राइट। तो गूगल हैकिंग डेटाबेस को ओपन करिए और उसको चेक करिए। तो जैसे कि अगर इसमें अगर हम देखना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे पासवर्ड वगैरह का जानकारी, तो ऊपर में जाकर लिख सकते हो पासवर्ड, जैसे यहाँ पर लिखा है यूजर नेम पासवर्ड डब्ल्यूपी कंटेंट का, तो फाइल कंटेनिंग पासवर्ड, देखिए पहले ही यहाँ पर लिखी हुई है डब्ल्यूपी कंटेंट का, वो डालिए आप। देखिए डब्ल्यूपी कंटेंट का पहले से लिखी हुई है, क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे वर्डप्रेस के पासवर्ड वगैरह मिल सकते हैं, जिससे हम वर्डप्रेस को लॉग इन भी कर सकते हैं। तो कितना खतरनाक है आप देख सकते हो, लेकिन इसको गूगल में सर्च करोगे तभी ये काम करेगा। गूगल में सर्च करिए, अगर नहीं कर रहे गूगल में तो गूगल में ओके। तो देख सकते हैं आप पासवर्ड कुछ लिखी हुई है tech@ कुछ भी, यूजर नेम लिखी हुई है महेश करके, और इसके साइट का नाम भी आप देख सकते हो, राइट। तो ऐसे करके देखिए कि अलग अलग तरीके से आपको पासवर्ड मिल रहे हैं, राइट। यहाँ पर कुछ वेबसाइट का नाम बताई गई है, कुछ यहाँ पर lake.design.wordpress करके, और उसके पासवर्ड आपको यहाँ पर चेंज मिल रहे हैं। तो गूगल के माध्यम से हम पासवर्ड फेच कर रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो जो मैच डिफेसर्स होते हैं वो कोई तरीके से अगर एक भी सर्वर में पहुंच गया, उसमें शेल अपलोड किया C99 का, तो साइट को डिफेस कर सकता है। और अगर वो पूरा सर्वर को हैक करना चाहता है, प्रिविलेज एक्सप्लोइट करके रूट करना चाहता है, यू कैन ऑल्सो डू इट जस्ट बाई सेंडिंग ए रिवर्स शेल, राइट। तो रिवर्स शेल डिलीवर करेगा जो हम अभी कवर करने वाले हैं, तो रिवर्स शेल करके देन उसके बाद में प्रिविलेज एस्केलेशन करके थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग का नॉलेज रहेगा, सर्वर के अंदर में किस किस के पास रूट परमिशन है उसको देख के उसके पावर का मिसयूज इशू करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन, वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन, अलग अलग टाइप की चीज़ों को करके वो अलग अलग तरीके से कंपनियां को वेबसाइट को हम पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग होते हैं उसी के अंदर में हम यही चीज़ करते हैं कि जो ऐसे हम टेक्निक यूज करते हैं हम इसको सीखते हैं। तो इथिकल हैकर होके हम ब्लैक हैट हैकर से पहले ही जो को हैक करते हैं देन बता देते हैं। अगर आप ग्रे हैट हैकर बनना चाहते हो, मतलब बग बाउंटी हंटिंग जैसा कोई काम करना चाहते हो, ऑनलाइन पे फाइंड कर देते हैं, हमने रिपोर्ट कर दिया, ये भी आप कर सकते हो। आप रजिस्टर करके सब चीज़ों को करके भी प्राइवेट बग बाउंटी प्रोग्राम पे जा सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत। और एंड ऑफ द डे आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू बिकम ए पेन टेस्टर तो आपको बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही स्किल्ड होना पड़ेगा, जिसके लिए आप लिंक्डइन पे जा सकते हो, उनके लर्निंग के सिस्टम फॉलो कर सकते हो, आप अपने वहाँ पर रिज्यूम बिल्ड कर सकते हो लिंक्डइन पे, जितने भी एक्सपीरियंसेस एजुकेशन आप ऐड करते जाओगे उतना ही आपका रिज्यूम भी वहाँ पर ऑटोमेटिकली डेवलप होता जाएगा। कोई आपके प्रोफाइल डाउनलोड करता है तो रिज्यूम डाउनलोड होता है,
और लिंक्डइन के अंदर से आपको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर में, और जो जॉब्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ज्यादातर रिक्रूटर्स जो है वहां से ही लोगों को रिक्रूट करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम अपने रिज्यूम को यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह का यूज करेंगे, ठीक है। तो जो भी आप एक्टिविटीज करते हो, प्रोफेशनलिज्म, जो भी आप एक्टिविटी करते हो, ठीक है, कोई अपने प्रोफेशन है साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी के ही रिलेटेड एक्टिविटीज मैं करूंगा, कोई साइबर सिक्योरिटी के पोस्ट को मैं लाइक करूंगा, तो मैं कहीं पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, तो हर चीज मेरे एक्टिविटी में दिख जाते हैं। जो भी मैं प्रोफेशनल एक्टिविटीज कर रहा हूँ, तो वो एक रिक्रूटर इजिली मेरे एक्टिविटीज को चेक कर सकते हैं कि बंदा कर क्या रहा है, ठीक है। तो जितना आप एक्टिव होंगे वहां पर, उतना ही आपके लोगों को दिख जाएंगे, मतलब आपके जो कनेक्शन है लिंक्डइन के अंदर में जो बनाओगे, उनको दिख जाएंगे कि आप कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें कर रहे हो, राइट। तो देन आप पेन टेस्टिंग करते हो, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए अलग अलग सिक्योरिटी रिकमेंडेशन आप लोगों को पहुंचाते हो, जाके उनको पता चले कि आप एक ऐसा सिक्योरिटी से रिलेटेड बंदे हो, तो देन वो आपको ऐसा काम पहुंचा सकता है, कोई ऐसा चीजों में आपको हायर कर सकता है। तो एक्टिविटीज जो आप करोगे, आपके जितने भी रिक्रूटर्स है, आपके जो फ्यूचर क्लाइंट होने वाले हैं, वो आपके चीज को चेक करते हैं, राइट। सो यू ऑल्सो नीड टू क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन ऑल्सो, ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ पेनिट्रेशन टेस्टर इन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आपको फ्यूचर में कुछ बनना है, तो आपको इसके जो ऊपर में भी अपने आपका जो काम है करना पड़ेगा, राइट। तो अब इसके अंदर में देखिए कि आपने लॉयर का कुछ खोल के रखा है, इसके अंदर में पासवर्ड वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे और भी कुछ डोर्स हैं जो आप वहां पर एक्सप्लोर कर सकते नहीं हो, राइट। तो मे बी इट विल टेक 10 मिनट्स मोर, 5 मिनट हो ही चुका है, तो और भी जो डोर्स हैं उसके बारे में बाद में देखिए कौन सा चीजों में क्या क्या काम हो सकते हैं। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर कंपनी के डेटा फाइंड करना चाहते हो कि सी एच पॉइंट के क्या क्या हिडन डायरेक्टरीज हैं, ठीक है, तो आप इन टाइटल के अंदर में ऐसे सी एच पॉइंट डाल सकते हो, तो उनके कुछ पासवर्ड निकाल के देखने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। आप डार्क वेब पे जाके चेक कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर कंपनी का डेटा लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, तो डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन में आ जाते हैं। गूगल हैकिंग डेटाबेस का भी यूज करके कभी कभी कैमरास वगैरह भी हैक होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चीजें होते हैं जो इस चीजों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हर इथिकल हैकर, सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी प्रोफेशन पे लोग हैं, इथिकल हैकर जो एंट्री लेवल पे जॉब कर रहे हैं पर करना चाहते हैं, उन लोगों को इस सब चीजों के बारे में फैमिलियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी शेल करके कुछ बताई है, अब उसको ओपन करिए, देखिए साइबर सिक्योरिटी शेल करके कुछ था, ऊपर जाइए कि साइबर सिक्योरिटी शेल करके आपको कुछ मिलेगा, साइबर सिक्योरिटी शेल करके कुछ लिखा था, अब शेल करके साथ से शेल SHELL शेल, तो इसमें कोई भी एक शेल का कुछ चीज को आप एंटर मारिए, तो क्या होगा ना, आपको ऐसे साइट मिल जाएंगे जिनके अंदर में हैकर्स लोग ने शेल अपलोड करके रखे हैं, राइट। तो क्लिक करिए, जो भी अलग अलग आ रहे हैं ना उसके ऊपर क्लिक करिए, ये तो फिलहाल सही है, मे बी ये कुछ नहीं होगा, लगता है कुछ नहीं है, बैक करिए कोई और साइड में जाइए, शेल को ऊपर क्लिक करिए, शेल डॉट पीएचपी को ऊपर क्लिक करिए, तो इसमें कुछ नहीं है, तो बैक करिए, मे बी ना भी मिल सकता है, कुछ और डॉट का यूज करेंगे तो फिर, अगर नहीं मिल रहा तो शेल डॉट पीएचपी करके देखिए, है सस्पिशियस साइट, कोई और देखिए शेल का
कि M3RIC4 सेल करके कुछ लिखी हुई है, मिनी सेल करके कुछ चीज लिखी हुई है, ऐसे कि और भी बहुत सारे सेल हैं, C99 का भी कुछ लिखी थी। तो लोगों के अपलोड किया क्या सेल को भी आप ओपन कर सकते हैं। हेलो, हेलो सर, ओके तो व्हाट्सएप कॉल आया था मेरा, हाँ सर लेट कंटिन्यू। सर ये मिल गया है यहाँ पे, हम बात ब्रूट कर लेते फोर्स हैं। ओके करने के बाद अपने को यहाँ पे पासवर्ड मिल ठीक है, गया पासवर्ड है। आ गया। ओके पासवर्ड आ गया, तो इसको ही कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आप इसको लॉगिन करिए जैन को और उसके बाद से कंटिन्यू करिए। ध्रुव, हेलो ध्रुव, हाँ मैं सुन रहा हूँ हेलो सर, ध्रुव, यहाँ पे हेलो आवाज आ रही है। 1 मिनट, आवाज हेलो हाँ आवाज आ रहा है। आवाज आ रही है। हाँ हाँ आप करिए स्टार्ट। सर, यहाँ पे ब्रूट फोर्स किया तो अपने को यहाँ पे पासवर्ड मिल गया जैन का, तो अपन यहाँ पे SSH के हाँ अभी थ्रू आप जैन जैन स्टार्ट को एक्सेस करेंगे, कीजिए। जैन का इसको एक्सेस हाँ करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है अरमांडो। तो अपन ने यहाँ पे जैन के कंप्यूटर, जैन के इसमें है, जैन के कंप्यूटर में, और अपन अभी जैन बन के यहाँ पे उसके कंप्यूटर में एक्सेस कर चुके हैं सक्सेसफुली। तो अपन यहाँ पे जैसे अपने को यहाँ पे कोई अभी फाइल्स दिख नहीं रहा है, तो अपने को अगर कोई फाइल्स देखना है तो अपन यहाँ पे LS करेंगे,
तो अपने को भी जैसे पता है कि एलएस करने के बाद यहाँ पे कोई फाइल नहीं दिख रहा, तो अगर अपने को एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, पूरा डायरेक्टरी अगर पीछे जाना है, तो सीधा सीडी दबाएंगे आप तो एकदम आप रूट में पहुंच जाएंगे, वो नहीं, उसके अलावा सीडी सीडी स्पेस डॉट डॉट, तो आप एक डायरेक्टरी पीछे आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप होम में एलएस करते हो तो आपको यहाँ पे दो यूजर्स मिलेंगे, जैन और के। अपने को भी जैन तो हटा देने का है पूरा, जैन का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अपन जैन बन के घुस चुके हैं, तो जैन बन के अभी एक्सेस कर पा रहे, तो अपने को जैन का कोई मतलब नहीं है। तो अपने को अभी कौन सा यूजर देखने का है, लोकल यूजर का, के का देखने का है, के को अपने को एक्सेस करना है। तो अपन यहाँ पे करेंगे सीडी के, ताकि अपन के डायरेक्टरी में जा सके। तो सीडी के करने के बाद एलएस करेंगे, एलएस करने के बाद जो कैट जो पास डॉट बी ए के है, उसको एक्सेस करने के लिए अपन कैट करेंगे, ठीक है। बाकी ये यहाँ पे परमिशन डिनेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैन का जो प्रिविलेज प्रिविलेज है वो के से कम है, जिसके कारण पासवर्ड का पासवर्ड डॉट बी ए के वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये जो के है उसको उतने जैन से ज्यादा प्रिविलेज मिल चुका है, तो इसके अपने को अगर उसको एक्सेस करना है तो अपने को के का जो पासवर्ड है उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कोई एलएस किया तो बस पास डॉट बी ए के आ रहा है, तो अपने को हिडन फोल्डर्स को हिडन डायरेक्टरीज को अपने को यहाँ फाइंड करना। तो अगर हिडन डायरेक्टरीज को अपने को फाइंड करने का है तो ls -al p एंटर एंटर करने के बाद अपने को बहुत सारे जैसे डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश डॉट बैश अंडर स्लैश हिस्ट्री डॉट बैश लॉग आउट डॉट बैश rc, ये जितने भी है ये सब हिडन डायरेक्टरीज है, ठीक है, जो एक नॉर्मल यूजर को दिखता नहीं है। उसके बाद अपने को अगर के का जो पासवर्ड चाहिए, तो अपन इसको सीडी करेंगे, और जो डॉट ssh है उसको ये करेंगे, वो डायरेक्टरी को खोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी कुछ दिख नहीं रहा, ls करेंगे ताकि अपने को यहाँ पे पूरे जितने भी फाइल्स है या फिर डायरेक्टरीज बोलो या फिर जो txt बोलो या फिर हैश बोलो कुछ भी हो, वो अपने को यहाँ पे स्पेसिफाई होकर दिख जाए। तो यहाँ पे ऑथराइज कीज है, id_rsa है, id_rsa.pub है, अपने को यहाँ पे id_rsa खोलना है, क्योंकि id_rsa.pub नहीं, क्योंकि id_rsa.pub जो है वो पब्लिक की है, जिससे अपने को कुछ मतलब नहीं है, अपने को मतलब है सिर्फ अपने को प्राइवेट की एक्सेस करने का, ठीक है। अपन यहाँ पे करेंगे कैट id_rsa एंटर, तो यहाँ पे पूरा प्राइवेट अपने पास खुल जाएगा। तो ये जो प्राइवेट की है वो पूरा इंक्रिप्टेड फॉर्म में, अपने अपने को इसमें पे अपने को इसको पहले हैश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अपन इसको कर लेंगे पूरा का पूरा कॉपी कॉपी करेंगे, उसके बाद इसको अपने को एक txt फाइल में सेव करने का है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू टैब खोलेंगे, या उसके बाद नैनो नैनो उसके बाद कोई भी फाइल, कुछ भी दे दो फाइल का नाम, जैसे मैं तो दे रहा हूँ प्राइवेट प्राइवेट की डॉट txt, ठीक है, आप कुछ भी देख सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ तो मेरा यहाँ पे पूरा फाइल खुल जाता है। तो मैंने यहाँ पूरा जो प्राइवेट की है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो प्राइवेट की जो है वो पूरा इंक्रिप्टेड फॉर्म में, अपने को इसमें उसको भी हैश में कन्वर्ट करना है। तो अगर अपने को इसमें अभी हैश में कन्वर्ट करना है तो अपन यूज करेंगे जॉन, ठीक है। अगर अपने को जब इसको सेव करना है तो अपन कंट्रोल दबाएंगे, एक्स करेंगे, फिर उसको वाई दबा के एंटर, हो गया यहाँ पे सेव। उसके बाद लोकेट करेंगे ssqm, सॉरी मैंने गलती करी थी, यहाँ पे ssh2 जॉन है, मैंने ss2 ठीक है। यहाँ पे अपने को जॉन का जो जॉन कहाँ पे है, जॉन का पूरा अपने को डायरेक्ट जॉन का पूरा पाथ अपने को मिल गया है। तो अपन यहाँ पे दिख रहा है py दिख रहा है ना, तो py मतलब पाइथन, पाइथन यूज करके ये रन होगा, तो पाइथन का फाइल है, तो अपने को पाइथन यूज करके रन करना पड़ेगा,
ना कि कुछ और यूज करे। तो अपन यहाँ पे पाइथन लिखेंगे, पाइथन लिखने के बाद जो पाथ है वो तो पेस्ट कर देंगे। सॉरी, पाइथन लिखने के बाद पाथ यहाँ से कॉपी करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो प्राइवेट डॉट टी एक्स टी है, प्राइवेट की डॉट टी एक्स टी है, उसको अपन हैश में कन्वर्ट करेंगे और उसको एक टी एक्स टी के फॉर्म में, टी एक्स टी या हैश फाइल के नाम पे अपन यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे अपन देते हैक डॉट हैश या हैक डॉट टी एक्स टी, कुछ भी दे सकते ताकि ये जो फाइल है वो कन्वर्ट होकर हैश में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अपन एंटर दबा दें। उसके बाद यहाँ पे अपने को अगर देखने का है, अपने को अगर देखने का है कि सेव हुआ है या नहीं, तो अपन यहाँ पे हैक डॉट हैश लिख कर सकते हैं। प्राइवेट की कॉपी करना, यहाँ से पूरा वो प्राइवेट की उसको वापस अपन एक बार कॉपी कर लेंगे। कॉपी तो बाद में डालने के लिए के बाद नैनो प्राइवेट की डॉट सी यहाँ पे ओपन कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। तो बाद लोकेट एसएसटी ऑन ताकि अपन इसको कन्वर्ट कर पाए। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका पाथ अपने को मिल गया है, तो अपन यहाँ पे कॉपी करेंगे और जैसे कि पाइथन फाइल है तो इसको अपन पाइथन वह जो पाथ है वो यहाँ पे अपन पेस्ट कर देंगे। बट प्राइवेट टीएक्सटी अपन इसको हैक डॉट हैश में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट प्राइवेट की जो है जो इंक्रिप्टेड था वो पूरा भी हैश में कन्वर्ट हो चुका है। अपन फॉर हम अपन इसको अभी एक बार ओपन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो पूरा प्राइवेट की है वो अपने को यहाँ पे पूरा हैश के फॉर्मेट में मिल गया है। एग्जिट करेंगे के बाद अपन इसको जॉन द रेपो से इसको हैश के फॉर्मेट में तो अपने को मिल गया। तो अपने को जो प्राइवेट की है उसको पूरा वर्ड के फॉर्मेट में लाना है, पासवर्ड के फॉर्मेट में लाना है। तो उसको वैसा लाने के लिए अपन यहाँ पे जॉन द रेपो यूज करेंगे, जॉन का यूज करने वाले हैं। अगर अपने को जॉन का नहीं पता है कि कैसे यूज करना है तो अपन जॉन के बाद हेल्प करेंगे। यहाँ पर अपने को कैसे यूज करना है वो अपने को बता दिया जाएगा। और अगर आपको पता है कि अगर लेसन की मेरे को पता है कि क्या कैसे स्पेसिफाई करना है, तो जॉन के बाद डैश डैश वर्ड लिस्ट इक्वल टू यूजर user there
लिस्ट, यहाँ पे रॉ क्यू जो फाइल है वो यहाँ पे अपन देंगे .txt, के बाद जो फाइल है हैश है वो अपन यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो यहाँ पे पूरा जो प्राइवेट की है उसको पूरा वर्ड के फॉर्मेट में लेके आएगा। देखो यहाँ पे अपने को मिल गया प्राइवेट की 20 बैग्स, तो अपने को ये पता चल गया कि जो प्राइवेट की है उसको पूरा कन्वर्ट करने के बाद एक वर्ड मिल गया है वो है 20 बैग्स। तो अपन क्या करेंगे अभी, जो IDRS से, IDRS से जो मिला है जो प्राइवेट की है उसको अपन ओपन करेंगे। तो अपन उसके लिए SSH -I IDR/, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एलएस किया तो ये जो प्राइवेट की है यहाँ पे अपने को मिल चुका है, ठीक है। अगर अपने को इसको, अगर ये जो अपने को अभी मिला है पास फ्रेस मिला है, अपने को अभी एक्चुअल पासवर्ड नहीं मिला है। यहाँ पे अपने को पासवर्ड फाइंड करना है, तो अपने को के यूजर में अगर घुसना है, के अगर बनने का है, तो अपने को IDRS पास फ्रेस का इस्तेमाल करके के मतलब रूट प्रिविलेज, के का प्रिविलेज ये करके उसके बाद अपने को जो पासवर्ड है ये जो कैट फाइल है जो pass.bak है वो अपने को एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे SSH करेंगे, उसके बाद हाइफ, उसके बाद RSA, के बाद के एट, फिर अपन जो IP है वो दे देंगे। यहाँ पे अपने को पूछ रहा है कि एक्सेस करना है या नहीं, कंटिन्यू करना है या नहीं, तो अपन यहाँ पे यस कर देंगे और यहाँ पे अपन पासवर्ड कर देंगे 20 बैग्स। अपने को अपन बन गए यहाँ पे, अपने को के का प्रिविलेज, अपन अपन के बन के घुस चुके हैं यहाँ पे। अगर अपन यहाँ पे एक्सेस करते हैं यहाँ पे pass.dak, अभी अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपन परमिशन डिनाइड आता है या फिर अपन एक्सेस कर सकते हैं अभी। कैट pass.dak एंटर, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे पूरा पासवर्ड अभी मिल चुका है। बाकी यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हुआ है, आपको अभी रूट रूट बनने का है, पूरा रूट बनने का है। अगर आप ऊपर यहाँ पे WHO AM I करते हो तो आप अभी के बन चुके हो, बाकी अगर आप रूट नहीं बन चुके हो, ठीक है, तो आप अभी आपको sudo su करना पड़ेगा। अपने आपको यहाँ से पासवर्ड मांगा जाएगा, तो जो ये पासवर्ड है तो पूरा का पूरा उठा के आप कॉपी करोगे, करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे देखो root@basic2, तो इसका मतलब ये आप रूट यूजर। बाकी एक बार आपको कंफर्म करने के लिए मैं और एक बार आपको ये कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो रूट यूजर रूट बन चुके हैं यहाँ पे। तो आप अभी कुछ भी, आपको पूरा प्रिविलेज मिल चुका है, तो आप अभी कुछ भी उठा के एक्सेस कर सकते हो, कोई भी फाइल उठा के कुछ भी चेंजेस भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। अभी आप पूरा सिस्टम में घुस सको, घुस चुके पूरी तरह सर। ओके, तो हमने एक तरीका सीखा कि कोई भी एक वेबसाइट वगैरह होता है, ठीक है, तो उससे अगर कोई सर्वर है जिसमें SSH अनेबल है और उसके अंदर में अगर कोई वीक क्रेडेंशियल है, पॉलिसीज की कोई लफड़ा है, ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत बूट फोर्स अटैक करके उसके SSH के माध्यम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अपलोडिंग अ वेब शेल, अपलोडिंग अ रिवर्स शेल ऑन द सर्वर, ओके, एंड आफ्टर दैट ट्राइंग टू गेट एक्सेस यूजिंग नेटकैट लिसनर, ओके, और उसके बाद में उसको प्रिविलेज एस्केलेशन, ये सब चीजों जो शेल अपलोड के बाद आते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा लफड़ा है कि कुछ कुछ केसेस में हमको बफसूट से कुछ करना पड़ता है, क्योंकि कौन से टाइप का सेल वहाँ पर अपलोड होगा वो हमको नहीं पता, किस टाइप के एक्सटेंशन अपलोड होते हैं। मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि PHP का सेल अपलोड नहीं होता, डेवलपर्स को पता होता है कि PHP के वेब सेल होते हैं, तो लोग क्या करते हैं PHP को ब्लॉक करके रखते हैं। लेकिन जो PHP 5, PHP 3, PHP 2 ऐसे एक्सटेंशन अपलोड हो जाते हैं, कुछ कुछ केसेस में आप टेम्परिंग अटैक करके उसको चेंज कर देते हो बाद में, ठीक है, कुछ कुछ केसेस में आप जो इंक्लूडेड अटैक होता है बफसूट्स का यूज करके आप इंक्लूडेड अटैक करते हो और अपने काम को ऑटोमेट करते हो जो चेकिंग का प्रोसेस होता है। So just try to demonstrate how you can upload shell and how you can find
ए पैनल टू अपलोड योर वेबसाइट, ठीक है। मतलब कैसे है कि एक वेबसाइट के अंदर में आप ऐसे जगह ढूंढ सकते हो जिसके थ्रू आप कोई वेबसाइट को अपलोड करने का आपको मौका मिल जाए, ठीक है, और उस सर्वर के पूरा जो एक्सेस है वो आप ले पाओ, एकदम रूट एक्सेस। तो उसके बारे में आप डेमोन्स्ट्रेट करिए। सर, और उसके हाँ, पहले आफ्टर मैं दैट बता, हमारा और जो सेशन है वो एंड हो जाएगा। ओके अभी जो ये देखेंगे वेबिनार, तो उनको मैं ये भी बताना चाहूंगा यहाँ पे ही इनका ये काम अभी टर्मिनेट नहीं हुआ। अगर ये टर्मिनेट कर लेंगे वो ठीक है, टर्मिनेट तो कर लेंगे और यहाँ से लैब आप बंद भी कर दोगे सब कर लोगे, बट उससे पहले आपको अगर पॉइंट्स वगैरह गेन करना है तो आप जितने भी व्हाट इज यूजर नेम ये सब जो है वो उसको जो पूरा जो आंसर क्वेश्चन है उनको पूरा आंसर करोगे, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा और आप आपको ज्यादा अगले इसमें ज्यादा पॉइंट्स भी गेन कर पाओगे यार। तो मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर लूँ जो ये मशीन है। यस आपके पास कोई अनदर अकाउंट है तो उसको लॉग इन करिए तो अच्छा रहता है। यहाँ पे अपन अभी रूटमी का लैब जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। अभी ज्वाइन रूम करेंगे। रूडमी को मत करिए, भालना वर्सिटी को करिए। सर भालना वर्सिटी का करिए, भालना वर्सिटी वो थोड़ा सा ज्यादा एडवांस टेक्निक पर कवर होंगे, तो उसमें प्रिविलेज एस्केलेशंस तो है लेकिन इसके अंदर में थोड़ा सा शेल स्क्रिप्टिंग भी स्टूडेंट्स को पता चलेगा। ड्राइंग रूम कर लेंगे। यहाँ पे ये बताया गया है कि कनेक्ट टू आवर नेटवर्क, पहले डिप्लॉय करना है मशीन को, फिर उसके बाद अपना मेन एम है रिकनसेंस करना, मतलब एनमैप के थ्रू जितने जो भी आईपी है उसके थ्रू अपने को जानना कि कौन से पोर्ट यूज कर रहा है, और अगर कभी वर्जन वगैरह डिटेक्ट करने का बोला है यहाँ पे तो आप वर्जन वगैरह भी डिटेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे लोकेटिंग डायरेक्टरीज यूजिंग होवर्स टूल बताया है। कंप्राइजिंग द वेब सर्वर्स, फिर उसके बाद यहाँ पे अपन ये आपको मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि क्या करना है, बॉक्स शूट यूज करना वगैरह। और यहाँ पे पोर्ट लिसन करते हैं तो यहाँ पे ये भी आपको आगे बताया जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में ये होता है कि प्रिविलेज एस्केलेशन, तो पूरा प्रिविलेज मिल जाता है, फिर उसके बाद अपन रूट यूजर बन जाते हैं। Thank you.
अपन यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेंगे, और यहाँ पे अपन पहले आईपी जान लेते कि आईपी क्या है। आईपी जान लेते यहाँ पे अपन ने स्टार्ट। मैं मशीन स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे अपने को आईपी शो हो गया, तो अपन यहाँ पे जो एक्सपायर्स दिया हुआ है ना, वो 1 घंटा दिया हुआ रहता है हर एक लैब के लिए। अगर आप प्रीमियम नहीं लेते हो तो फिर आपको सिर्फ दिन में 1 घंटा प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बाद आपको अलग अलग आईडी के हिसाब से यूज करके फिर आपको एक्सेस करना पड़ेगा। अगर आप प्रीमियम ले लेते हो तो आप अनलिमिटेड लैब्स सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे नेटवर्क मैप करेंगे एंड मैप, उसके बाद उसके बाद अपन यहाँ पर आईपी डाल देंगे एंटर। यहाँ पे एंटर करने के बाद अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पे एफटीपी पोर्ट ओपन है, एसएसएच पोर्ट ओपन है, एडब्लॉक्स ओपन है, क्विड एचटीटीपी ओपन है, डेक नोट्स ओपन है, ठीक है। और यहाँ पे अपने जैसे डिप्लॉय तो कर लिया, रिकनसाइज भी कर लिया, तो यहाँ पे नीचे अगर अपन स्क्रोल करते हैं तो यहाँ पे ये बताते हैं कि पूछते कि हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन, तो यहाँ पे जितने भी पोर्ट्स है वो अपन गिन के यहाँ पे अपन आंसर कर देंगे। फिर उसके बाद पूछा गया व्हाट वर्जन ऑफ द स्पिट प्रॉक्सी इज रनिंग ऑन द मशीन। अपन ने यहाँ तो एनमैप कर लिया, यहाँ पे कोई वर्जन तो बता नहीं रहे, अपने को जानना है वर्जन। तो जैसे अपन ने पिछले लैब में किया था एनमैप हाइफन SV वर्जन फाइंड करने के लिए, वो अपन यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। iPhone SV, उसके बाद अपन यहाँ पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे 4। यहाँ पे आपको भी देखने को मिलेगा कि स्क्विड HTTP कौन सा प्रॉक्सी यूज कर रहा है, कौन सा वर्जन यूज कर रहा है प्रॉक्सी का। और ये स्क्विड का ही नहीं, जितने भी सर्वर हैं उनको पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वर्जन वगैरह आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा मिल रहा है, पूरा हर एक का वर्जन बताया जा रहा है। यहाँ पे FTP का वर्जन बताया जा रहा है कि कौन सा यूज कर रहा है, SSH का वर्जन बताया जा रहा है कौन सा यूज कर रहा है, नेट बायोस देखो सांबा SMVD 3.x iPhone 4.x वो यूज कर रहा है, उसके बाद नीचे वाला भी वही, और उसके बाद स्क्विड HTTP प्रॉक्सी 3.51। तो यहाँ पे आप आंसर कर सकते हो। और ये जो है हाउ मेनी पोर्ट्स एनमैप स्कैन इफ द फ्लैग 400 यूज, तो 400 ही आंसर, 400 मैक्स है। और उसके बाद जो है अपाचे HTTPD, तो ये देखो अपाचे सर्वर यूज कर रहा है, ओपन है। तो अपने को इस जो ये जो पोर्ट है, ये जो पोर्ट है उसको अपने को ये करने का है, मतलब वेब ब्राउजर में जाके इसको अभी अपने को खोलने का, क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन को अपन टच कर रहे हैं। यहाँ पे वेब ब्राउजर में अपन यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स खोल लेंगे, उसके बाद खुल जाता है, उसके बाद अपन आगे का स्टेप। यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, मैं तो यहाँ पे अच्छे से कर नहीं कर रहा। उसके बाद जो आईपी है वो यहाँ पे अपन प्रोवाइड कर देंगे 2.10.10.214.15।
उसके बाद अपन सीधा पिछले बैंड में जैसा अपन ने एंटर किया वैसा एंटर नहीं करेंगे। यहाँ पे जो पॉप, यहाँ पिछले बैंड में डिफॉल्ट पोर्ट 80 था, तो वो डिफॉल्ट पोर्ट में 80 जाके वो एंटर करोगे तो 80 डिफॉल्ट पोर्ट है, तो वो ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ऐसा नहीं होने का, ऐसा यहाँ पे पोर्ट है 3333, तो अपने को ऐसा स्पेसिफिकली देना पड़ेगा। ताकि अपने को पूरा जो अपने को ये पोर्ट पे अपन खोज भी जाए, और अपन वो पोर्ट पे क्या चल रहा है, कौन सा सर्विस मतलब कौन सा क्या चल रहा है वो पोर्ट पे सर्विस वगैरह, और क्या दिखा रहा है वो अपना वेब ब्राउजर में, वो भी अपन देखते हैं। लोड होने में ज़रा टाइम लेगा ये। इसमें जो पिछले वाले जो लैब है ना, जैसे जैसे सॉल्व किया वैसा नहीं है, इसमें अपने को बहुत अलग है। इसमें अपने को जो डिवाइस है, जो शेल अपलोड करना पड़ेगा, रिवर्स शेल बोलते हैं, वो अपलोड करने के बाद उसको इंजेक्ट करने के बाद अपने को आगे अपना आईपी वगैरह प्रोवाइड करके उस शेल में थोड़ा एडिट वगैरह करके, फिर बाद में अपने को जो पोर्ट से लिसन करने के बाद आगे कैसे एक्सेस पाना पड़ेगा। इसमें जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो लैब है वो खुल गया है यहाँ पे। हाँ, ये तब तक होने दीजिए। आप तब तक क्या करिए, आप इसका जो पोर्ट है ठीक है वो फाइंड कर, पोर्ट तो आपने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, तब इसके डायरेक्टरी स्कैन करिए, मतलब कौन से जगह पे क्या डायरेक्टरीज हो सकते हैं, तो उसके ऊपर में ब्रूट फोर्सिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो तब तक हमको डायरेक्टरी मिल जाएगा, और उसके बाद में ये जो होम पेज है इसके बाद में एक एक बात आप डाउनलोड कर देख सकते तो यहाँ पे अभी हैं। अपन डायरेक्टरी स्कैन करेंगे डब यूज करके, HTTP डबल कॉलम स्लैश स्लैश 10.10.214.15। उसके बाद डायरेक्ट एंटर ना मार के कॉलम देंगे 3333 के बाद एंटर। यहाँ पे डायरेक्टरी स्कैन हो चुका है, तो यहाँ पे अपने को स्पेसिफाई कर दिया है, यहाँ पे अपने को मिल गया है। ये देखो अपने को जो इंटरनल है उसको अपने को जाके ये करने का, तो अपन यहाँ पे ब्राउज ब्राउज कर लेंगे। हाँ, और जो बाकी डायरेक्टरीज है वो बहुत कॉमन है, वो सर्वर्स में होती ही है, जैसे कि CSS हो गया ठीक है, उसके कुछ फोल्डर्स हो गए, JS का हो गया ठीक है, इमेजेस का हो गया, ऐसी चीजें कॉमन है बहुत ही। जो यार थोड़ा सा अनकॉमन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अगर इंटरनल आप लिख रहे हो क्योंकि ऐसा तो कभी मे बी देखा इंटरनल नहीं के जाता अंदर ना, में जाके हम। ये सब जितने भी रहते हैं वो सब जगह दिखा जाता है आप अगर करोगे तो। बाकी ये जो इंटरनल है या फिर हाँ, सब अब जैसे कि पैनल है, पहले से ही, हाँ ये भालनाडेबल है, तो भालनाडेबल है, देख के पता चल रहा है कि भालनाडेबल यूनिवर्सिटी ऐसा। तो जब हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो उस केस में देखी जाएगी कि बहुत सारे ऐसे डायरेक्टरीज है जो थोड़ा सा कॉमन है, थोड़ा सा अनकॉमन है, तो आपको खोल खोल के देखना पड़ेगा कि किसमें क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप इस सब लैब कंप्लीट करेंगे उतने ही अलग अलग प्रॉब्लम हमको मिलेंगे, और उतना ही चीजें आप समझ जाओगे कि कौन सा डायरेक्टरी में क्या हो सकता है ठीक है, किस टाइप के डायरेक्टरीज में हो सकते हैं। जो ये लैब को डिजाइन करते हैं ना वो लोग अपने एक्सपीरियंस इसको बनाते हैं, तो मे भी कोई जगह पे ऐसा करके मिली होगी किसी को, और उस पे इंटरनल फोल्डर से ही अपलोड का ऑप्शन रहा होगा ठीक है, सर्वर में कुछ अपलोड करने के लिए आसानियत के लिए उन्होंने कुछ अपलोड का जगह रखा होगा, तो फाइल अपलोड के वल्नरेबिलिटी रह रहा होगा, तो उसे एक्सप्लॉइट कर सकते कोई हैकर फाइंड करके। तो बेसिकली यही चीज रहता है।
किसी का भी इंटरनल पे जा रहे हो, अभी तक लोडिंग हुआ नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके कौन को जो इस सेशन का रिकॉर्डिंग हो रहा है वो सही सलामत हो रहा है ना? एकदम सही सलामत। ये यहाँ पे बताया गया कि इंटरनल अपन अपन इंटरनल में फोल्डर मतलब जो डायरेक्टरी उसमें आ चुके हैं, तो यहाँ पे अपने को अपलोड करना है पीएचपी सेल, तो यहाँ पे अपन पीएचपी रिवर्सल गिटहब में जाके यहाँ से जो है पूरा कॉपी कर लेंगे। के बाद यहाँ पे अपन डायरेक्ट वहां जाके पेस्ट ना करके पहले यहाँ पे आके क्लिपबोर्ड ओपन करके पूरा यहाँ से मिटा के के बाद कंट्रोल वी कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से सीधा कंट्रोल कंट्रोल ए करके फिर कंट्रोल सी करके यहाँ पे ऐसा ना जाके यहाँ पे उसके पहले एक चीज करना है, वो है यहाँ पे अपना जो आई पी एड्रेस है वो अपने को प्रोवाइड करना है चल अपलोड करने से पहले। ये देखो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जो आईपी लिखा है ना वहाँ पे अपना आईपी एड्रेस अपना मतलब ये अपना जो टर्मिनल अपना जो अभी चल रहा है लिनक्स जो ये चल रहा है उसका आईपी एड्रेस अपने को यहाँ पे भी प्रोवाइड करने का। ये है 10.10.252 10.10.252.19। ओके तो ये अपन ने प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ पे अपन कंट्रोल ए करते हैं कंट्रोल सी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐसा करने के बाद यहाँ पे टर्मिनल से अपन नया नया वाला जो न्यू टर्मिनल न्यू टैब ओपन करके अपन एक नया वाला ये एडमी खोल लेते हैं नैनो shell.shell.। अब यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो, जैसे shell.php डाल सकते हो और देन आपको पता नहीं है कि php अपलोड होने वाला है कि नहीं होने वाला है, ज्यादातर किसी में नहीं होते, तो देन आप क्या कर सकते हो, आप बफसूट के माध्यम से ऑटोमेट कर सकते हो ऐसा कुछ। यस सर, यहां पे बफसूट अपन यहां पे तो बफसूट यूज करेंगे। पहला php नाम से हां php से ही आप बनाइए, php shell.php बनाइए और उसके बाद ना आप एक्सटेंशन बना देना पेलोड के ऑप्शन में जाके, ठीक है, उसका अलग अलग एक्सटेंशन का लिस्ट डाल देना .php हो गया .php 2 बस php 3 php 4 php 5 phtml जो भाल यूनिवर्सिटी के लैब सॉल्व करने के लोगों ने इंस्ट्रक्शन में भी लिखी हुई है कि ये जो लिस्ट आप यूज कर सकते हो। और GitHub के अंदर में भी ऐसे चीजों को करने के लिए बहुत सारे पेलोड मिल जाते हैं। ओके आप हमारी विजिटर्स को दिखाइए, ठीक है व्यूअर्स को, आप न्यू टैब में जाइए और INE का जो यहाँ पे बफसूट ओपन कर लिया है और यहाँ पे डैशबोर्ड है बफसूट में, टारगेट है, उसके बाद प्रॉक्सी है, उसके बाद इंक्लूडर है। यहाँ पे अपन प्रॉक्सी इंटरसेप्ट ऑन करेंगे, ऑफ नहीं रखना है, इंटरसेप्ट ऑन करके अपन यहाँ पे ब्राउजर पे जाएंगे, उसके बाद जो सबमिट बटन है, ब्राउज बटन नहीं सबमिट बटन, सबमिट बटन पे क्लिक करें कि अपने को जो बैक एंड पे जो चीज चल रही है अपने को वो जो वो सब चीजें अपने को यहाँ पे बॉक्सूट पे मिल जाए। तो अपन इसको मिनिमाइज कर लेंगे बॉक्सूट पे, ओके तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉक्सी में जाना है, इसको अपलोड करना है, यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर करना है आपको प्रॉक्सी को, ठीक है, आपको पहले प्रॉक्सी को स्टार्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद में इंटरसेप्ट ऑन करना है। आपके प्रॉक्सी जो है वो आपका एक्सटेंशन है, तो वहाँ से प्रॉक्सी प्रॉक्सी में ऑलरेडी आपका सेटअप होगा आपके पीछे में ब्राउजर में, तो जब उस पर आप अपने प्रॉक्सी को सेटअप कर देते हो तो वो काम करना स्टार्ट होता है। जैसे कि इंटरसेप्ट ऑन नहीं है अभी, आप इंटरसेप्ट ऑन के ऊपर क्लिक करिए और इंटरसेप्ट ऑन करिए और यहाँ से जो प्रॉक्सी है उसको भी स्टार्ट कर दीजिए। देन आपने जो शेल फाइल अगर बनाई है तो उसको अपलोड करिए, सबमिट बटन पे क्लिक करिए।
आप इनसे सब ऑन कर देंगे और यहाँ पे सबमिट अपन अलाउ कर देंगे, ताकि अपने को पीछे जो भी चल रहा है वो अपने को यहाँ पे पता चले। तो ये देखो, अपने को यहाँ पे जितने भी रिक्वेस्ट है वो अपने को यहाँ पे पता चल गया। तो अपन यहाँ पे राइट क्लिक करके इंट्रूडर में भेज देंगे। उसके बाद इंट्रूडर में जाने के बाद पोजीशंस, पोजीशंस में जाके पोजीशंस जो ओके ये तो आपने क्या किया है ना, आपने अभी अभी ए जो है आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करी है, लेकिन आपने कोई फाइल सिलेक्ट नहीं किया था पीएचपी का, तो वहां पर वो आया नहीं है एक्चुअली। तो आएगा अगर आप पीएचपी का स्केल अपलोड करेंगे तो। तो अभी इसको इंटरसेप्ट को बंद करिए और उस पर जाइए, उस पर भी प्रॉक्सी को बंद करिए, देन आप एक बार जो एक्सटेंशन अपलोडेड नहीं हो सकता उसको डाल के सबमिट बटन पर क्लिक करिए, मतलब फाइल को सिलेक्ट करिए। मैं कहने का मतलब ये है, आपने जो फाइल सिलेक्ट नहीं की हुई है, हाँ यहाँ पर फाइल आपने बनाई नहीं, इस पर डालिए, इसको कोड पेस्ट करिए इतना एकदम, और देन उसके बाद में आईपी चेंज करके आपका जो टारगेट मशीन होता है उसका आईपी आपको डालना होता है, आपको पता होगा, तो पहले से डाल के रखे हैं तो कोई बात नहीं। देन इसको ऑन करिए और वहां से अपलोड करने का जगह पे जाइए और इसको सिलेक्ट करिए, और जो चीजें अपलोड नहीं हो सकता जो पता है पहले से ही, उसी चीज को अपलोड करिए। ब्राउज करिए यहाँ से, इसको टर्न ऑफ, अभी टर्न ऑफ करने की जरूरत नहीं है, टर्न ऑन ही रखिए इसको। हाँ मैं वो टर्न ऑफ करने की अभी तो करेंगे, आपको पता है कि पीएचपी फाइल अपलोड नहीं होते, ठीक है, तो आप पीएचपी फाइल का ही सिलेक्ट करिए, अगर होता भी है तो भी आपको पता चल जाता है, ठीक है, यहाँ पे तो ओपन करिए इसको, हाँ, और उस पर सबमिट पे बटन क्लिक करिए आप, और इसके बाद में इसका इंटरसेप्ट पे जाइए, जो बॉक्सवुड में सिग्नल्स आएंगे उस पे जाइए और इसको जो है आप इसको रिपीटर में सेंड करिए एक बार, ठीक है, इसको रिपीटर में सेंड करिए आप, रिपीटर में सेंड करिए एक बार, रिपीटर में, ओके, तो रिपीटर में जाइए, अब ऊपर से रिपीटर में जाइए, ऊपर से रिपीटर में जाइए, तो देखिए यहाँ पर आ गया। तो अभी इस पे आप सेंड करते हो ना, तो ये जो साइड में आपका रिस्पांस आएगा, मतलब ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस है, मतलब जो ब्राउजर सेंड करता है सर्वर को भी, भाई मेरे को ये वेबसाइट विजिट करना है, तो वो ब्राउजर सेंड करता है, तो ब्राउजर क्लाइंट है, ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट बोलता है ना कि मेरे को वेबसाइट बनाकर दे दो, मेरे को वेबसाइट चाहिए, ऐसा बोलता है। हमारे जो क्लाइंट होते हैं ऐसे, वेबसाइट के क्लाइंट कौन होता है, वेबसाइट होते हैं सर्वर, ठीक है, जो आप प्रोवाइड करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सर्वर आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है, स्टोरेज के अंदर मैं कुछ एचटीएमएल का फाइल स्टोर कर देता हूँ तो वो साइड में दिख जाता है, एक चीज होता है। तो ब्राउजर आपको रिस्पॉन्स करता है आपके रिक्वेस्ट का, जो आपको अपने ब्राउजर से आप क्लाइंट से आप रिक्वेस्ट करते हो उसी का रिस्पॉन्स करता है, तो ही साइड जो है आपको विजिबल होता है। इसके लिए एचटीटीपी काम करता है, तो एचटीटीपी का अलग अलग स्टेटस कोड होते हैं, कुछ चीज आप नहीं देख सकते तो आपको इलीगल बता देगा 403 का, कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है क्लाइंट से रिटर्न आपको 404 दिखा देगा, कभी सर्वर रनिंग नहीं होते सर्वर डाउन हो जाता है तो 5500 का एरर देगा, ऐसे ऐसे अलग अलग चीजों में अलग अलग एचटीटीपी स्टेटस कोड में उसको दिखाई जाती है, कुछ चीज खुल गया मतलब 200 का होता है वो, तो ऐसे ऐसे होते हैं। अब इस पे आप जैसे कि इंट्रूडर में जाते हो, तो इंट्रूडर में जाके आप क्या कर सकते हो, आप इंट्रूडर में जाके इसके ऊपर में अटैक कर सकते हो, एक्चुअल जो अटैक हमको करना होता है कि किस किस टाइप के फाइल अवेलेबल है वो हम चेक करते हैं, हम कभी कभी ब्रूट फोर्स करने के लिए इंट्रूडर का यूज करते हैं, ठीक है, पेलोड्स लगा लगा के। ऐसे ही हम पहले क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि वो टाइप का फाइल का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, इसलिए हम रिपीटर में जाते हैं, यही चीज है, रिपीटर में जाके चेक करते हैं कि उसका रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, तो उसका एडिट वगैरह आप करने का कोशिश कर करके देख सकते हैं, यही चीज होता है। सर सबमिट करना पड़ेगा ना, क्योंकि सबमिट डॉट वो नहीं आया। हाँ इसको आपको इंट्रूडर में, हाँ एकदम इसको आपको इंट्रूडर, हाँ इसको आपको इंट्रूडर में जाना है इसको लेके, और देन इंट्रूडर को ओपन करना है, नहीं वो फॉरवर्ड इंट्रूडर में भेजना है, फॉरवर्ड नहीं करने का कुछ नहीं। सर ये आया, ये आ गया, ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये वाला चीज को आपको जो है इंट्रूडर में डालना है। पोजीशंस पे जाना है, इस पे देखिए ऑलरेडी कुछ चीज सिलेक्टेड है, देखिए
जो चीज सिलेक्टेड है आपके साइड में क्लियर पे जाके क्लियर कर लिया बस शेल डॉट पीएचपी को। और उसके बाद में जो शेल डॉट पीएचपी है उसमें जो पीएचपी का पार्ट है हाँ इसको आप सिलेक्ट करिए और ऊपर में जाके देखिए इसका ऐड का बटन होता है एकदम। तो इसके बाद में इसको नेक्स्ट जो है आपको करना पड़ेगा ऊपर में पेलोड में जाके और इसमें आपको लिखना पड़ेगा जैसे कि पीएचपी 5 पीएचपी 2 पीएचपी 3 पीएचपी 4 ऐसा करके लिखना पड़ेगा। पीएचपी 1 मतलब पीएचपी होता है जो भी है करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएचपी 5 पीएचपी हमारा पीएचपी डाल दो पीएचपी सिर्फ और सिर्फ डाल दो पीएचपी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा वो भी देख सकते हो आप। तो ये आपने पेलोड सेट कर दी यहाँ पे स्टार्ट अटैक कर देंगे नो देन आप अपने अटैक यहाँ पे सब यहाँ पे सबको 200 मिला हुआ है बाकी जो लेंथ है वो आप अगर देखेंगे उसमें पीएचपी 1737 है पीएचपी 41737 है पीएचपी 5737 है और पीएचपी 737 है। बाकी सबसे अलग क्या है पीएचटीएमएल में देखा जाए तो 723 अलग है। हाँ, और उसके रिस्पॉन्स देख उसके रिस्पॉन्स हम नीचे में चेक कर सकते हैं और रिस्पॉन्स में जाके अगर हम नीचे का क्लिक करेंगे तो हमको सक्सेस दिखाएगा जो पहले नॉट अलाउ दिखा रहा था सक्सेस मिल जाएगा। तो ये वाला हम शेल का एक्सटेंशन डालेंगे तो हम उसको चेंज कर बाकी अगर अपन PHTML की जगह पे कोई और जैसे PHP 4 क्लिक करते हैं और उसका रिस्पांस यहाँ पे चेक किया जाए नीचे करके तो यहाँ पे देखो अभी भी एक्सटेंशन नॉट अलाउड इसका मतलब ये है PHTML जो है उसका जो फाइल है वो अपन अपलोड shell.phtml ऐसा अपन ये करके सेव करके अपन उसको अपलोड किया जा सकता है उसको अपन चलिए उसको ऐसा करते हैं सही। यहाँ पे अपन बॉबसूट को बंद कर देंगे क्योंकि अभी अपने को बॉबसूट का कोई काम नहीं है यहाँ पे आप ये भी ऑफ कर देते हैं फॉक्सी प्रॉक्सी और एक बार लोड कर ऑफिस से एक बार कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे जाके आईपी डाल देते हैं आप अपना आईपी डाल देते हैं आप उसको ही मूव कर लेते मतलब एमवी का यूज करते हैं एमवी का यूज करके वो सेल का नाम डाल देते हैं जो अभी बना हुआ है और उसके बाद में स्पेस देके आपका नया जो एक्सचेंज ना बढ़ाना था उसका नाम दे देते तो आसान हो जाता। अब इसको करने की जरूरत नहीं है फिर से करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये नहीं करने की जरूरत है। अब इसको काटिए और टर्मिनल नया टर्मिनल ओपन करिए और उसमें जाके मूव कर लीजिए और उसका नया नाम दे दीजिए एमवी उसके बाद shell.php स्पेस देकर लिखिए नहीं ऐसा करके लिखने की जरूरत नहीं है काटिए उसको काटिए हाँ उसके बाद में लिखिए shell2.html PHTML तो अभी उस PHTML को आप अपलोड करिए yes, अभी ब्राउज पे जाएंगे ब्राउजर में जाइए उसके बाद ब्राउज करेंगे उसके बाद तो PHTML जो फाइल है तो अपने यहाँ ओपन करके आपको सबमिट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो अपन नेटकैट करेंगे नेट करने के बाद LVLP 1234
LVNP यहाँ पे इसलिए किया है, ये अपलोड होने के बाद, सबमिट बताने के बाद होने के बाद ये अपलोड हो जाता है, तो अपन अपलोड पे अपलोड होने के बाद सेल को अपन जब ओपन करेंगे यहाँ पे जो उसके पीछे जो चल रहा है वो लिसन करेगा पोर्ट। तो इसके लिए अपन ने नेटकैट करने के बाद हाइफन दे के LVNP 1234 दिया हुआ, ठीक है। मतलब जो सर्वर है वो सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे काम करता है, सर्वर और क्लाइंट। तो जब भी हम उस चीज को डाउनलोड करने के लिए, जैसे कोई MP4 फाइल होता है सर्वर में स्टोर रहता है, उसको क्लिक कर दो डाउनलोड हो जाता है। ऐसे जब सेल के आप क्लिक करते हो तो सर्वर साइड पर रन हो रहा है, राइट। तो PHP कभी डाउनलोड नहीं होता, तो ओपन करोगे तो लोडिंग होता रहेगा, लोडिंग होता रहेगा। लेकिन उसके अंदर में जो आप क्लिक करने का एक्टिविटी होता है उसमें लिखा रहता है कि जो सेल है आपका, जो मशीन जो सर्वर है उसके जो सेल है वो आपको मिल जाएगा। सेल एक्सेस मतलब उसके टर्मिनल का एक्सेस आपको मिल जाएंगे, और वो पर्टिकुलर एक पोर्ट पे मिलेंगे। क्योंकि जैसे कि आप HTTP चलाते हो तो वेबसाइट चलता है, FTP चलाते हो तो 214 पे चलता है, इसे एक अलग पोर्ट पे चलता है, तो हर सर्विस का अलग पोर्ट पे चलता है। तो हम एक पर्टिकुलर पोर्ट जैसे 1234 पोर्ट के अंदर में एक लिसनर चला रहे हैं, तो जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो उसका जो सिस्टम रहता है वो चला जाता है डायरेक्ट हमारे लिसनर के पास कि क्या एक्टिविटी हुआ, तो वहां पर चला जाता है। तो यही होता है बिहाइंड, ठीक है। चलना प्रिविलेज सेट करते यहाँ पर सिस्टम का, तो बाद में देखोगे आप, इसमें करने की कोई कुछ नहीं है। आप पहले जाके उसका एक्सेस लो लोड हो अपने गया। बापसूट का, उससे हो गया अपलोड नहीं हुआ है अभी, अपलोड होने के बाद में प्रिविलेज अभी करने की, नहीं वो मैं यहाँ निकाल पे कर रखा सिस्टम हूँ। कंट्रोल वगैरह का। वो तो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा ना क्या आपको करना है, तो दिन के बाद में। कुछ कुछ सर्वर के अंदर आपको पाइथन के माध्यम से करना पड़ेगा प्रिविलेज क्रिएशन, कुछ कुछ जगह पर आपको शेल स्क्रिप्टिंग से, सिस्टम कंट्रोल के अंदर से करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम किसे आपको पता नहीं होगा आपको किससे करना है, उसके लिए भी कमांड्स है आपको चेक करने के लिए कि किसके पास किस लेवल का ऑथोरिटी है और किसके पावर का मिस यूज करने वाले हो प्रिविलेज क्रिएशन करने के। अब जाइए उसमें, देखिए अपलोड हुआ कि नहीं, लोड हो रहा है, ओके। सक्सेस सक्सेस हो गया। तो यहाँ पे अपन जो अभी आप इंटरनल अपलोड फोल्डर, भी ये करेंगे के बाद यहाँ पे अपलोड सेव करेंगे। इंटरनल एल डालिए, एल डालिए, एन डालिए, एल डालिए, इंटरनल का एल कहाँ गया। यहाँ पे अपलोड लिख के एंटर कर देंगे, यहाँ पे ये मिल गया सेल PHTML और सेल टू PHTML। इसमें से जो यहाँ पे शेल PHTML को ओपन कर लेते हैं, और तो यहाँ पे वो तो हो गया। यहाँ देखो अपने को यहाँ पे पूरा लिसन हो रहा है, कोड जो है वो लिसन हो रहा है। तो उसके बाद आप एलएस करते हो तो इसके फाइल्स आपको करें मिल जाते हैं कि इसके अंदर में कौन सा फाइल्स होते हैं, वो हमको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात मेनली जो रहता है कि आप किस तरीके से फाइन करोगे कि किन के पास में सबसे ज्यादा अथॉरिटीज है, ठीक है। मतलब कुछ प्रिविलेज क्रिएशन करने के लिए जैसे कि हमने फाइंड का यूज कर सकते हैं, फाइंड कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा इसके कौन सा डायरेक्टरीज है और आपका एक्चुअल टास्क क्या है। तो पहले आपने भाल नंबर सी दी के जो टास्क है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, क्या क्या आपको दी गई है एग्जैक्ट दी, ठीक है। वहां पर आपको अलग अलग हिंट मिल जाते हैं, ठीक है। उसको आप देखिए, उसको सॉल्व करिए, तो फिर हम इसके ऊपर में काम। आपने फिलअप नहीं किया होगा राइट, ये पूरा क्वेश्चन नहीं, आंसर, ये नया आइडिया ना। ओके तो तो जैसे कि यहाँ पर बताया जा रही है कि सिस्टम के अंदर में ऐसा कौन सा चीज है जिसका यूज करके एसक्यूएल आईडी का विश्लेषण करी जा सकती है, ठीक है। ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो सिस्टम के अंदर में ऐसे जैसे कि मान के चलो हम सूडो का यूज करते हैं, तो किसी को रूट परमिशन के साथ रन करते हैं, है ना। अब वो पता होगा, कभी कभी अपाची जैसे सर्विसेज जो होते हैं कभी कभी इस
को भी हमको रन करना पड़ता है, ठीक है, परमिशन के साथ। तो हम इस टाइम पे सुडो का यूज नहीं करते, कुछ कुछ केस में हम यूज करते हैं सिस्टम कंट्रोल का, राइट। तो सिस्टम कंट्रोल का यूज करके हम कभी कभी फाइंड करते हैं, ठीक है, किस टाइप का वहाँ पर अथॉरिटी चाहिए वो आपको पता नहीं होता। तो सिस्टम कंट्रोल अपाची स्टार्ट करके भी आप स्टार्ट कर सकते हो, तो भी रूट परमिशन के साथ चलता है। लेकिन सिस्टम कंट्रोल मतलब वो सिस्टम सीटीएल होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई टूल है, हम रन कर रहे हैं और वो टूल रूट परमिशन चाहिए जाता है, तो पाइथन से रन करते हैं हम चीज। तो अगर पाइथन का लिखा हुआ टूल है तो पाइथन से रन करेंगे तो आराम से रन हो जाता है। जो टूल को रूट परमिशन नहीं चाहता वो हम डॉट स्लैश से उस प्रोग्राम का नाम लिख के भी रन कर सकते हैं। अब पाइथन से प्रोग्रामिंग करके हम कुछ भी चीज बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है पाइथन से ही तो खुलेगा। लेकिन पाइथन के पास में भी ऐसे कुछ परमिशन होते हैं या फिर सिस्टम कंट्रोल के पास में ऐसे कुछ परमिशन होते हैं जिसका मिस यूज कर सकते हैं, और वही चीज हम सीखने वाले हैं और उसको यूज करके उसके टास्क उसके पास एक ऐसा टास्क करवा सकते हैं जो टास्क का यूज करके हम रूट यूजेज पा सकते हैं। तो वही चीज के बारे में डिस्कशन करना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पार्ट, तो आसान से समझाने का कोशिश करेंगे। तो वो जो आपको मैंने भेजा एक कमेंट, आप उसको एंटर करिए और इससे क्या होता है कि पता लग जाता है आपको सिस्टम के अंदर में कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूटेबल है, और उसका एग्जीक्यूशन के अंदर में जाके हम ऐसे कुछ स्क्रिप्टिंग करके ऐसा कुछ चीजें लिख के ऐसा कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो हमको रूट प्रिविलेज दिला सकता है। तो ये कमेंट आप जब भी एंटर करेंगे आपको देखने को मिलेगा, जिसके पास में रूट परमिशन ऐसे -4000 का ही होगा वो यहाँ पर लिस्टेड हो जाएगा। तो ऐसे बिन के अंदर में एसयू का है तो वो रूट परमिशन के बिना खुलेगा नहीं। माउंट से हमारा कुछ काम है नहीं, पिंग से कुछ काम है नहीं, अनमाउंट से भी कुछ काम नहीं है, और है तो यहाँ पर एक ही चीज सिस्टम कंट्रोल से है। ऊपर में और भी चीज लिखी गई है जो बहुत ही अनकॉमन है। अगर अनकॉमन में से भी कुछ चीजें अगर होता है तो हम GTFO बिन जो एक प्रिविलेज एस्केलेशन करने का रिसोर्स है हम उसका थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम कंट्रोल जो है वो है, तो हम यहाँ पर सिस्टम SYS तो सिस्टम CTL का SUID में जाओगे तो इसका यूज करके हम कर सकते हैं। इसमें जो लिखा रहता है ना इसे यूज करेंगे, लेकिन आउटपुट में सेव करने के लिए बोल रहा है, इसमें हम कुछ चेंज करके लिखते हैं कि root.txt के अंदर पे जाना है और उसको आउटपुट में सेव करना है root.txt को, तो भी हम टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, वो भी हम बाद में कभी करेंगे। अभी के लिए हमको क्या करना है कि बैश जो बैश है उसको रूट प्रिविलेज दे देंगे। तो कभी आप बैश टैग पी डालोगे तो प्रिविलेज आपको मिल जाएंगे, ऐसा चीज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब डालिए उसको ओपन करिए न्यू में, और जो आईडी के बाद में जो लिखी हुई है ना, ठीक है, इसके जगह पे हम क्या रन करवाएंगे /bin/bash, ठीक है। इसको हाँ अभी इसके इसको हम परमिशन देंगे, मतलब जो बैश है इसको परमिशन देंगे, तो उसको सीएच मोड का परमिशन देना पड़ेगा। तो लिखिए सीएच मोड +s और उसके बाद में /bin/bash, उसके बाद में डबल कोटेशन जो है एंड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन कीप परमिशन टू बैश टू एग्जीक्यूट विद द रूट परमिशन रूट प्रिविलेज, ठीक है। आप इसको सेव कर देंगे, आप इस और इसके और प्लस के बीच में देखते कि एक अनवांटेड स्पेस है उसको रिमूव करिए, और आई थिंक आपने जो स्पेस दी हुई है एस भी जो लिखी हुई है आपने वो भी स्मॉल में लिखना चाहिए आपको, राइट। ओके, तो सेज मोड +s स्मॉल में, उसके बाद में बिन बैश और नीचे का जो बिन /bin सिस्टम कंट्रोल है वो भी आपको करना पड़ता है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक टेम्पररी फाइल बन रहा है सिस्टम के अंदर में, तो सिस्टम का साइन दी हुई है, मेक टेम करके सर्विस यहाँ पर बनाई जा रही है,
ठीक है, और उसके बाद में आप देख सकते हो उसके जो स्ट्रक्चर ऑफ कोड है उसमें वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा है, जिसमें वो सीएच मोड के थ्रू बिन बैश को परमिशन दे रहा है, सर्विस इंस्टॉल कर रहा है जो लिनक्स के मल्टी यूजर के थ्रू मांगी जा रही है, ऐसा बताई जा रही है। तो सही से पेस्ट नहीं हो पाया लगता है। सही से पेस्ट करिए। अभी हुआ नहीं। अब वो कोड एक बार फिर से खोलिए, जो कोड में हमने पेस्ट किया था वो कोड एक बार फिर से खोलिए। तो इसमें शायद कैपिटल ऐसा वन आएगा। शॉट आपने, आपको मैंने बोला था स्पेस को हटाने के लिए, सिस्टम कंट्रोल के एस को आपने हटाया नहीं, फेज मोड, फेज मोड के बाद में जो फेज मोड प्लस एस है ना, फेज मोड प्लस एस, आप अच्छे से देखिए, और वहां पर बिन बैश क्यों डाल दिया आपने, इसे में बिन बैश नहीं लिखना चाहिए था, मैंने फोकस नहीं किया, बिन डैश सिस्टम कंट्रोल होगा। अरे वेट वेट वेट, मैं ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सिस्टम कंट्रोल का हटाइए, हमने तो इसको काटे था पहले भी, सिस्टम कंट्रोल को हटाइए, बैश तक रखिए, अरे बिन बैश होगा। नो डाउट बिन बैश तो होगा, लेकिन बिन बैश के सामने जो आपने एस डाला है ना, एस और प्लस के बीच में स्पेस नहीं रहेगा पाया। ओके 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 ओके। तो उसके बाद में नीचे में देखिए बिन बैश लिखी हुई आपने, और बिन सिस्टम कंट्रोल होगा। नाउ ट्राई, डोंट क्राई। एंटर तो एक बार मार दीजिए, उसमें एक बार एंटर मारिए। अरे यार अभी एंटर आप मारिए, टेस्ट ही नहीं हुआ ढंग से, टेस्ट ही नहीं हुआ आपका, पेस्ट नहीं किया, पेस्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ पेस्ट, देख लीजिए एक बार, पूरा कॉपी करिए कंट्रोल से, हाँ उसके बाद में डालिए, अभी करिए। कैसा अभी ओके हुआ? अभी यहाँ पर लिखिए आप बैस डैश पी, बैस सिस डैश पी, बैस सिस डैश पी। एंटर। हु एम आई? यस सर। ओके। तो आप इस सेल का कनेक्शन को काटिए, नया करके सेल का एक्सेस कीजिए। और नया करके उसको सेल का एक्सेस कीजिए, कट कर चेंज कीजिए। अभी वो जो टोटल कमांड है उसको वहां से उठा के लेके आइए और डालिए। एक बार फिर से एंटर मारिए, एक बार फिर से एंटर मारिए। ओके अप करिए, बैश डैश पी। ओके डन। तो रूट हमको मिल गया, अभी हम रूट फोल्डर के अंदर में जाएंगे तो रूट फ्लैग कलेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, देखिए जैसे कि हम अगर रूट कर देते हैं तो प्रूफ के लिए हमको रूट फोल्डर के अंदर पे जो टीएक्सटी फाइल स्टोर रहता है उसको देखना पड़ता है, जो वैसे हैकिंग लैब्स खेलते हो। ओके तो ओके इसको डाउट करते हैं।
परमानेंट कर दूंगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर थे उसको आप फिलअप करिए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर इस लैब के थ्रू अलग अलग पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नॉलेज से मिल रहा है। प्रॉब्लम्स आते हैं ना इसमें, ऐसा तो नहीं है कि एकदम हो जाता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ जगह पर गलत लिखते कुछ करते, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक चीज हो गया। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ तो बताने का तरीका भी होना चाहिए सही था, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी जो ट्रेनर्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल सही होना चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट समझेंगे नहीं चीजों को, है ना। ये भी चीज हो जाता है, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशन लेके जो लोग काम करते हैं उनको भी ऐसा करके काम समझाना पड़ता है, और भी जो प्रोफेशनल्स होते हैं बच्चों को नहीं, प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल्स को समझा, उस केसेस में भी उनको अच्छा खासा कम्युनिकेशन होना चाहिए, तब जाके सही से वो लोग अपने नॉलेज डिलीवर कर पाए। ये भी एक बात है। तो आशा करता हूँ आज का सेशन जो है इनफ है, ठीक है, लर्नर्स के लिए जो लोग साइबर सिक्योरिटी में स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो कैसे वो लोग अपना लीडरशिप करियर स्टार्ट कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में, उसके ऊपर में हमारा आज का सेशन था, ठीक है। तो कौन को